जवान मूवी एक्शन और थ्रिल से भरपूर है, जिसको एटली ने डायरेक्ट किया है और वो इसके को राइटर भी हैं। इसे गौरी खान और गौरव वर्मा ने रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के तहत प्रोड्यूस किया है। इसमें शाहरुख खान का डबल किरदार है। इनके साथ नयनतारा, विजय सी थोपनी, दीपिका पेडुकोन, परिमानी और सानिया मल्होत्रा हैं। इसकी फोटोग्राफी का आगाज सितंबर 2021 में पुणे, बॉम्बे, हैदराबाद, चेन्नई और औरंगाबाद में हुआ। फिल्म का साउंड ट्रैक और बैकग्राउंड नीरज रविचंद्र ने तरतीब दिया था। इसकी सिनेमाटोग्राफी जी के शैनव ने की थी और एडिटिंग रोबन ने। जवान को इब्तदाई तौर पर 2 जून 2023 को रिलीज करने का मंसूबा बनाया गया था, लेकिन पोस्ट प्रोडक्शन नामुकम्मल होने की वजह से इसे मुलतवी कर दिया गया था। बाद में इसे 7 दिसंबर 2023 को IMAX और DX4 फॉर्मेट में रिलीज करने का प्रोग्राम बनाया गया। अब आते हैं जवान मूवी की स्टोरी पे। इसमें विक्रम राठौर एक साबिक फौजी हैं जो अपने माजी की इसलाह के लिए पुरअज़म हैं, जहां वो मुल्क भर में होने वाली डकैतियों के सिलसिले में 6 हुनरमंद खवातीन की टीम की क्यादत करते हैं और मुंबई मेट्रो को हाईजैक करता है। विक्रम को मालूम हुआ है कि इसका तवील अरसे से खोया हुआ बेटा आज़ाद राठौर एक ईमानदार पुलिस अफसर है, जिसे काली ने निशाना बनाया है, जो दुनिया का चौथा सबसे बड़ा असला डीलर है। विक्रम काले को खत्म करने के मिशन पर निकलता है। अगर इसकी कास्ट की बात की जाए तो शाहरुख खान विक्रम राठौर और आज़ाद राठौर के दोहरे किरदार में देखे जाएंगे। नयनतारा काले के तौर पर, विजय से तोपनी दीपिका पेडुकोन, विजय से तोपती दीपिका खसूसी रूप में नजर आएंगे। परिमानी, सुनील गौरव, रद्दी डोगरा, सानिया मल्होत्रा, संजीता भट्टाचार्य, आलिया कुरैशी, योगी बाबा, इजाज खान, आस्था अग्रवाल, जाफर सादक, गणेश गौरन, रविंदर वजे और संजय दत्त एक मुख्तसर किरदार में नजर आएंगे। 2019 के आखिर में ही अफवाह थी कि शाहरुख खान तमिल फिल्म डायरेक्टर एटली के साथ मिलकर काम करेंगे। मई 2021 में ये इतला मिली कि फिल्म बंदी जल्द ही शुरू हो जाएगी। इस फिल्म को गौरी खान ने रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के तहत प्रोड्यूस किया, जबकि गौरव वर्मा को प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। ये फिल्म 300 करोड़ रुपये के बजट से बनाई जा रही है। एटली ने हदायतकार के तौर पर एस रोमाना ग्रीवासन के साथ मिलकर फिल्म का स्क्रिप्ट लिखा। सुमित अरोड़ा ने मुकालमों में तआवन किया। एटली ने सिनेमाटोग्राफर जी के वैष्णव, एडिटर रोबन, आर्ट डायरेक्टर टी मेथोराज और असिस्टेंट डायरेक्टर अनिल आरसो समेत अपने ज्यादातर म्यारी तकनीकी माहरीन को स्पिरो रिजास्ट्रो, क्रेग मैकरा, यांग बैन कमगदारी और सुनील रोड रैगस को असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर इस्तेमाल किया। फिल्म के डांस कोरियोग्राफरों में फराह खां, विभावी मर्चेंट, शोभी और ललिता शामिल हैं। मुकेश जाबड़ा कास्टिंग डायरेक्टर थे। खान ने बाप और बेटे के तौर पर डबल किरदार अदा किया। वो 6 मुख्तलिफ रूपों में नजर आएंगे। नयनतारा को खान के मध्य मुकाबल खतून मरकजी किरदार के तौर पर फाइनल किया गया। इस तरह उनकी फिल्म बंदी में पहली शुरुआत हुई। परिमानी, सुनील ग्रोवर, सानिया मल्होत्रा और योगी बाबा बाद में कॉस्ट में शामिल हुए। एक दहाई के बाद खान के साथ दोबारा मिलते हुए बाबू ने आखिरी बार चेन्नई एक्सप्रेस 2013 में खान के मध्य मुकाबल काम किया था। राणा दुगोपती को मुखालफ करदार की पेशकश की गई थी, लेकिन सेहत के मसाइल का वाला देते हुए इनकार कर दिया और इस तरह यह किरदार विजय सोपनी के पास चला गया। दीपिका पेडुकोन अगस्त 2022 में कास्ट में शामिल हुए। मार्च से 2023 में संजय दत्त एक एक्शन सीन के दौरान एक कैमियो के लिए शूटिंग के लिए कास्ट में शामिल हुए। फोटोग्राफी का आगाज सितंबर 2021 में पुणे में हुआ। शाहरुख खान और नयनतारा 10 दिनों की शूटिंग में शामिल हुए। पुणे मेट्रो में शूटिंग की जाने वाली ये पहली फिल्म है। खान की जून 2022 में हैदराबाद में शूटिंग दोबारा शुरू हुई। नयनतारा ने अपनी शादी के बाद 26 जून 2022 को बॉम्बे के शेड्यूल में शमूलियत तैयार की। अगस्त में अगला शेड्यूल चेन्नई में शुरू हुआ, जहां दीपिका पेडुकोन ने अपना मुख्तसर सा हिस्सा शूट किया। बाद में विजय सेतुपति शूट में शामिल हुए। खान और सेतुपति के दरमियान कुछ एक्शन सीक्वेंस शेड्यूल किए गए। जिंदा बंदा गाना इस शेड्यूल के दौरान जेल में फिल्माया गया। 5 दिन तक शूट होने वाले इस गाने में 1000 डांसर शामिल हुए और इसकी कोरियोग्राफी शोभी पडराज ने की थी। इसके बाद गाना भी दोबारा शूट किया गया और इसे तमिल वर्जन में वंदा एडम और तेलुगु वर्जन में धुम्मे दोली पीला के तौर पर शामिल किया गया। एक माह तक का तवील चेन्नई का शेड्यूल 7 अक्टूबर को ख़त्म हुआ। अगला शेड्यूल राजस्थान में
अक्टूबर में मुनक्कद हुआ। खान और नयनतारा इस 20 दिन के शेड्यूल में शामिल हुए। अगला शेड्यूल फरवरी 2023 में मुनक्कद हुआ, जहां खान ने अपने कुछ मनाजर शूट किए। संजय दत्त 20 मार्च 2023 को शूट में शामिल हुए। एक्शन से भरपूर कैमियो शूट करने के लिए अप्रैल 2023 में चलिया के इनवान से एक गाना शूट किया गया, जिसमें खान और नयनतारा शामिल थे। इसी महीने के आखिर में एक गाना जिसमें खान और दीपिका पेडकोन शामिल थे, उनके मौसर किरदार के लिए फिल्म सिटी मुंबई में शूट किया गया। दोनों गानों की कोरियोग्राफी फराह खान ने की थी। जुलाई के मिड में एक गाना नॉट रमैया वस्ता भैया शूट किया गया, जिसमें खान और नयनतारा शामिल हैं। वे बॉबी मर्चेंट की कोरियोग्राफी मुंबई के यशराज स्टूडियो में की गई। फिल्म की पोस्ट प्रोडक्शन जनवरी 2023 तक शुरू हुई और 6 माह तक जारी रही, क्योंकि फिल्म में कंप्यूटर ग्राफिक्स हैरी हेंग्रोनी ने फिल्म के VFX प्रोड्यूसर के तौर पे कैतनिया देव के साथ काम किया। किन्नर राजन ने साउंड डिजाइनर के तौर पे काम किया। अगस्त 2023 के शुरू में तैयार हो चुकी थी और इसे CBFC इदारे को जमा करा दिया गया था। 22 अगस्त 2023 को फिल्म को 169 मिनट के रन टाइम के साथ सेंसर बोर्ड से AU सर्टिफिकेट मिला। निर्वत को फिल्म के लिए कंपोज करने के लिए चुना गया। मौसीकी के राइट्स टी सीरीज ने हासिल किए। 2 मिनट के प्रोमो वीडियो में शामिल ट्रैक जवान प्रिव्यू थीम 10 जुलाई 2023 को जारी किया गया। इसमें राजा कुमारी ने रैप लिखा और परफॉर्म किया, जिसमें अनिर्वत और बेंजंग ने परफॉर्म किया। फिल्म का टाइटल एक झलक वीडियो के साथ 3 जून 2022 को जारी किया गया था। बाद में फिल्म मुलतवी हो गई और 6 मई 2023 को एक मोशन पोस्टर के जरिए नई रिलीज की तारीख का ऐलान किया गया। 10 जुलाई 2023 को एक टीजर ट्रेलर जारी किया गया। यह 24 घंटों में 112 मिलियन से ज़्यादा राय के साथ सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला हिंदुस्तानी टीजर बन गया। बाद में टीजर को मिशन इम्पॉसिबल, डेड रिकॉनिंग पार्ट 1 और गदर 2 के प्रिंट के साथ सिनेमा हॉल्स में मुंसलिक किया गया। फिल्म के ऑफिशियल ट्रेलर की नकाब कशाई 31 अगस्त 2023 को हुई। उसी दिन खान अपने मुद्दाहों के साथ ट्रेलर की रिलीज का जश्न मनाने दुबई पहुंचे और बुर्ज खलीफा पर इसकी नुमाइश की गई। ये बांग्लादेश में एक ही दिन रिलीज होने वाली पहली फिल्म है। पेन मनोदर इंटरटेनमेंट के बैनर के तहत शुमाली हिंदुस्तान और मगरबी हिंदुस्तान के सिनेमा हॉल के हकूक हासिल किए। श्री गोलगम मूवीज ने तमिलनाडु और केरला में फिल्म थिएटर के डिस्ट्रीब्यूशन के हकूक हासिल किए और तमिलनाडु में रेड जॉइंट मूवीज़ और केरला में ड्रीम बग फिल्म के तहत रिलीज होंगे। श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए तकसीम के हकूक हासिल किए। मैसूर के इलाके के हकूक पैनोरामा स्टूडियो ने हासिल किए। FSV ने मगरबी बंगाल और अडीसा के लिए राजश्री प्रोडक्शन के हकूक हासिल किए। प्रकाश पिक्चर फिल्म ने बहार में हकूक हासिल किए। बैरून मुल्क फिल्म दिखाने के हकूक यशराज फिल्म को फरोख्त किए गए। होम स्क्रीन एंटरटेनमेंट ने सिंगापुर डिस्ट्रीब्यूशन के हकूक खरीदे, जबकि लाइट हाउस डिस्ट्रीब्यूशन ने स्पेन के लिए हकूक हासिल किए। एक्शन कट एंटरटेनमेंट रॉन्ग दोनों ग्रुप के साथ मिलकर बांग्लादेश में फिल्म की तकसीम के हकूक हासिल किए। फ्राइडे एंटरटेनमेंट इस फिल्म को फ्रांस में दिखाएगी। जवान मूवी एक्शन और थ्रिल से भरपूर है, जिसको एटली ने डायरेक्ट किया है और वो इसके को राइटर भी हैं। इसे गौरी खां और गौरव वर्मा ने रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के तहत प्रोड्यूस किया है। इसमें शाहरुख खान का डबल किरदार है। इनके साथ नयनतारा, विजय सिंह थोपनी, दीपिका पेडकोन, परिमानी और सानिया मल्होत्रा हैं। इसकी फोटोग्राफी का आगाज सितंबर 2021 में पुणे, बम्बे, हैदराबाद, चेन्नई और औरंगाबाद में हुआ। फिल्म का साउंड ट्रैक और बैकग्राउंड नीरज रविचंद्र ने तरतीब दिया था। इसकी सिनेमाटोग्राफी GK शैनव ने की थी और एडिटिंग रोबन ने। जवान को इब्तदाई तौर पर 2 जून 2023 को रिलीज करने का मंसूबा बनाया गया था, लेकिन पोस्ट प्रोडक्शन नामुकम्मल होने की वजह से इसे मुलतवी कर दिया गया था। बाद में इसे 7 सितंबर 2023 को IMAX और DX4 फॉर्मेट में रिलीज करने का प्रोग्राम बनाया गया। अब आते हैं जवान मूवी की स्टोरी पे। इसमें विक्रम राठौर एक साबिक फौजी हैं जो अपने माजी की इसलाह के लिए पुरअज़म हैं, जहां वो मुल्क भर में होने वाली डकैतियों के सिलसिले में 6 हुनरमंद खवातीन की टीम की क्यादत करते हैं और मुंबई मेट्रो को हाईजैक करता है। विक्रम को मालूम हुआ है कि इसका तवील अरसे से खोया हुआ बेटा आज़ाद राठौर
एक ईमानदार पुलिस अफसर है जिसे काली ने निशाना बनाया है, जो दुनिया का चौथा सबसे बड़ा असला डीलर है। विक्रम काले को खत्म करने के मिशन पर निकलता है। अगर इसकी कास्ट की बात की जाए तो शाहरुख खान, विक्रम राठौर और आजाद राठौर के दोहरे किरदार में देखे जाएंगे। नयनतारा काले के तौर पर विजय से तोपनी दीपिका पेडकोन, विजय से तोपती दीपिका खसूसी रूप में नजर आएंगे। प्रीमानी सुनील गौरव, रद्दी डोगरा, सानिया मल्होत्रा, संजीता भट्टाचार्य, आलिया कुरैशी, योगी बाबा, इजाज खां, आस्था अग्रवाल, जाफर सादक, गणेश गौरन, रविंदर वजे और संजय दत्त एक मुख्तसर किरदार में नजर आएंगे। 2019 के आखिर में ही अफवाह थी कि शाहरुख खान तमिल फिल्म डायरेक्टर एटली के साथ मिलकर काम करेंगे। मई 2021 में ये इतला मिली कि फिल्म बंदी जल्द ही शुरू हो जाएगी। इस फिल्म को गौरी खान ने रेड चिलीज इंटरटेनमेंट के तहत प्रोड्यूस किया, जबकि गौरव वर्मा को प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। ये फिल्म 300 करोड़ रुपए के बजट से बनाई जा रही है। एटली ने हदायतकार के तौर पर एस रोमानागिरीवासन के साथ मिलकर फिल्म का स्क्रिप्ट लिखा। सुमित अरोड़ा ने मुकालमों में तआवन किया। एटली ने सिनेमाटोग्राफर जी के वैष्णव, एडिटर रोबन, आर्ट डायरेक्टर टी मेथोराज और असिस्टेंट डायरेक्टर अनिल आरसो समेत अपने ज्यादातर म्यारी तकनीकी माहरीन को स्पिरो रिज़ास्ट्रो, क्रेग मैकरा, यांग बैन, कमुगदारी और सुनील रोड्रिगेस को असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर इस्तेमाल किया। फिल्म के डांस कोरियोग्राफरों में फराह खां, विभावी मर्चेंट, शोभी और नलिता शामिल हैं। मुकेश जाबड़ा कास्टिंग डायरेक्टर थे। खान ने बाप और बेटे के तौर पर डबल किरदार अदा किया। वो 6 मुख्तलिफ रूपों में नजर आएंगे। नयनतारा को खान के मध्य मुकाबल खतून मरकजी किरदार के तौर पर फाइनल किया गया। इस तरह उनकी फिल्म बंदी में पहली शुरुआत हुई। परिमानी, सुनील ग्रोवर, सानिया मल्होत्रा और योगी बाबा बाद में कास्ट में शामिल हुए। एक दहाई के बाद खान के साथ दोबारा मिलते हुए बाबू ने आखिरी बार चेन्नई एक्सप्रेस 2013 में खान के मध्य मुकाबल काम किया था। राणा दुगोपती को मुखालफ करदार की पेशकश की गई थी, लेकिन सेहत के मसाइल का वाला देते हुए इनकार कर दिया और इस तरह यह किरदार विजय सोपनी के पास चला गया। दीपिका पेडकोन अगस्त 2022 में कास्ट में शामिल हुए। मार्च से 2023 में संजय दत्त एक एक्शन सीन के दौरान एक कैमियो के लिए शूटिंग के लिए कास्ट में शामिल हुए। फोटोग्राफी का आगाज सितंबर 2021 में पुणे में हुआ। शाहरुख खान और नयनतारा 10 दिनों की शूटिंग में शामिल हुए। पुणे मेट्रो में शूटिंग की जाने वाली ये पहली फिल्म है। खान की जून 2022 में हैदराबाद में शूटिंग दोबारा शुरू हुई। नयनतारा ने अपनी शादी के बाद 26 जून 2022 को बम्बई के शेड्यूल में शमूलियत तैयार की। अगस्त में अगला शेड्यूल चेन्नई में शुरू हुआ, जहाँ दीपिका पेडकोन ने अपना मुख्तसर सा हिस्सा शूट किया। बाद में विजय सेतोपती शूट में शामिल हुए। खान और सेतोपती के दरमियान कुछ एक्शन सीक्वेंस शेड्यूल किए गए। जिंदा बंदा गाना इस शेड्यूल के दौरान जेल में फिल्माया गया। 5 दिन तक शूट होने वाले इस गाने में 1000 डांसर शामिल हुए और इसकी कोरियोग्राफी शोभी पटराज ने की थी। इसके बाद गाना भी दोबारा शूट किया गया और इसे तमिल वर्जन में वंदा एडम और तेलुगु वर्जन में धुम्मे दोली पीला के तौर पर शामिल किया गया। एक माह तक का तवील चेन्नई का शेड्यूल 7 अक्टूबर को ख़त्म हुआ। अगला शेड्यूल राजस्थान में अक्टूबर में मुनक्कद हुआ। खान और नयनतारा इस 20 दिन के शेड्यूल में शामिल हुए। अगला शेड्यूल फरवरी 2023 में मुनक्कद हुआ, जहां खान ने अपने कुछ मनाजर शूट किए। संजय दत्त 20 मार्च 2023 को शूट में शामिल हुए। एक्शन से भरपूर कैमियो शूट करने के लिए अप्रैल 2023 में चलिया के इनवान से एक गाना शूट किया गया, जिसमें खान और नयनतारा शामिल थे। इसी महीने के आखिर में एक गाना जिसमें खान और दीपिका पेडकोन शामिल थे उनके मुख्तसर किरदार के लिए फिल्म सिटी मुंबई में शूट किया गया। दोनों गानों की कोरियोग्राफी फराह खान ने की थी। जुलाई के मिड में एक गाना नॉट रमैया वस्तावैया शूट किया गया, जिसमें खान और नयनतारा शामिल हैं। वे बॉबी मर्चेंट की कोरियोग्राफी मुंबई के यशराज स्टूडियो में की गई। फिल्म की पोस्ट प्रोडक्शन जनवरी 2023 तक शुरू हुई और 6 माह तक जारी रही, क्योंकि फिल्म में कंप्यूटर ग्राफिक्स हैरी हेंग्रोनी ने फिल्म के VFX प्रोड्यूसर के तौर पे कैतनिया देव के साथ काम किया। किनार राजन ने साउंड डिजाइनर के तौर पे काम किया। अगस्त 2023 के शुरू में तैयार हो चुकी थी और इसे
CBFC इदारे को जमा करा दिया गया था। 22 अगस्त 2023 को फिल्म को 169 मिनट के रन टाइम के साथ सेंसर बोर्ड से AU सर्टिफिकेट मिला। निर्वत को फिल्म के लिए कंपोज करने के लिए चुना गया। मौसीकी के राइट्स टी सीरीज ने हासिल किए। 2 मिनट के प्रोमो वीडियो में शामिल ट्रैक जवान प्रिजू थीम 10 जुलाई 2023 को जारी किया गया। इसमें राजा कुमारी ने रैप लिखा और परफॉर्म किया, जिसमें अनिर्वध और बेंजंग ने परफॉर्म किया। फिल्म का टाइटल एक झलक वीडियो के साथ 3 जून 2022 को जारी किया गया था। बाद में फिल्म मुलतवी हो गई और 6 मई 2023 को एक मोशन पोस्टर के जरिए नई रिलीज की तारीख का ऐलान किया गया। 10 जुलाई 2023 को एक टीजर ट्रेलर जारी किया गया। यह 24 घंटों में 112 मिलियन से ज़्यादा राय के साथ सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला हिंदुस्तानी टीजर बन गया। बाद में टीजर को मिशन इम्पॉसिबल, डेड रिकॉनिंग पार्ट 1 और गदर 2 के प्रिंट के साथ सिनेमा हॉल्स में मुंसलिक किया गया। फिल्म के ऑफिशियल ट्रेलर की नकाब कशाई 31 अगस्त 2023 को हुई। उसी दिन खान अपने मुद्दाहों के साथ ट्रेलर की रिलीज का जश्न मनाने दुबई पहुंचे और बुर्ज खलीफा पर इसकी नुमाइश की गई। ये बांग्लादेश में एक ही दिन रिलीज होने वाली पहली फिल्म है। पेन मनोदर इंटरटेनमेंट के बैनर के तहत शुमाली हिंदुस्तान और मगरबी हिंदुस्तान के सिनेमा हॉल के हकूक हासिल किए। श्री गोलगम मूवीज ने तमिलनाडु और केरला में फिल्म थिएटर के डिस्ट्रीब्यूशन के हकूक हासिल किए और तमिलनाडु में रेड जॉइंट मूवीज और केरला में ड्रीम बग फिल्म के तहत रिलीज होंगे। श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए तकसीम के हकूक हासिल किए। मैसूर के इलाके के हकूक पैनोरामा स्टूडियो ने हासिल किए। FSV ने मगरबी बंगाल और अडीसा के लिए राजश्री प्रोडक्शन के हकूक हासिल किए। प्रकाश पिक्चर फिल्म ने बहार में हकूक हासिल किए। बैरून मुल्क फिल्म दिखाने के हकूक यश राज फिल्म को फरोख्त किए गए। होम स्क्रीन एंटरटेनमेंट ने सिंगापुर डिस्ट्रीब्यूशन के हकूक खरीदे, जबकि लाइट हाउस डिस्ट्रीब्यूशन ने स्पेन के लिए हकूक हासिल किए। जवान मूवी एक्शन और थ्रिल से भरपूर है, जिसको एटली ने डायरेक्ट किया है और वो इसके को राइटर भी हैं। इसे गौरी खां और गौरव वर्मा ने रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के तहत प्रोड्यूस किया है। इसमें शाहरुख खान का डबल किरदार है। इनके साथ नयनतारा, विजय सिंह थोपनी, दीपिका पेडुकोन, परिमानी और सानिया मल्होत्रा हैं। इसकी फोटोग्राफी का आगाज सितंबर 2021 में पुणे, बम्बे, हैदराबाद, चेन्नई और औरंगाबाद में हुआ। फिल्म का साउंडट्रैक और बैकग्राउंड नीरज रविचंद्र ने तरतीब दिया था। इसकी सिनेमाटोग्राफी GK शैनव ने की थी और एडिटिंग रोबन ने। जवान को इब्तदाई तौर पर 2 जून 2023 को रिलीज करने का मंसूबा बनाया गया था, लेकिन पोस्ट प्रोडक्शन नामुकम्मल होने की वजह से इसे मुलतवी कर दिया गया था। बाद में इसे 7 सितंबर 2023 को IMAX और DX4 फॉर्मेट में रिलीज करने का प्रोग्राम बनाया गया। अब आते हैं जवान मूवी की स्टोरी पे। इसमें विक्रम राठौर एक साबिक फौजी हैं, जो अपने माजी की इसलाह के लिए पुरअज़म हैं, जहां वो मुल्क भर में होने वाली डकैतियों के सिलसिले में 6 हुनरमंद खवातीन की टीम की क्यादत करते हैं और मुंबई मेट्रो को हाईजैक करता है। विक्रम को मालूम हुआ है कि इसका तवील अरसे से खोया हुआ बेटा आज़ाद राठौर एक ईमानदार पुलिस अफसर है, जिसे काली ने निशाना बनाया है, जो दुनिया का चौथा सबसे बड़ा असला डीलर है। विक्रम काले को खत्म करने के मिशन पर निकलता है। अगर इसकी कास्ट की बात की जाए तो शाहरुख खान विक्रम राठौर और आज़ाद राठौर के दोहरे किरदार में देखे जाएंगे। नयनतारा काले के तौर पर विजय से तोपनी दीपिका पेडुकोन, विजय से तोपती दीपिका खसूसी रूप में नजर आएंगे। परिमानी, सुनील गौरव, रद्दी डोगरा, सानिया मल्होत्रा, संजीता भट्टाचार्य, आलिया कुरैशी, योगी बाबा, इजाज खां, आस्था अग्रवाल, जाफर सादक, गणेश गौरन, रविंदर वजे और संजय दत्त एक मुख्तसर किरदार में नजर आएंगे। 2019 के आखिर में ही अफवाह थी कि शाहरुख खान तमिल फिल्म डायरेक्टर एटली के साथ मिलकर काम करेंगे। मई 2021 में ये इतला मिली कि फिल्म बंदी जल्द ही शुरू हो जाएगी। इस फिल्म को गौरी खान ने रेड चिलीज इंटरटेनमेंट के तहत प्रोड्यूस किया, जबकि गौरव वर्मा को प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। ये फिल्म 300 करोड़ रुपये के बजट से बनाई जा रही है। एटली ने हदायतकार के तौर पर एस रोमानागिरीवासन के साथ मिलकर फिल्म का स्क्रिप्ट लिखा। सुमित अरोड़ा ने मुकालमों में तआवन किया। एटली ने सिनेमाटोग्राफर GK वैष्णव,
एडिटर रोबन, आर्ट डायरेक्टर टीम एथोराज और असिस्टेंट डायरेक्टर अनिल आरसो समेत अपने ज्यादातर म्यारी तकनीकी माहरीन को स्पिरो रिजास्ट्रो, क्रेग मैकरा, यान बैन, कम गुदारी और सुनील रोड्रिगेस को असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर इस्तेमाल किया। फिल्म के डांस कोरियोग्राफरों में फराह खां, विभावी मर्चेंट, शोभी और नलिता शामिल हैं। मुकेश जाबड़ा कास्टिंग डायरेक्टर थे। खान ने बाप और बेटे के तौर पर डबल किरदार अदा किया। वो 6 मुख्तलिफ रूपों में नजर आएंगे। नैन थारा को खान के मध्य मुकाबल खतून मरकजी किरदार के तौर पर फाइनल किया गया। इस तरह उनकी फिल्म मंदी में पहली शुरुआत हुई। परिमानी, सुनील ग्रोवर, सानिया मल्होत्रा और योगी बाबा बाद में कास्ट में शामिल हुए। एक दहाई के बाद खान के साथ दोबारा मिलते हुए बाबू ने आखिरी बार चेन्नई एक्सप्रेस 2013 में खान के मध्य मुकाबल काम किया था। रानत गोपती को मुखालफ करदार की पेशकश की गई थी, लेकिन सेहत के मसाइल का वाला देते हुए इनकार कर दिया और इस तरह यह किरदार विजय सोपनी के पास चला गया। दीपिका पेडकोन अगस्त 2022 में कास्ट में शामिल हुए। मार्च सन 2023 में संजय दत्त एक एक्शन सीन के दौरान एक कैमियो के लिए शूटिंग के लिए कास्ट में शामिल हुए। फोटोग्राफी का आगाज सितंबर 2021 में पुणे में हुआ। शाहरुख खान और नयनतारा 10 दिनों की शूटिंग में शामिल हुए। पुणे मेट्रो में शूटिंग की जाने वाली ये पहली फिल्म है। खान की जून 2022 में हैदराबाद में शूटिंग दोबारा शुरू हुई। नयनतारा ने अपनी शादी के बाद 26 जून 2022 को बम्बई के शेड्यूल में शमूलियत तैयार की। अगस्त में अगला शेड्यूल चेन्नई में शुरू हुआ, जहां दीपिका पेडुकोन ने अपना मुख्तसर सा हिस्सा शूट किया। बाद में विजय सेतोपती शूट में शामिल हुए। खान और सेतोपती के दरमियान कुछ एक्शन सीक्वेंस शेड्यूल किए गए। जिंदा बंदा गाना इस शेड्यूल के दौरान जेल में फिल्माया गया। 5 दिन तक शूट होने वाले इस गाने में 1000 डांसर शामिल हुए और इसकी कोरियोग्राफी शोभी पटराज ने की थी। इसके बाद गाना भी दोबारा शूट किया गया और इसे तमिल वर्जन में वंदा एडम और तेलुगु वर्जन में धम्मे दोलीपिला के तौर पर शामिल किया गया। एक माह तक का तवील चेन्नई का शेड्यूल 7 अक्टूबर को ख़त्म हुआ। अगला शेड्यूल राजस्थान में अक्टूबर में मुनक्कद हुआ। खान और नयनतारा इस 20 दिन के शेड्यूल में शामिल हुए। अगला शेड्यूल फरवरी 2023 में मुनक्कद हुआ, जहाँ खान ने अपने कुछ मनाजर शूट किए। संजय दत्त 20 मार्च 2023 को शूट में शामिल हुए। एक्शन से भरपूर कैमियो शूट करने के लिए अप्रैल 2023 में चलिया के इनवान से एक गाना शूट किया गया, जिसमें खान और नयनतारा शामिल थे। इसी महीने के आखिर में एक गाना जिसमें खान और दीपिका पेडुकोन शामिल थे उनके मुख्तसर किरदार के लिए फिल्म सिटी मुंबई में शूट किया गया। दोनों गानों की कोरियोग्राफी फराह खान ने की थी। जुलाई के मिड में एक गाना नॉट रमैया वस्तावैया शूट किया गया, जिसमें खान और नयनतारा शामिल हैं। वे बॉबी मर्चेंट की कोरियोग्राफी मुंबई के यशराज स्टूडियो में की गई। फिल्म की पोस्ट प्रोडक्शन जनवरी 2023 तक शुरू हुई और 6 माह तक जारी रही, क्योंकि फिल्म में कंप्यूटर ग्राफिक्स हैरी हेंग्रोनी ने फिल्म के VFX प्रोड्यूसर के तौर पे कैतनिया देव के साथ काम किया। किनार राजन ने साउंड डिजाइनर के तौर पे काम किया। अगस्त 2023 के शुरू में तैयार हो चुकी थी और इसे CBFC इदारे को जमा करा दिया गया था। 22 अगस्त 2023 को फिल्म को 169 मिनट के रन टाइम के साथ सेंसर बोर्ड से AU सर्टिफिकेट मिला। निर्वत को फिल्म के लिए कंपोज करने के लिए चुना गया। मौसीकी के राइट्स टी सीरीज ने हासिल किए। 2 मिनट के प्रोमो वीडियो में शामिल ट्रैक जवान प्रिव्यू थीम 10 जुलाई 2023 को जारी किया गया। इसमें राजा कुमारी ने रैप लिखा और परफॉर्म किया, जिसमें अनिर्वत और बेंजंग ने परफॉर्म किया। फिल्म का टाइटल एक झलक वीडियो के साथ 3 जून सन 2022 को जारी किया गया था। बाद में फिल्म मुलतवी हो गई और 6 मई 2023 को एक मोशन पोस्टर के जरिए नई रिलीज की तारीख का ऐलान किया गया। 10 जुलाई 2023 को एक टीजर ट्रेलर जारी किया गया। ये 24 घंटों में 112 मिलियन से ज़्यादा राय के साथ सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला हिंदुस्तानी टीजर बन गया। बाद में टीजर को मिशन इम्पॉसिबल, डेड रिकॉनिंग पार्ट 1 और गदर 2 के प्रिंट के साथ सिनेमा हॉल्स में मुंसलिक किया गया। फिल्म के ऑफिशियल ट्रेलर की नकाब कशाई
31 अगस्त 2023 को हुई। उसी दिन खान अपने मुद्दाहों के साथ ट्रेलर की रिलीज का जश्न मनाने दुबई पहुंचे और बुर्ज खलीफा पर इसकी नुमाइश की गई। ये बांग्लादेश में एक ही दिन रिलीज होने वाली पहली फिल्म है। पेन मनोदर इंटरटेनमेंट के बैनर के तहत शुमाली हिंदुस्तान और मगरबी हिंदुस्तान के सिनेमा हॉल के हकूक हासिल किए। श्री गोलकम मूवीज़ ने तमिलनाडु और केरला में फिल्म थिएटर के डिस्ट्रीब्यूशन के हकूक हासिल किए और तमिलनाडु में रेड जॉइंट मूवीज़ और केरला में ड्रीम बग फिल्म के तहत रिलीज होंगे। श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए तकसीम के हकूक हासिल किए। मैसूर के इलाके के हकूक पैनोरामा स्टूडियो ने हासिल किए। FSV ने मगरबी बंगाल और अडीसा के लिए राजश्री प्रोडक्शन के हकूक हासिल किए। प्रकाश पिक्चर फिल्म ने बहार में हकूक हासिल किए। बैरून मुल्क फिल्म दिखाने के जवान मूवी एक्शन और थ्रिल से भरपूर है, जिसको एटली ने डायरेक्ट किया है और वो इसके को राइटर भी हैं। इसे गोरी खां और गौरव वर्मा ने रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के तहत प्रोड्यूस किया है। इसमें शाहरुख खान का डबल किरदार है। इनके साथ नयनतारा, विजय सिंह थोपनी, दीपिका पेडकोन, परिमानी और सानिया मल्होत्रा हैं। इसकी फोटोग्राफी का आगाज सितंबर 2021 में पुणे, बॉम्बे, हैदराबाद, चेन्नई और औरंगाबाद में हुआ। फिल्म का साउंड ट्रैक और बैकग्राउंड नीरज रविचंद्र ने तरतीब दिया था। इसकी सिनेमाटोग्राफी GK शैनव ने की थी और एडिटिंग रोबन ने। जवान को इब्तदाई तौर पर 2 जून 2023 को रिलीज करने का मंसूबा बनाया गया था, लेकिन पोस्ट प्रोडक्शन नामुकम्मल होने की वजह से इसे मुलतवी कर दिया गया था। बाद में इसे 7 सितंबर 2023 को IMAX और DX4 फॉर्मेट में रिलीज करने का प्रोग्राम बनाया गया। अब आते हैं जवान मूवी की स्टोरी पे। इसमें विक्रम राठौर एक साबिक फौजी हैं जो अपने माजी की इसलाह के लिए पुरअज़म हैं, जहां वो मुल्क भर में होने वाली डकैतियों के सिलसिले में 6 हुनरमंद खवातीन की टीम की क्यादत करते हैं और मुंबई मेट्रो को हाईजैक करता है। विक्रम को मालूम हुआ है कि इसका तवील अरसे से खोया हुआ बेटा आज़ाद राठौर एक ईमानदार पुलिस अफसर है, जिसे काली ने निशाना बनाया है, जो दुनिया का चौथा सबसे बड़ा असला डीलर है। विक्रम काले को खत्म करने के मिशन पर निकलता है। अगर इसकी कास्ट की बात की जाए तो शाहरुख खान विक्रम राठौर और आज़ाद राठौर के दोहरे किरदार में देखे जाएंगे। नयनतारा काले के तौर पर विजय सिंह थोपनी, दीपिका पेडकोन विजय से तोपती दीपिका खसूसी रूप में नजर आएंगे। परिमानी, सुनील गौरव, रद्दी डोगरा, सानिया मल्होत्रा, संजीता भट्टाचार्य, आलिया कुरैशी, योगी बाबा, इजाज़ खां, आस्था अग्रवाल, जाफर सादक, गणेश गौरन, रविंदर वजे और संजय दत्त एक मुख्तसर किरदार में नजर आएंगे। 2019 के आखिर में ही अफवाह थी कि शाहरुख खान तमिल फिल्म डायरेक्टर एटली के साथ मिलकर काम करेंगे। मई 2021 में ये इतला मिली कि फिल्म बंदी जल्द ही शुरू हो जाएगी। इस फिल्म को गोरी खान ने रेड चिलीज इंटरटेनमेंट के तहत प्रोड्यूस किया, जबकि गौरव वर्मा को प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। ये फिल्म 300 करोड़ रुपये के बजट से बनाई जा रही है। एटली ने हदायतकार के तौर पर एस्ट्रो मानागिरीवासन के साथ मिलकर फिल्म का स्क्रिप्ट लिखा। सुमित अरोड़ा ने मुकालमों में तआवन किया। एटली ने सिनेमाटोग्राफर GK वैष्णव, एडिटर रोबन, आर्ट डायरेक्टर टी मेथोराज और असिस्टेंट डायरेक्टर अनिल आरसो समेत अपने ज्यादातर म्यारी तकनीकी माहरीन को स्पिरो रिज़ास्ट्रो, क्रेग मैकरा, यांग बैन, कमगदारी और सुनील रोड्रिगेस को असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर इस्तेमाल किया। फिल्म के डांस कोरियोग्राफरों में फराह खां, विभावी मर्चेंट, शोभी और नलिता शामिल हैं। मुकेश जाबड़ा कास्टिंग डायरेक्टर थे। खान ने बाप और बेटे के तौर पर डबल किरदार अदा किया। वो 6 मुख्तलिफ रूपों में नजर आएंगे। नयनतारा को खान के मध्य मुकाबल खतून मरकजी किरदार के तौर पर फाइनल किया गया। इस तरह उनकी फिल्म बंदी में पहली शुरुआत हुई। परिमानी, सुनील ग्रोवर, सानिया मल्होत्रा और योगी बाबा बाद में कास्ट में शामिल हुए। एक दहाई के बाद खान के साथ दोबारा मिलते हुए बाबू ने आखिरी बार चेन्नई एक्सप्रेस 2013 में खान के मध्य मुकाबल काम किया था। राणा दुगोपती को मुखालफ किरदार की पेशकश की गई थी, लेकिन सेहत के मसाइल का वाला देते हुए इनकार कर दिया और इस तरह ये किरदार विजय सोपनी के पास चला गया। दीपिका पेडकोन अगस्त 2022 में कास्ट में शामिल हुई।
मार्च सन 2023 में संजय दत्त एक एक्शन सीन के दौरान एक कैमियो के लिए शूटिंग के लिए कॉस्ट में शामिल हुए। फोटोग्राफी का आगाज सितंबर 2021 में पुणे में हुआ। शाहरुख खान और नयनतारा 10 दिनों की शूटिंग में शामिल हुए। पुणे मेट्रो में शूटिंग की जाने वाली ये पहली फिल्म है। खान की जून 2022 में हैदराबाद में शूटिंग दोबारा शुरू हुई। नयनतारा ने अपनी शादी के बाद 26 जून 2022 को बम्बई के शेड्यूल में शमूलियत तैयार की। अगस्त में अगला शेड्यूल चेन्नई में शुरू हुआ, जहां दीपिका पादुकोण ने अपना मुख्तसर सा हिस्सा शूट किया। बाद में विजय सेतुपति शूट में शामिल हुए। खान और सेतुपति के दरमियान कुछ एक्शन सीक्वेंस शेड्यूल किए गए। जिंदा बंदा गाना इस शेड्यूल के दौरान जेल में फिल्माया गया। 5 दिन तक शूट होने वाले इस गाने में 1000 डांसर शामिल हुए और इसकी कोरियोग्राफी शोभी पडराज ने की थी। इसके बाद गाना भी दोबारा शूट किया गया और इसे तमिल वर्जन में वंदा एडम और तेलुगु वर्जन में धम्मे दोली पीला के तौर पर शामिल किया गया। एक माह तक का तवील चेन्नई का शेड्यूल 7 अक्टूबर को ख़त्म हुआ। अगला शेड्यूल राजस्थान में अक्टूबर में मुनक्कद हुआ। खान और नयनतारा इस 20 दिन के शेड्यूल में शामिल हुए। अगला शेड्यूल फरवरी 2023 में मुनक्कद हुआ, जहां खान ने अपने कुछ मनाजर शूट किए। संजय दत्त 20 मार्च 2023 को शूट में शामिल हुए। एक्शन से भरपूर कैमियो शूट करने के लिए अप्रैल 2023 में चलिया के इनवान से एक गाना शूट किया गया, जिसमें खान और नयनतारा शामिल थे। इसी महीने के आखिर में एक गाना जिसमें खान और दीपिका पादुकोण शामिल थे उनके मुख्तसर किरदार के लिए फिल्म सिटी मुंबई में शूट किया गया। दोनों गानों की कोरियोग्राफी फराह खान ने की थी। जुलाई के मिड में एक गाना नॉट रमैया वस्तावैया शूट किया गया, जिसमें खान और नयनतारा शामिल हैं। वे बॉबी मर्चेंट की कोरियोग्राफी मुंबई के यशराज स्टूडियो में की गई। फिल्म की पोस्ट प्रोडक्शन जनवरी 2023 तक शुरू हुई और 6 माह तक जारी रही, क्योंकि फिल्म में कंप्यूटर ग्राफिक्स हैरी हेंग्रोनी ने फिल्म के VFX प्रोड्यूसर के तौर पे केतन यादेव के साथ काम किया। किनार राजन ने साउंड डिजाइनर के तौर पे काम किया। अगस्त 2023 के शुरू में तैयार हो चुकी थी और इसे CBFC इदारे को जमा करा दिया गया था। 22 अगस्त 2023 को फिल्म को 169 मिनट के रन टाइम के साथ सेंसर बोर्ड से AU सर्टिफिकेट मिला। अनिर्वत को फिल्म के लिए कंपोज करने के लिए चुना गया। मौसीकी के राइट्स टी सीरीज ने हासिल किए। 2 मिनट के प्रोमो वीडियो में शामिल ट्रैक जवान प्रियु थीम 10 जुलाई 2023 को जारी किया गया। इसमें राजा कुमारी ने रैप लिखा और परफॉर्म किया, जिसमें अनिर्वत और बेंजंग ने परफॉर्म किया। फिल्म का टाइटल एक झलक वीडियो के साथ 3 जून 2022 को जारी किया गया था। बाद में फिल्म मुलतवी हो गई और 6 मई 2023 को एक मोशन पोस्टर के जरिए नई रिलीज की तारीख का ऐलान किया गया। 10 जुलाई 2023 को एक टीजर ट्रेलर जारी किया गया। ये 24 घंटों में 112 मिलियन से ज़्यादा राय के साथ सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला हिंदुस्तानी टीजर बन गया। बाद में टीजर को मिशन इम्पॉसिबल, डेड रिकॉनिंग पार्ट 1 और गदर 2 के प्रिंट के साथ सिनेमा हॉल्स में मुंसले किया गया। फिल्म के ऑफिशियल ट्रेलर की नकाब कशाई 31 अगस्त 2023 को हुई। उसी दिन खान अपने मुद्दाहों के साथ ट्रेलर की रिलीज का जश्न मनाने दुबई पहुंचे और बुर्ज खलीफा पर इसकी नुमाइश की गई। ये बांग्लादेश में एक ही दिन रिलीज होने वाली पहली फिल्म है। पेन मनोदर इंटरटेनमेंट के बैनर के तहत शुमाली हिंदुस्तान और मगरबी हिंदुस्तान के सिनेमा हॉल के हकूक हासिल किए। श्री गोलगम मूवीज ने तमिलनाडु और केरला में फिल्म थिएटर के डिस्ट्रीब्यूशन के हकूक हासिल किए और तमिलनाडु में रेड जॉइंट मूवीज और केरला में ड्रीम बग फिल्म के तहत रिलीज होंगे। श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए तकसीम के हकूक हासिल किए। मैसूर के इलाके के हकूक पैनोरामा स्टूडियो ने हासिल किए। FSV ने मगरबी बंग जवान मूवी एक्शन और थ्रिल से भरपूर है, जिसको एटली ने डायरेक्ट किया है और वो इसके को राइटर भी हैं। इसे गोरी खां और गौरव वर्मा ने रेड चिलीज इंटरटेनमेंट के तहत प्रोड्यूस किया है। इसमें शाहरुख खां का डबल किरदार है। इनके साथ नयनतारा, विजय सेतुपति,
दीपिका पेडुकोन, परिमानी और सानिया मल्होत्रा हैं। इसकी फोटोग्राफी का आगाज सितंबर 2021 में पुणे, बॉम्बे, हैदराबाद, चेन्नई और औरंगाबाद में हुआ। फिल्म का साउंड ट्रैक और बैकग्राउंड नीरज रविचंद्र ने तरतीब दिया था। इसकी सिनेमाटोग्राफी जीके शैनव ने की थी और एडिटिंग रोबन ने। जवान को इब्तदाई तौर पर 2 जून 2023 को रिलीज करने का मंसूबा बनाया गया था, लेकिन पोस्ट प्रोडक्शन नामुकम्मल होने की वजह से इसे मुलतवी कर दिया गया था। बाद में इसे 7 सितंबर 2023 को आईमैक्स और DX4 फॉर्मेट में रिलीज करने का प्रोग्राम बनाया गया। अब आते हैं जवान मूवी की स्टोरी पे। इसमें विक्रम राठौर एक साबिक फौजी हैं जो अपने माजी की इसलाह के लिए पुरअज़म हैं, जहां वो मुल्क भर में होने वाली डकैतियों के सिलसिले में 6 हुनरमंद खवातीन की टीम की क्यादत करते हैं और मुंबई मेट्रो को हाईजैक करता है। विक्रम को मालूम हुआ है कि इसका तवील अरसे से खोया हुआ बेटा आज़ाद राठौर एक ईमानदार पुलिस अफसर है जिसे काली ने निशाना बनाया है, जो दुनिया का चौथा सबसे बड़ा असला डीलर है। विक्रम काले को खत्म करने के मिशन पर निकलता है। अगर इसकी कास्ट की बात की जाए तो शाहरुख खान विक्रम राठौर और आज़ाद राठौर के दोहरे किरदार में देखे जाएंगे। नयनतारा काले के तौर पर विजय सेतोपनी, दीपिका पेडुकोण विजय सेतोपती, दीपिका खसूसी रूप में नजर आएंगे। परिमानी सुनील गौरव, रद्दी डोगरा, सानिया मल्होत्रा, संजीता भट्टाचार्य, आलिया कुरैशी, योगी बाबा, इजाज़ खान, आस्था अग्रवाल, जाफर सादक, गणेश गौरन, रविंदर वजे और संजय दत्त एक मुख्तसर किरदार में नजर आएंगे। 2019 के आखिर में ही अफवाह थी कि शाहरुख खान तमिल फिल्म डायरेक्टर एटली के साथ मिलकर काम करेंगे। मई 2021 में ये इतला मिली कि फिल्म बंदी जल्द ही शुरू हो जाएगी। इस फिल्म को गौरी खान ने रेड चिलीज इंटरटेनमेंट के तहत प्रोड्यूस किया, जबकि गौरव वर्मा को प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। ये फिल्म 300 करोड़ रुपये के बजट से बनाई जा रही है। एटली ने हदायतकार के तौर पर एस रोमानागिरीवासन के साथ मिलकर फिल्म का स्क्रिप्ट लिखा। सुमित अरोड़ा ने मुकालमों में तआवन किया। एटली ने सिनेमाटोग्राफर जीके वैष्णव, एडिटर रोबन, आर्ट डायरेक्टर टी मेथोराज और असिस्टेंट डायरेक्टर अनिल आरसो समेत अपने ज्यादातर म्यारी तकनीकी माहरीन को स्पिरो रिज़ास्ट्रो, क्रेग मैकरा, यांग बैन, कमगदारी और सुनील रोड्रिगेस को असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर इस्तेमाल किया। फिल्म के डांस कोरियोग्राफरों में फराह खां, विभावी मर्चेंट, शोभी और नलिता शामिल हैं। मुकेश जाबड़ा कास्टिंग डायरेक्टर थे। खान ने बाप और बेटे के तौर पर डबल किरदार अदा किया। वो 6 मुख्तलिफ रूपों में नजर आएंगे। नयनतारा को खान के मध्य मुकाबल खतून मरकजी किरदार के तौर पर फाइनल किया गया। इस तरह उनकी फिल्म बंदी में पहली शुरुआत हुई। परिमानी, सुनील ग्रोवर, सानिया मल्होत्रा और योगी बाबा बाद में कास्ट में शामिल हुए। एक दहाई के बाद खान के साथ दोबारा मिलते हुए बाबू ने आखिरी बार चेन्नई एक्सप्रेस 2013 में खान के मध्य मुकाबल काम किया था। राणा दुगोपती को मुखालफ करदार की पेशकश की गई थी, लेकिन सेहत के मसाइल का वाला देते हुए इनकार कर दिया और इस तरह ये किरदार विजय सोपनी के पास चला गया। दीपिका पेडुकोण अगस्त 2022 में कास्ट में शामिल हुई। मार्च सन 2023 में संजय दत्त एक एक्शन सीन के दौरान एक कैमियो के लिए शूटिंग के लिए कास्ट में शामिल हुए। फोटोग्राफी का आगाज सितंबर 2021 में पुणे में हुआ। शाहरुख खान और नयनतारा 10 दिनों की शूटिंग में शामिल हुए। पुणे मेट्रो में शूटिंग की जाने वाली ये पहली फिल्म है। खान की जून 2022 में हैदराबाद में शूटिंग दोबारा शुरू हुई। नयनतारा ने अपनी शादी के बाद 26 जून 2022 को बॉम्बे के शेड्यूल में शमूलियत तैयार की। अगस्त में अगला शेड्यूल चेन्नई में शुरू हुआ, जहां दीपिका पेडुकोण ने अपना मुख्तसर सा हिस्सा शूट किया। बाद में विजय सेतोपती शूट में शामिल हुए। खान और सेतोपती के दरमियान कुछ एक्शन सीक्वेंस शेड्यूल किए गए। जिंदा बंदा गाना इस शेड्यूल के दौरान जेल में फिल्माया गया। 5 दिन तक शूट होने वाले इस गाने में 1000 डांसर शामिल हुए और इसकी कोरियोग्राफी शोभी पटराज ने की थी। इसके बाद गाना भी दोबारा शूट किया गया और इसे तमिल वर्जन में वंदा एडम और तेलुगु वर्जन में धुम्मे दोली पीला के तौर पर शामिल किया गया। एक माह तक का तवील चेन्नई का शेड्यूल 7 अक्टूबर को ख़त्म हुआ।
अगला शेड्यूल राजस्थान में अक्टूबर में मुनक्कद हुआ। खान और नयनतारा इस 20 दिन के शेड्यूल में शामिल हुए। अगला शेड्यूल फरवरी 2023 में मुनक्कद हुआ, जहां खान ने अपने कुछ मनाजर शूट किए। संजय दत्त 20 मार्च 2023 को शूट में शामिल हुए। एक्शन से भरपूर कैमियो शूट करने के लिए अप्रैल 2023 में चलिया के इनवान से एक गाना शूट किया गया, जिसमें खान और नयनतारा शामिल थे। इसी महीने के आखिर में एक गाना जिसमें खान और दीपिका पेडकोन शामिल थे, उनके मौसर किरदार के लिए फिल्म सिटी मुंबई में शूट किया गया। दोनों गानों की कोरियोग्राफी फराह खान ने की थी। जुलाई के मिड में एक गाना नॉट रमैया वस्ता वैया शूट किया गया, जिसमें खान और नयनतारा शामिल हैं। वे बॉबी मर्चेंट की कोरियोग्राफी मुंबई के यश राज स्टूडियो में की गई। फिल्म की पोस्ट प्रोडक्शन जनवरी 2023 तक शुरू हुई और 6 माह तक जारी रही, क्योंकि फिल्म में कंप्यूटर ग्राफिक्स हैरी हेंग्रोनी ने फिल्म के VFX प्रोड्यूसर के तौर पे कैतनिया देव के साथ काम किया। किनार राजन ने साउंड डिजाइनर के तौर पे काम किया। अगस्त 2023 के शुरू में तैयार हो चुकी थी और इसे CBFC इदारे को जमा करा दिया गया था। 22 अगस्त 2023 को फिल्म को 169 मिनट के रन टाइम के साथ सेंसर बोर्ड से AU सर्टिफिकेट मिला। निर्वत को फिल्म के लिए कंपोज करने के लिए चुना गया। मौसीकी के राइट्स टी सीरीज ने हासिल किए। 2 मिनट के प्रोमो वीडियो में शामिल ट्रैक जवान प्रियु थीम 10 जुलाई 2023 को जारी किया गया। इसमें राजा कुमारी ने रैप लिखा और परफॉर्म किया, जिसमें अनिर्वत और बेंजंग ने परफॉर्म किया। फिल्म का टाइटल एक झलक वीडियो के साथ 3 जून 2022 को जारी किया गया था। बाद में फिल्म मुलतवी हो गई और 6 मई 2023 को एक मोशन पोस्टर के जरिए नई रिलीज की तारीख का ऐलान किया गया। 10 जुलाई 2023 को एक टीजर ट्रेलर जारी किया गया। यह 24 घंटों में 112 मिलियन से ज़्यादा राय के साथ सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला हिंदुस्तानी टीजर बन गया। बाद में टीजर को मिशन इम्पॉसिबल, डेड रिकॉनिंग पार्ट 1 और गदर 2 के प्रिंट के साथ सिनेमा हॉल्स में मुंसले किया गया। फिल्म के ऑफिशियल ट्रेलर की नकाब कशाई 31 अगस्त 2023 को हुई। उसी दिन खान अपने मुद्दाहों के साथ ट्रेलर की रिलीज का जश्न मनाने दुबई पहुंचे और बुर्ज खलीफा पर इसकी नमाइश की गई। ये बांग्लादेश में एक ही दिन रिलीज होने वाली पहली फिल्म है। पेन मनोदर इंटरटेनमेंट के बैनर के तहत शुमाली हिंदुस्तान और मगरबी हिंदुस्तान के सिनेमा हॉल के हकूक हासिल किए। श्री गोलगम मूवीज ने तमिलनाडु और केरला में फिल्म थिएटर के डिस्ट्रीब्यूशन के हकूक हासिल किए और तमिलनाडु में रेड जॉइंट मूवीज और केरला में ड्रीम बुक फिल्म के तहत रिलीज होंगे। श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए तकसीम के हकूक हासिल किए। मैं जवान मूवी एक्शन और थ्रिल से भरपूर है, जिसको एटली ने डायरेक्ट किया है और वो इसके को राइटर भी हैं। इसे गौरी खां और गौरव वर्मा ने रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के तहत प्रोड्यूस किया है। इसमें शाहरुख खान का डबल किरदार है। इनके साथ नयनतारा, विजय सिंह थोपनी, दीपिका पेडकोन, परिमानी और सानिया मल्होत्रा हैं। इसकी फोटोग्राफी का आगाज सितंबर 2021 में पुणे, बम्बे, हैदराबाद, चेन्नई और औरंगाबाद में हुआ। फिल्म का साउंड ट्रैक और बैकग्राउंड नीरज रविचंद्र ने तरतीब दिया था। इसकी सिनेमाटोग्राफी GK शैनव ने की थी और एडिटिंग रोबन ने। जवान को इब्तदाई तौर पर 2 जून 2023 को रिलीज करने का मंसूबा बनाया गया था, लेकिन पोस्ट प्रोडक्शन नामुकम्मल होने की वजह से इसे मुलतवी कर दिया गया था। बाद में इसे 7 सितंबर 2023 को IMAX और DX4 फॉर्मेट में रिलीज करने का प्रोग्राम बनाया गया। अब आते हैं जवान मूवी की स्टोरी पे। इसमें विक्रम राठौर एक साबिक फौजी हैं, जो अपने माजी की इसलाह के लिए पुरअज़म हैं, जहां वो मुल्क भर में होने वाली डकैतियों के सिलसिले में 6 हुनरमंद खवातीन की टीम की क्यादत करते हैं और मुंबई मेट्रो को हाईजैक करता है। विक्रम को मालूम हुआ है कि इसका तवील अरसे से खोया हुआ बेटा आजाद राठौर एक ईमानदार पुलिस अफसर है, जिसे काली ने निशाना बनाया है, जो दुनिया का चौथा सबसे बड़ा असला डीलर है। विक्रम काले को खत्म करने के मिशन पर निकलता है।
अगर इसकी कास्ट की बात की जाए तो शाहरुख खान, विक्रम राठौर और आजाद राठौर के दोहरे किरदार में देखे जाएंगे। नयनतारा काले के तौर पर विजय से तोपनी दीपिका पेडकोन, विजय से तोपती दीपिका खसूसी रूप में नजर आएंगे। प्रीमानी, सुनील गौरव, रद्दि डोगरा, सानिया मल्होत्रा, संजीता भट्टाचार्य, आलिया कुरैशी, योगी बाबा, इजाज खां, आस्था अग्रवाल, जाफर सादक, गणेश गौरन, रविंदर वजे और संजय दत्त ये मुख्तसर किरदार में नजर आएंगे। 2019 के आखिर में ही अफवाह थी कि शाहरुख खान तमिल फिल्म डायरेक्टर एटली के साथ मिलकर काम करेंगे। मई 2021 में ये इतला मिली कि फिल्म बंदी जल्द ही शुरू हो जाएगी। इस फिल्म को गौरी खान ने रेड चिलीज इंटरटेनमेंट के तहत प्रोड्यूस किया, जबकि गौरव वर्मा को प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। ये फिल्म 300 करोड़ रुपये के बजट से बनाई जा रही है। एटली ने हदायतकार के तौर पर एस रोमानागिरी वासन के साथ मिलकर फिल्म का स्क्रिप्ट लिखा। सुमित अरोड़ा ने मुकालमों में तआवन किया। एटली ने सिनेमाटोग्राफर जीके वैष्णव, एडिटर रोबन, आर्ट डायरेक्टर टी मेथोराज और असिस्टेंट डायरेक्टर अनिल आरसो समेत अपने ज्यादातर म्यारी तकनीकी माहरीन को स्पिरो रिजास्ट्रो, क्रेग मैकरा, यांग बैन, कम गुदारी और सुनील रोड्रिगेस को असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर इस्तेमाल किया। फिल्म के डांस कोरियोग्राफरों में फराह खां, विभावी मर्चेंट, शोभी और नलिता शामिल हैं। मुकेश जाबड़ा कास्टिंग डायरेक्टर थे। खान ने बाप और बेटे के तौर पर डबल किरदार अदा किया। वो 6 मुख्तलिफ रूपों में नजर आएंगे। नयनतारा को खान के मध्य मुकाबल खतून मरकजी किरदार के तौर पर फाइनल किया गया। इस तरह उनकी फिल्म बंदी में पहली शुरुआत हुई। परिमानी, सुनील ग्रोवर, सानिया मल्होत्रा और योगी बाबा बाद में कास्ट में शामिल हुए। एक दहाई के बाद खान के साथ दोबारा मिलते हुए बाबू ने आखिरी बार चेन्नई एक्सप्रेस 2013 में खान के मध्य मुकाबल काम किया था। राणा दुगोपती को मुखालफ करदार की पेशकश की गई थी, लेकिन सेहत के मसाइल का वाला देते हुए इनकार कर दिया और इस तरह यह किरदार विजय सोपनी के पास चला गया। दीपिका पेडकोन अगस्त 2022 में कास्ट में शामिल हुए। मार्च सन 2023 में संजय दत्त एक एक्शन सीन के दौरान एक कैमियो के लिए शूटिंग के लिए कास्ट में शामिल हुए। फोटोग्राफी का आगाज सितंबर 2021 में पुणे में हुआ। शाहरुख खान और नयनतारा 10 दिनों की शूटिंग में शामिल हुए। पुणे मेट्रो में शूटिंग की जाने वाली ये पहली फिल्म है। खान की जून 2022 में हैदराबाद में शूटिंग दोबारा शुरू हुई। नयनतारा ने अपनी शादी के बाद 26 जून 2022 को बम्बई के शेड्यूल में शमूलियत तैयार की। अगस्त में अगला शेड्यूल चेन्नई में शुरू हुआ, जहां दीपिका पेडकोन ने अपना मुख्तसर सा हिस्सा शूट किया। बाद में विजय सेतोपती शूट में शामिल हुए। खान और सेतोपती के दरमियान कुछ एक्शन सीक्वेंस शेड्यूल किए गए। जिंदा बंदा गाना इस शेड्यूल के दौरान जेल में फिल्माया गया। 5 दिन तक शूट होने वाले इस गाने में 1000 डांसर शामिल हुए और इसकी कोरियोग्राफी शोभी पटराज ने की थी। इसके बाद गाना भी दोबारा शूट किया गया और इसे तमिल वर्जन में वंदा एडम और तेलुगु वर्जन में धुम्मे दोली पीला के तौर पर शामिल किया गया। एक माह तक का तवील चेन्नई का शेड्यूल 7 अक्टूबर को ख़त्म हुआ। अगला शेड्यूल राजस्थान में अक्टूबर में मुनक्कद हुआ। खान और नयनतारा इस 20 दिन के शेड्यूल में शामिल हुए। अगला शेड्यूल फरवरी 2023 में मुनक्कद हुआ, जहां खान ने अपने कुछ मनाजर शूट किए। संजय दत्त 20 मार्च 2023 को शूट में शामिल हुए। एक्शन से भरपूर कैमियो शूट करने के लिए अप्रैल 2023 में चलिया के इनवान से एक गाना शूट किया गया, जिसमें खान और नयनतारा शामिल थे। इसी महीने के आखिर में एक गाना जिसमें खान और दीपिका पेडकोन शामिल थे उनके मुख्तसर किरदार के लिए फिल्म सिटी मुंबई में शूट किया गया। दोनों गानों की कोरियोग्राफी फराह खान ने की थी। जुलाई के मिड में एक गाना नॉट रमैया वस्तावैया शूट किया गया, जिसमें खान और नयनतारा शामिल हैं। वे बॉबी मर्चेंट की कोरियोग्राफी मुंबई के यशराज स्टूडियो में की गई। फिल्म की पोस्ट प्रोडक्शन जनवरी 2023 तक शुरू हुई और 6 माह तक जारी रही, क्योंकि फिल्म में कंप्यूटर ग्राफिक्स,
हैरी हेंग्रोनी ने फिल्म के VFX प्रोड्यूसर के तौर पे कैतन्या देव के साथ काम किया। किनार राजन ने साउंड डिजाइनर के तौर पे काम किया। अगस्त 2023 के शुरू में तैयार हो चुकी थी और इसे CBFC इदारे को जमा करा दिया गया था। 22 अगस्त 2023 को फिल्म को 169 मिनट के रन टाइम के साथ सेंसर बोर्ड से AU सर्टिफिकेट मिला। निर्वत को फिल्म के लिए कंपोज करने के लिए चुना गया। मौसीकी के राइट्स टी सीरीज ने हासिल किए। 2 मिनट के प्रोमो वीडियो में शामिल ट्रैक जवान प्रियू थीम 10 जुलाई 2023 को जारी किया गया। इसमें राजा कुमारी ने रैप लिखा और परफॉर्म किया, जिसमें अनिर्वध और बेंजंग ने परफॉर्म किया। फिल्म का टाइटल एक झलक वीडियो के साथ 3 जून 2022 को जारी किया गया था। बाद में फिल्म मुलतवी हो गई और 6 मई 2023 को एक मोशन पोस्टर के जरिए नई रिलीज की तारीख का ऐलान किया गया। 10 जुलाई 2023 को एक टीजर ट्रेलर जारी किया गया। यह 24 घंटों में 112 मिलियन से ज्यादा राय के साथ सबसे ज्यादा देखे जाने वाला हिंदुस्तानी टीजर बन गया। बाद में टीजर को मिशन इम्पॉसिबल, डेड रिकॉनिंग पार्ट 1 और गदर 2 के प्रिंट के साथ सिनेमा हॉल्स में मुंसलिक किया गया। फिल्म के ऑफिशियल ट्रेलर की नकाब कशाई 31 अगस्त 2023 को हुई। उसी दिन खान अपने मुद्दाहों के साथ ट्रेलर की रिलीज का जश्न मनाने दुबई पहुंचे और बुर्ज खलीफा पर इसकी नमाइश की गई। ये बांग्लादेश में एक ही दिन रिलीज होने वाली पहली फिल्म है। पेन मनोदर इंटरटेनमेंट के बैनर के तहत शुमाली हिंदुस्तान और मगरबी हिंदुस्तान के सिनेमा हॉल के हकूक हासिल किए। श्री गोलगम मूवीज ने तमिलनाडु और केरला में फिल्म थिएटर के डिस्ट्रीब्यूशन के हकूक हासिल किए और तमिलनाडु में रेड जॉइंट मूवीज और केरला में ड्रीम बग फिल्म के तहत रिलीज होंगे। श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस ने जवान मूवी एक्शन और थ्रिल से भरपूर है, जिसको एटली ने डायरेक्ट किया है और वो इसके को राइटर भी हैं। इसे गौरी खां और गौरव वर्मा ने रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के तहत प्रोड्यूस किया है। इसमें शाहरुख खान का डबल किरदार है। इनके साथ नयनतारा, विजय सिंह थोपनी, दीपिका पेडकोन, परिमानी और सानिया मल्होत्रा हैं। इसकी फोटोग्राफी का आगाज सितंबर 2021 में पुणे, बॉम्बे, हैदराबाद, चेन्नई और औरंगाबाद में हुआ। फिल्म का साउंडट्रैक और बैकग्राउंड नीरज रविचंद्र ने तरतीब दिया था। इसकी सिनेमाटोग्राफी GK शैनव ने की थी और एडिटिंग रोबन ने। जवान को इब्तदाई तौर पर 2 जून 2023 को रिलीज करने का मंसूबा बनाया गया था, लेकिन पोस्ट प्रोडक्शन नामुकम्मल होने की वजह से इसे मुलतवी कर दिया गया था। बाद में इसे 7 सितंबर 2023 को IMAX और DX4 फॉर्मेट में रिलीज करने का प्रोग्राम बनाया गया। अब आते हैं जवान मूवी की स्टोरी पे। इसमें विक्रम राठौर एक साबिक फौजी हैं जो अपने माजी की इसलाह के लिए पुरअज़म हैं, जहां वो मुल्क भर में होने वाली डकैतियों के सिलसिले में 6 हुनरमंद खवातीन की टीम की क्यादत करते हैं और मुंबई मेट्रो को हाईजैक करता है। विक्रम को मालूम हुआ है कि इसका तवील अरसे से खोया हुआ बेटा आजाद राठौर एक ईमानदार पुलिस अफसर है, जिसे काली ने निशाना बनाया है, जो दुनिया का चौथा सबसे बड़ा असला डीलर है। विक्रम काले को खत्म करने के मिशन पर निकलता है। अगर इसकी कास्ट की बात की जाए तो शाहरुख खान विक्रम राठौर और आजाद राठौर के दोहरे किरदार में देखे जाएंगे। नयनतारा काले के तौर पर विजय से तोपनी दीपिका पेडकोन, विजय से तोपती दीपिका खसूसी रूप में नजर आएंगे। परिमानी, सुनील गौरव, रद्दी डोगरा, सानिया मल्होत्रा, संजीता भट्टाचार्य, आलिया कुरैशी, योगी बाबा, इजाज़ खां, आस्था अग्रवाल, जाफर सादक, गणेश गौरन, रविंदर वजे और संजय दत्त एक मुख्तसर किरदार में नजर आएंगे। 2019 के आखिर में ही अफवाह थी कि शाहरुख खान तमिल फिल्म डायरेक्टर एटली के साथ मिलकर काम करेंगे। मई 2021 में ये इतला मिली कि फिल्म बंदी जल्द ही शुरू हो जाएगी। इस फिल्म को गौरी खान ने रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के तहत प्रोड्यूस किया, जबकि गौरव वर्मा को प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। ये फिल्म 300 करोड़ रुपए के बजट से बनाई जा रही है। एटली ने हदायतकार के तौर पे एस रोमानागिरीवासन के साथ मिलकर फिल्म का स्क्रिप्ट लिखा। सुमित अरोड़ा ने मुकालमों में तआवन किया। एटली ने सिनेमाटोग्राफर GK वैष्णव, एडिटर रोबन, आर्ट डायरेक्टर टी मेथोराज और असिस्टेंट डायरेक्टर अनिल आरसो समेत अपने ज्यादातर म्यारी तकनीकी माहरीन को स्पिरो रिज़ास्ट्रो, क्रेग मैकरा, यांग बैन, कम गुदारी और सुनील रोड्रिगेज को असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर इस्तेमाल किया। फिल्म के डांस कोरियोग्राफरों में फराह खां, विभावी मर्चेंट, शोभी और नलिता शामिल हैं।
मुकेश जावड़ा कास्टिंग डायरेक्टर थे। खान ने बाप और बेटे के तौर पर डबल किरदार अदा किया। वो 6 मुख्तलिफ रूपों में नजर आएंगे। नयनतारा को खान के मध्य मुकाबल खतून मरकजी किरदार के तौर पर फाइनल किया गया। इस तरह उनकी फिल्म बंदी में पहली शुरुआत हुई। परिमानी, सुनील ग्रोवर, सानिया मल्होत्रा और योगी बाबा बाद में कास्ट में शामिल हुए। 1.5 के बाद खान के साथ दोबारा मिलते हुए बाबू ने आखिरी बार चेन्नई एक्सप्रेस 2013 में खान के मध्य मुकाबल काम किया था। रणद गोपती को मुखालफ करदार की पेशकश की गई थी, लेकिन सेहत के मसाइल का वाला देते हुए इनकार कर दिया और इस तरह यह किरदार विजय सोपनी के पास चला गया। दीपिका पेडकोन अगस्त 2022 में कास्ट में शामिल हुए। मार्च सन 2023 में संजय दत्त एक एक्शन सीन के दौरान एक कैमियो के लिए शूटिंग के लिए कास्ट में शामिल हुए। फोटोग्राफी का आगाज़ सितंबर 2021 में पुणे में हुआ। शाहरुख खान और नयनतारा 10 दिनों की शूटिंग में शामिल हुए। पुणे मेट्रो में शूटिंग की जाने वाली ये पहली फिल्म है। खान की जून 2022 में हैदराबाद में शूटिंग दोबारा शुरू हुई। नयनतारा ने अपनी शादी के बाद 26 जून 2022 को बम्बई के शेड्यूल में शमूलियत तैयार की। अगस्त में अगला शेड्यूल चेन्नई में शुरू हुआ, जहां दीपिका पेडुकोन ने अपना मुख्तसर सा हिस्सा शूट किया। बाद में विजय सेतुपति शूट में शामिल हुए। खान और सेतुपति के दरमियान कुछ एक्शन सीक्वेंस शेड्यूल किए गए। जिंदा बंदा गाना इस शेड्यूल के दौरान जेल में फिल्माया गया। 5 दिन तक शूट होने वाले इस गाने में 1000 डांसर शामिल हुए और इसकी कोरियोग्राफी शोभी पटराज ने की थी। इसके बाद गाना भी दोबारा शूट किया गया और इसे तमिल वर्जन में वंदा एडम और तेलुगु वर्जन में धुम्मे दोलीपिला के तौर पर शामिल किया गया। 1 माह तक का तवील चेन्नई का शेड्यूल 7 अक्टूबर को ख़त्म हुआ। अगला शेड्यूल राजस्थान में अक्टूबर में मुनक्कद हुआ। खान और नयनतारा इस 20 दिन के शेड्यूल में शामिल हुए। अगला शेड्यूल फरवरी 2023 में मुनक्कद हुआ, जहां खान ने अपने कुछ मनाजर शूट किए। संजय दत्त 20 मार्च 2023 को शूट में शामिल हुए। एक्शन से भरपूर कैमियो शूट करने के लिए अप्रैल 2023 में चलिया के इनवान से एक गाना शूट किया गया, जिसमें खान और नयनतारा शामिल थे। इसी महीने के आखिर में एक गाना जिसमें खान और दीपिका पेडुकोन शामिल थे उनके मुख्तसर किरदार के लिए फिल्म सिटी मुंबई में शूट किया गया। दोनों गानों की कोरियोग्राफी फराह खान ने की थी। जुलाई के मिड में एक गाना नॉट रमैया वस्ता भैया शूट किया गया, जिसमें खान और नयनतारा शामिल हैं। वे बॉबी मर्चेंट की कोरियोग्राफी मुंबई के यशराज स्टूडियो में की गई। फिल्म की पोस्ट प्रोडक्शन जनवरी 2023 तक शुरू हुई और 6 माह तक जारी रही, क्योंकि फिल्म में कंप्यूटर ग्राफिक्स हैरी हेंग्रोनी ने फिल्म के VFX प्रोड्यूसर के तौर पे कैतन यादेव के साथ काम किया। किनार राजन ने साउंड डिजाइनर के तौर पे काम किया। अगस्त 2023 के शुरू में तैयार हो चुकी थी और इसे CBFC इदारे को जमा करा दिया गया था। 22 अगस्त 2023 को फिल्म को 169 मिनट के रन टाइम के साथ सेंसर बोर्ड से AU सर्टिफिकेट मिला। निर्वत को फिल्म के लिए कंपोज करने के लिए चुना गया। मौसीकी के राइट्स टी सीरीज ने हासिल किए। 2 मिनट के प्रोमो वीडियो में शामिल ट्रैक जवान प्रिजू थीम 10 जुलाई 2023 को जारी किया गया। इसमें राजा कुमारी ने रैप लिखा और परफॉर्म किया, जिसमें अनिर्वध और बैंडजंग ने परफॉर्म किया। फिल्म का टाइटल एक झलक वीडियो के साथ 3 जून 2022 को जारी किया गया था। बाद में फिल्म मुलतवी हो गई और 6 मई 2023 को एक मोशन पोस्टर के जरिए नई रिलीज की तारीख का ऐलान किया गया। 10 जुलाई 2023 को एक टीजर ट्रेलर जारी किया गया। ये 24 घंटों में 112 मिलियन से ज़्यादा राय के साथ सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला हिंदुस्तानी टीज़र बन गया। बाद में टीज़र को मिशन इम्पॉसिबल, डेड रिकॉनिंग पार्ट 1 और गदर 2 के प्रिंट के साथ सिनेमा हॉल्स में मुंसले किया गया। फिल्म के ऑफिशियल ट्रेलर की नकाब कशाई 31 अगस्त 2023 को हुई। उसी दिन खान अपने मुदाहों के साथ ट्रेलर की रिलीज का जश्न मनाने दुबई पहुँचे और बुर्ज खलीफा पर इसकी नुमाइश की गई। ये बांग्लादेश में एक ही दिन रिलीज होने वाली पहली फिल्म है। पेन मनोदर इंटरटेनमेंट के बैनर के तहत शुमाली हिंदुस्तान और मगरबी हिंदुस्तान के सिनेमा हॉल के हकूक हासिल किए। श्री गोलगम मूवीज ने तमिलनाडु और केरला में फिल्म थिएटर के डिस्ट्रीब्यूशन के हकूक हासिल किए और तमिलनाडु में रेड जॉइंट मूवीज़ और केरला में ड्रीम बग फिल्म के तहत रिलीज होंगे। श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए
तकसीम के हकूक हासिल किए। मैसूर के इलाके के हकूक पैनोरामा स्टूडियो ने हासिल किए। FSV ने मगरबी बंगाल और अडीसा के लिए राजश्री प्रोडक्शन के हकूक हासिल किए। प्रकाश पिक्चर फिल्म ने बहार में हकूक हासिल किए। बैरून मुल्क फिल्म दिखाने के हकूक यशराज फिल्म को फरोख्त किए गए। होम स्क्रीन एंटरटेनमेंट ने सिंगापुर डिस्ट्रीब्यूशन के हकूक खरीदे, जबकि लाइट हाउस डिस्ट्रीब्यूशन ने स्पेन के लिए हकूक हासिल किए। एक्शन कट एंटरटेनमेंट रॉन्ग दोनों ग्रुप के साथ मिलकर बांग्लादेश में फिल्म की तकसीम के हकूक हासिल किए। फ्राइडे एंटरटेनमेंट इस फिल्म को फ्रांस में दिखाएगी। जवान मूवी एक्शन और थ्रिल से भरपूर है, जिसको एटली ने डायरेक्ट किया है और वो इसके को राइटर भी हैं। इसे गौरी खां और गौरव वर्मा ने रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के तहत प्रोड्यूस किया है। इसमें शाहरुख खान का डबल किरदार है। इनके साथ नयनतारा, विजय सी थोपनी, दीपिका पेडकोन, परिमानी और सानिया मल्होत्रा हैं। इसकी फोटोग्राफी का आगाज सितंबर 2021 में पुणे, बम्बे, हैदराबाद, चेन्नई और औरंगाबाद में हुआ। फिल्म का साउंड ट्रैक और बैकग्राउंड नीरज रविचंद्र ने तरतीब दिया था। इसकी सिनेमाटोग्राफी GK शैनव ने की थी और एडिटिंग रोबन ने। जवान को इब्तदाई तौर पर 2 जून 2023 को रिलीज करने का मनसूबा बनाया गया था, लेकिन पोस्ट प्रोडक्शन नामुकम्मल होने की वजह से इसे मुलतवी कर दिया गया था। बाद में इसे 7 सितंबर 2023 को IMAX और DX4 फॉर्मेट में रिलीज करने का प्रोग्राम बनाया गया। अब आते हैं जवान मूवी की स्टोरी पे। इसमें विक्रम राठौर एक साबिक फौजी हैं, जो अपने माजी की इसलाह के लिए पुरअज़म हैं, जहां वो मुल्क भर में होने वाली डकैतियों के सिलसिले में 6 हुनरमंद खवातीन की टीम की क्यादत करते हैं और मुंबई मेट्रो को हाईजैक करता है। विक्रम को मालूम हुआ है कि इसका तवील अरसे से खोया हुआ बेटा आजाद राठौर एक ईमानदार पुलिस अफसर है, जिसे काली ने निशाना बनाया है, जो दुनिया का चौथा सबसे बड़ा असला डीलर है। विक्रम काले को खत्म करने के मिशन पर निकलता है। अगर इसकी कास्ट की बात की जाए तो शाहरुख खान विक्रम राठौर और आजाद राठौर के दोहरे किरदार में देखे जाएंगे। नयनतारा काले के तौर पर विजय सेतोपनी, दीपिका पेडकोन विजय सेतोपती दीपिका खसूसी रूप में नजर आएंगे। परिमानी, सुनील गौरव, रद्दी डोगरा, सानिया मल्होत्रा, संजीता भट्टाचार्य, आलिया कुरैशी, योगी बाबा, इजाज खां, आस्था अग्रवाल, जाफर सादक, गणेश गौरन, रविंदर वजे और संजय दत्त एक मुख्तसर किरदार में नजर आएंगे। 2019 के आखिर में ही अफवाह थी कि शाहरुख खान तमिल फिल्म डायरेक्टर एटली के साथ मिलकर काम करेंगे। मई 2021 में ये इतला मिली कि फिल्म बंदी जल्द ही शुरू हो जाएगी। इस फिल्म को गौरी खान ने रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के तहत प्रोड्यूस किया, जबकि गौरव वर्मा को प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। यह फिल्म 300 करोड़ रुपए के बजट से बनाई जा रही है। एटली ने हदायतकार के तौर पे एस रोमानागिरीवासन के साथ मिलकर फिल्म का स्क्रिप्ट लिखा। सुमित अरोड़ा ने मुकालमों में तआवन किया। एटली ने सिनेमाटोग्राफर GK वैष्णव, एडिटर रोबन, आर्ट डायरेक्टर टी मेथोराज और असिस्टेंट डायरेक्टर अनिल आरसो समेत अपने ज्यादातर म्यारी तकनीकी माहरीन को स्पिरो रिज़ास्ट्रो, क्रेग मैकरा, यांग बैन कमगदारी और सुनील रोड रैगस को असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर इस्तेमाल किया। फिल्म के डांस कोरियोग्राफरों में फराह खां, विभावी मर्चेंट, शोभी और नलिता शामिल हैं। मुकेश जाबड़ा कास्टिंग डायरेक्टर थे। खान ने बाप और बेटे के तौर पर डबल किरदार अदा किया। वो 6 मुख्तलिफ रूपों में नजर आएंगे। नयनतारा को खान के मध्य मुकाबल खतून मरकजी किरदार के तौर पर फाइनल किया गया। इस तरह उनकी फिल्म बंदी में पहली शुरुआत हुई। परिमानी, सुनील ग्रोवर, सानिया मल्होत्रा और योगी बाबा बाद में कॉस्ट में शामिल हुए। एक दहाई के बाद खान के साथ दोबारा मिलते हुए बाबू ने आखिरी बार चेन्नई एक्सप्रेस 2013 में खान के मध्य मुकाबल काम किया था। रानत गोपती को मुखालफ करदार की पेशकश की गई थी, लेकिन सेहत के मसाइल का वाला देते हुए इनकार कर दिया और इस तरह यह किरदार विजय सोपनी के पास चला गया। दीपिका पेडकोन अगस्त 2022 में कॉस्ट में शामिल हुए। मार्च से 2023 में संजय दत्त एक एक्शन सीन के दौरान एक कैमियो के लिए शूटिंग के लिए कॉस्ट में शामिल हुए। फोटोग्राफी का आगाज सितंबर 2021 में पुणे में हुआ। शाहरुख खान और नयनतारा 10 दिनों की शूटिंग में शामिल हुए। पुणे मेट्रो में शूटिंग की जाने वाली ये पहली फिल्म है। खान की जून 2022 में हैदराबाद में शूटिंग दोबारा शुरू हुई। नयनतारा ने अपनी शादी के बाद 26 जून 2022 को बम्बई के शेड्यूल में शमूलियत तैयार की। अगस्त में अगला शेड्यूल चेन्नई में शुरू हुआ, जहां दीपिका पेडकोन ने अपना मुख्तसर सा हिस्सा शूट किया। बाद में विजय सेतोपती शूट में शामिल हुए। खान और सेतोपती के दरमियान कुछ एक्शन सीक्वेंस शेड्यूल किए गए। जिंदा बंदा गाना इस शेड्यूल के दौरान
जेल में फिल्माया गया। 5 दिन तक शूट होने वाले इस गाने में 1000 डांसर शामिल हुए और इसकी कोरियोग्राफी शोभी पटराज ने की थी। इसके बाद गाना भी दोबारा शूट किया गया और इसे तमिल वर्जन में वंदा एडम और तेलुगु वर्जन में धुम्मे दोलीपिला के तौर पर शामिल किया गया। 1 माह तक का तवील चनाई का शेड्यूल 7 अक्टूबर को ख़त्म हुआ। अगला शेड्यूल राजस्थान में अक्टूबर में मुनक्कद हुआ। खान और नयनतारा इस 20 दिन के शेड्यूल में शामिल हुए। अगला शेड्यूल फरवरी 2023 में मुनक्कद हुआ, जहां खान ने अपने कुछ मनाजर शूट किए। संजय दत्त 20 मार्च 2023 को शूट में शामिल हुए। एक्शन से भरपूर कैमियो शूट करने के लिए अप्रैल 2023 में चलिया के इनवान से एक गाना शूट किया गया, जिसमें खान और नयनतारा शामिल थे। इसी महीने के आखिर में एक गाना जिसमें खान और दीपिका पेडकोन शामिल थे, उनके मौसर किरदार के लिए फिल्म सिटी मुंबई में शूट किया गया। दोनों गानों की कोरियोग्राफी फराह खान ने की थी। जुलाई के मिड में एक गाना नॉट रमैया वस्ता वैया शूट किया गया, जिसमें खान और नयनतारा शामिल हैं। वे बॉबी मर्चेंट की कोरियोग्राफी मुंबई के यशराज स्टूडियो में की गई। फिल्म की पोस्ट प्रोडक्शन जनवरी 2023 तक शुरू हुई और 6 माह तक जारी रही, क्योंकि फिल्म में कंप्यूटर ग्राफिक्स हैरी हेंग्रोनी ने फिल्म के VFX प्रोड्यूसर के तौर पे कैतनिया देव के साथ काम किया। किन्नर राजन ने साउंड डिजाइनर के तौर पे काम किया। अगस्त 2023 के शुरू में तैयार हो चुकी थी और इसे CBFC इदारे को जमा करा दिया गया था। 22 अगस्त 2023 को फिल्म को 169 मिनट के रन टाइम के साथ सेंसर बोर्ड से AU सर्टिफिकेट मिला। निर्वत को फिल्म के लिए कंपोज करने के लिए चुना गया। मौसीकी के राइट्स टी सीरीज ने हासिल किए। 2 मिनट के प्रोमो वीडियो में शामिल ट्रैक जवान प्रियू थीम 10 जुलाई 2023 को जारी किया गया। इसमें राजा कुमारी ने रैप लिखा और परफॉर्म किया, जिसमें अनिर्वध और बैंडजंग ने परफॉर्म किया। फिल्म का टाइटल एक झलक वीडियो के साथ 3 जून 2022 को जारी किया गया था। बाद में फिल्म मुलतवी हो गई और 6 मई 2023 को एक मोशन पोस्टर के जरिए नई रिलीज की तारीख का ऐलान किया गया। 10 जुलाई 2023 को एक टीजर ट्रेलर जारी किया गया। यह 24 घंटों में 112 मिलियन से ज़्यादा राय के साथ सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला हिंदुस्तानी टीजर बन गया। बाद में टीजर को मिशन इम्पॉसिबल, डेड रिकॉनिंग पार्ट 1 और गदर 2 के प्रिंट के साथ सिनेमा हॉल्स में मुंसले किया गया। फिल्म के ऑफिशियल ट्रेलर की नकाब कशाई 31 अगस्त 2023 को हुई। उसी दिन खान अपने मुद्दाहों के साथ ट्रेलर की रिलीज का जश्न मनाने दुबई पहुंचे और बुर्ज खलीफा पर इसकी नमाइश की गई। ये बांग्लादेश में एक ही दिन रिलीज होने वाली पहली फिल्म है। पेन मनोदर एंटरटेनमेंट के बैनर के तहत शुमाली हिंदुस्तान और मगरबी हिंदुस्तान के सिनेमा हॉल के हकूक हासिल किए। श्री गोलगम मूवीज ने तमिलनाडु और केरला में फिल्म थिएटर के डिस्ट्रीब्यूशन के हकूक हासिल किए और तमिलनाडु में रेड जॉइंट मूवीज और केरला में ड्रीम बग फिल्म के तहत रिलीज होंगे। श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए तकसीम के हकूक हासिल किए। मैसूर के इलाके के हकूक पैनोरामा स्टूडियो ने हासिल किए। FSV ने मगरबी बंगाल और अडीसा के लिए राजश्री प्रोडक्शन के हकूक हासिल किए। प्रकाश पिक्चर फिल्म ने बहार में हकूक हासिल किए। बैरून मुल्क फिल्म दिखाने के हकूक यशराज फिल्म को फरोख्त किए गए। होम स्क्रीन एंटरटेनमेंट ने सिंगापुर डिस्ट्रीब्यूशन के हकूक खरीदे, जबकि लाइट हाउस डिस्ट्रीब्यूशन ने स्पेन के लिए हकूक हासिल किए। एक्शन कट एंटरटेनमेंट रॉन्ग दोनों ग्रुप के साथ मिलकर बांग्लादेश में फिल्म की तकसीम के हकूक हासिल किए। फ्राइडे एंटरटेनमेंट इस फिल्म को फ्रांस में दिखाएगी। जवान मूवी एक्शन और थ्रिल से भरपूर है, जिसको एटली ने डायरेक्ट किया है और वो इसके को राइटर भी हैं। इसे गौरी खां और गौरव वर्मा ने रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के तहत प्रोड्यूस किया है। इसमें शाहरुख खान का डबल किरदार है। इनके साथ नयनतारा, विजय सिंह थोपनी, दीपिका पेडकोन, परिमानी और सानिया मल्होत्रा हैं। इसकी फोटोग्राफी का आगाज सितंबर 2021 में पुणे, बम्बे, हैदराबाद, चेन्नई और औरंगाबाद में हुआ। फिल्म का साउंड ट्रैक और बैकग्राउंड नीरज रविचंद्र ने तरतीब दिया था। इसकी सिनेमाटोग्राफी GK शैनव ने की थी और एडिटिंग रोबन ने। जवान को इब्तदाई तौर पर 2 जून 2023 को रिलीज करने का मंसूबा बनाया गया था, लेकिन पोस्ट प्रोडक्शन नामुकम्मल होने की वजह से इसे मुलतवी कर दिया गया था। बाद में इसे 7 सितंबर 2023 को IMAX और DX4 फॉर्मेट में रिलीज करने का प्रोग्राम बनाया गया। अब आते हैं जवान मूवी की स्टोरी पे। इसमें विक्रम राठौर एक साबिक फौजी हैं जो अपने माजी की इसलाह के लिए पुरअज़म हैं
जहां वो मुल्क भर में होने वाली डकैतियों के सिलसिले में 6 हुनरमंद खवातीन की टीम की क्यादत करते हैं और मुंबई मेट्रो को हाईजैक करता है। विक्रम को मालूम हुआ है कि इसका तवील अरसे से खोया हुआ बेटा आजाद राठौर एक ईमानदार पुलिस अफसर है जिसे काली ने निशाना बनाया है, जो दुनिया का चौथा सबसे बड़ा असला डीलर है। विक्रम काले को खत्म करने के मिशन पर निकलता है। अगर इसकी कास्ट की बात की जाए तो शाहरुख खान विक्रम राठौर और आजाद राठौर के दोहरे किरदार में देखे जाएंगे। नयनतारा काले के तौर पर विजय से तोपनी दीपिका पेडकोन, विजय से तोपती दीपिका खसूसी रूप में नजर आएंगे। प्रीमानी सुनील गौरव, रद्दी डोगरा, सानिया मल्होत्रा, संजीता भट्टाचार्य, आलिया कुरैशी, योगी बाबा, इजाज खां, आस्था अग्रवाल, जाफर सादक, गणेश गौरन, रविंदर वजे और संजय दत्त एक मुख्तसर किरदार में नजर आएंगे। 2019 के आखिर में ही अफवाह थी कि शाहरुख खान तमिल फिल्म डायरेक्टर एटली के साथ मिलकर काम करेंगे। मई 2021 में ये इतला मिली कि फिल्म बंदी जल्द ही शुरू हो जाएगी। इस फिल्म को गौरी खान ने रेड चिलीज इंटरटेनमेंट के तहत प्रोड्यूस किया, जबकि गौरव वर्मा को प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। यह फिल्म 300 करोड़ रुपए के बजट से बनाई जा रही है। एटली ने हदायतकार के तौर पर एस रोमाना ग्रीवासन के साथ मिलकर फिल्म का स्क्रिप्ट लिखा। सुमित अरोड़ा ने मुकालमों में तआवन किया। एटली ने सिनेमाटोग्राफर जीके वैष्णव, एडिटर रोबन, आर्ट डायरेक्टर टी मेथोराज और असिस्टेंट डायरेक्टर अनिल आरसो समेत अपने ज्यादातर म्यारी तकनीकी माहरीन को स्पिरो रिजास्ट्रो, क्रेग मैकरा, यांग बैन, कमगदारी और सुनील रोड्रिगेस को असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर इस्तेमाल किया। फिल्म के डांस कोरियोग्राफरों में फराह खां, विभावी मर्चेंट, शोभी और नलिता शामिल हैं। मुकेश जाबड़ा कास्टिंग डायरेक्टर थे। खान ने बाप और बेटे के तौर पर डबल किरदार अदा किया। वो 6 मुख्तलिफ रूपों में नजर आएंगे। नैन थारा को खान के मध्य मुकाबल खतून मरकजी किरदार के तौर पर फाइनल किया गया। इस तरह उनकी फिल्म बंदी में पहली शुरुआत हुई। परिमानी, सुनील ग्रोवर, सानिया मल्होत्रा और योगी बाबा बाद में कॉस्ट में शामिल हुए। एक दहाई के बाद खान के साथ दोबारा मिलते हुए बाबू ने आखिरी बार चेन्नई एक्सप्रेस 2013 में खान के मध्य मुकाबल काम किया था। रानत गोपती को मुखालफ करदार की पेशकश की गई थी, लेकिन सेहत के मसाइल का वाला देते हुए इनकार कर दिया और इस तरह यह किरदार विजय सोपनी के पास चला गया। दीपिका पेडकोन अगस्त 2022 में कास्ट में शामिल हुई। मार्च से 2023 में संजय दत्त एक एक्शन सीन के दौरान एक कैमियो के लिए शूटिंग के लिए कास्ट में शामिल हुए। फोटोग्राफी का आगाज सितंबर 2021 में पुणे में हुआ। शाहरुख खान और नयनतारा 10 दिनों की शूटिंग में शामिल हुए। पुणे मेट्रो में शूटिंग की जाने वाली ये पहली फिल्म है। खान की जून 2022 में हैदराबाद में शूटिंग दोबारा शुरू हुई। नयनतारा ने अपनी शादी के बाद 26 जून 2022 को बम्बई के शेड्यूल में शमूलियत तैयार की। अगस्त में अगला शेड्यूल चेन्नई में शुरू हुआ, जहां दीपिका पेडकोन ने अपना मुख्तसर सा हिस्सा शूट किया। बाद में विजय से थोपती शूट में शामिल हुए। खान और से थोपती के दरमियान कुछ एक्शन सीक्वेंस शेड्यूल किए गए। जिंदा बंदा गाना इस शेड्यूल के दौरान जेल में फिल्माया गया। 5 दिन तक शूट होने वाले इस गाने में 1000 डांसर शामिल हुए और इसकी कोरियोग्राफी शोभी पटराज ने की थी। इसके बाद गाना भी दोबारा शूट किया गया और इसे तमिल वर्जन में वंदा एडम और तेलुगु वर्जन में धुम्मे दोलीपिला के तौर पर शामिल किया गया। एक माह तक का तवील चेन्नई का शेड्यूल 7 अक्टूबर को ख़त्म हुआ। अगला शेड्यूल राजस्थान में अक्टूबर में मुनक्कद हुआ। खान और नयनतारा इस 20 दिन के शेड्यूल में शामिल हुए। अगला शेड्यूल फरवरी 2023 में मुनक्कद हुआ, जहां खान ने अपने कुछ मनाजर शूट किए। संजय दत्त 20 मार्च 2023 को शूट में शामिल हुए। एक्शन से भरपूर कैमियो शूट करने के लिए अप्रैल 2023 में चलिया के इनवान से एक गाना शूट किया गया, जिसमें खान और नयनतारा शामिल थे। इसी महीने के आखिर में एक गाना जिसमें खान और दीपिका पेडकोन शामिल थे उनके मुख्तसर किरदार के लिए फिल्म सिटी मुंबई में शूट किया गया। दोनों गानों की कोरियोग्राफी फराह खान ने की थी। जुलाई के मिड में एक गाना नॉट रमैया वस्ता वैया शूट किया गया, जिसमें खान और नयनतारा शामिल हैं। वे बॉबी मर्चेंट की कोरियोग्राफी मुंबई के यशराज स्टूडियो में की गई। फिल्म की पोस्ट प्रोडक्शन जनवरी 2023 तक शुरू हुई और 6 माह तक जारी रही, क्योंकि फिल्म में कंप्यूटर ग्राफिक्स हैरी हेंग्रोनी ने फिल्म के VFX प्रोड्यूसर के तौर पर कैतन यादेव के साथ काम किया। किन्नर राजन ने साउंड डिजाइनर के तौर पर काम किया। अगस्त 2023 के शुरू में तैयार हो चुकी थी और इसे CBFC इदारे को जमा करा दिया गया था। 22 अगस्त 2023 को फिल्म को 169 मिनट के रन टाइम के साथ सेंसर बोर्ड से AU सर्टिफिकेट मिला।
निर्वत को फिल्म के लिए कंपोज करने के लिए चुना गया। मौसीकी के राइट्स टी सीरीज ने हासिल किए। 2 मिनट के प्रोमो वीडियो में शामिल ट्रैक जवान प्रियु थीम 10 जुलाई 2023 को जारी किया गया। इसमें राजा कुमारी ने रैप लिखा और परफॉर्म किया, जिसमें अनिर्वत और बेंजंग ने परफॉर्म किया। फिल्म का टाइटल एक झलक वीडियो के साथ 3 जून 2022 को जारी किया गया था। बाद में फिल्म मुलतवी हो गई और 6 मई 2023 को एक मोशन पोस्टर के जरिए नई रिलीज की तारीख का ऐलान किया गया। 10 जुलाई 2023 को एक टीजर ट्रेलर जारी किया गया। ये 24 घंटों में 112 मिलियन से ज़्यादा राय के साथ सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला हिंदुस्तानी टीजर बन गया। बाद में टीजर को मिशन इम्पॉसिबल, डेड रिकॉनिंग पार्ट 1 और गदर 2 के प्रिंट के साथ सिनेमा हॉल्स में मुंसलिक किया गया। फिल्म के ऑफिशियल ट्रेलर की नकाब कशाई 31 अगस्त 2023 को हुई। उसी दिन खान अपने मुदाहों के साथ ट्रेलर की रिलीज का जश्न मनाने दुबई पहुंचे और बुर्ज खलीफा पर इसकी नुमाइश की गई। ये बांग्लादेश में एक ही दिन रिलीज होने वाली पहली फिल्म है। पेन मनोदर इंटरटेनमेंट के बैनर के तहत शुमाली हिंदुस्तान और मगरबी हिंदुस्तान के सिनेमा हॉल के हकूक हासिल किए। श्री गोलगम मूवीज़ ने तमिलनाडु और केरला में फिल्म थिएटर के डिस्ट्रीब्यूशन के हकूक हासिल किए और तमिलनाडु में रेड जॉइंट मूवीज़ और केरला में ड्रीम बग फिल्म के तहत रिलीज होंगे। श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए तकसीम के हकूक हासिल किए। मैसूर के इलाके के हकूक पैनोरामा स्टूडियो ने हासिल किए। FSV ने मगरबी बंगाल और अडीसा के लिए राजश्री प्रोडक्शन के हकूक हासिल किए। प्रकाश पिक्चर फिल्म ने बहार में हकूक हासिल किए। बैरून मुल्क फिल्म दिखाने के हकूक यश राज फिल्म को फरोख्त किए गए। होम स्क्रीन एंटरटेनमेंट ने सिंगापुर डिस्ट्रीब्यूशन के हकूक खरीदे, जबकि लाइट हाउस डिस्ट्रीब्यूशन ने स्पेन के लिए हकूक हासिल किए। एक्शन कट एंटरटेनमेंट रॉन्ग दोनों ग्रुप के साथ मिलकर बांग्लादेश में फिल्म की तकसीम के हकूक हासिल किए। फ्राइडे एंटरटेनमेंट इस फिल्म को फ्रांस में दिखाएगी। जवान मूवी एक्शन और थ्रिल से भरपूर है, जिसको एटली ने डायरेक्ट किया है और वो इसके को राइटर भी हैं। इसे गौरी खां और गौरव वर्मा ने रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के तहत प्रोड्यूस किया है। इसमें शाहरुख खान का डबल किरदार है। इनके साथ नयनतारा, विजय सी थोपनी, दीपिका पेडकोन, परिमानी और सानिया मल्होत्रा हैं। इसकी फोटोग्राफी का आगाज सितंबर 2021 में पुणे, बम्बे, हैदराबाद, चेन्नई और औरंगाबाद में हुआ। फिल्म का साउंड ट्रैक और बैकग्राउंड नीरज रविचंद्र ने तरतीब दिया था। इसकी सिनेमाटोग्राफी GK शैनव ने की थी और एडिटिंग रोबन ने। जवान को इब्तदाई तौर पर 2 जून 2023 को रिलीज करने का मनसूबा बनाया गया था, लेकिन पोस्ट प्रोडक्शन नामुकम्मल होने की वजह से इसे मुलतवी कर दिया गया था। बाद में इसे 7 सितंबर 2023 को IMAX और DX4 फॉर्मेट में रिलीज करने का प्रोग्राम बनाया गया। अब आते हैं जवान मूवी की स्टोरी पे। इसमें विक्रम राठौर एक साबिक फौजी हैं, जो अपने माजी की इसलाह के लिए पुरअज़म हैं, जहां वो मुल्क भर में होने वाली डकैतियों के सिलसिले में 6 हुनरमंद खवातीन की टीम की क्यादत करते हैं और मुंबई मेट्रो को हाईजैक करता है। विक्रम को मालूम हुआ है कि इसका तवील अरसे से खोया हुआ बेटा आजाद राठौर एक ईमानदार पुलिस अफसर है, जिसे काली ने निशाना बनाया है, जो दुनिया का चौथा सबसे बड़ा असला डीलर है। विक्रम काले को खत्म करने के मिशन पर निकलता है। अगर इसकी कास्ट की बात की जाए तो शाहरुख खान विक्रम राठौर और आजाद राठौर के दोहरे किरदार में देखे जाएंगे। नयनतारा काले के तौर पर विजय सेतोपनी, दीपिका पेडकोन विजय सेतोपती दीपिका खसूसी रूप में नजर आएंगे। परिमानी सुनील गौरव, रद्दी डोगरा, सानिया मल्होत्रा, संजीता भट्टाचार्य, आलिया कुरैशी, योगी बाबा, इजाज खां, आस्था अग्रवाल, जाफर सादक, गणेश गौरन, रविंदर वजे और संजय दत्त एक मुख्तसर किरदार में नजर आएंगे। 2019 के आखिर में ही अफवाह थी कि शाहरुख खान तमिल फिल्म डायरेक्टर एटली के साथ मिलकर काम करेंगे। मई 2021 में ये इतला मिली कि फिल्म बंदी जल्द ही शुरू हो जाएगी। इस फिल्म को गौरी खान ने रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के तहत प्रोड्यूस किया, जबकि गौरव वर्मा को प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। ये फिल्म 300 करोड़ रुपये के बजट से बनाई जा रही है। एटली ने हदायतकार के तौर पर एस रोमानागिरीवासन के साथ मिलकर फिल्म का स्क्रिप्ट लिखा। सुमित अरोड़ा ने मुकालमों में तआवन किया। एटली ने सिनेमाटोग्राफर GK वैष्णव, एडिटर रोबन, आर्ट डायरेक्टर टी मेथोराज और असिस्टेंट डायरेक्टर अनिल आरसो समेत अपने ज्यादातर म्यारी तकनीकी माहरीन को स्पिरो रिजास्ट्रो, क्रेग मैकरा, यांग बैन, कमगदारी और सुनील रोड्रैगस को असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर इस्तेमाल किया। फिल्म के डांस कोरियोग्राफरों में फराह खां, विभावी मर्चेंट, शोभी और नलिता शामिल हैं। मुकेश जाबड़ा कास्टिंग डायरेक्टर थे। खान ने बाप
और बेटे के तौर पर डबल किरदार अदा किया। वो छह मुख्तलिफ रूपों में नजर आएंगे। नैन तारा को खान के मध्य मुकाबल खतून मरकजी किरदार के तौर पर फाइनल किया गया। इस तरह उनकी फिल्म बंदी में पहली शुरुआत हुई। परिमानी, सुनील ग्रोवर, सानिया मल्होत्रा और योगी बाबा बाद में कॉस्ट में शामिल हुए। एक दहाई के बाद खान के साथ दोबारा मिलते हुए बाबू ने आखिरी बार चेन्नई एक्सप्रेस 2013 में खान के मध्य मुकाबल काम किया था। रानत गोपती को मुखालफ करदार की पेशकश की गई थी, लेकिन सेहत के मसाइल का वाला देते हुए इनकार कर दिया और इस तरह यह किरदार विजय सोपनी के पास चला गया। दीपिका पेडकोन अगस्त 2022 में कास्ट में शामिल हुए। मार्च से 2023 में संजय दत्त एक एक्शन सीन के दौरान एक कैमियो के लिए शूटिंग के लिए कास्ट में शामिल हुए। फोटोग्राफी का आगाज़ सितंबर 2021 में पुणे में हुआ। शाहरुख खान और नयनतारा 10 दिनों की शूटिंग में शामिल हुए। पुणे मेट्रो में शूटिंग की जाने वाली ये पहली फिल्म है। खान की जून 2022 में हैदराबाद में शूटिंग दोबारा शुरू हुई। नयनतारा ने अपनी शादी के बाद 26 जून 2022 को बम्बई के शेड्यूल में शमूलियत तैयार की। अगस्त में अगला शेड्यूल चेन्नई में शुरू हुआ, जहां दीपिका पेडकोन ने अपना मुख्तसर सा हिस्सा शूट किया। बाद में विजय सेतुपति शूट में शामिल हुए। खान और सेतुपति के दरमियान कुछ एक्शन सीक्वेंस शेड्यूल किए गए। जिंदा बंदा गाना इस शेड्यूल के दौरान जेल में फिल्माया गया। 5 दिन तक शूट होने वाले इस गाने में 1000 डांसर शामिल हुए और इसकी कोरियोग्राफी शोभी पटराज ने की थी। इसके बाद गाना भी दोबारा शूट किया गया और इसे तमिल वर्जन में वंदा एडम और तेलुगु वर्जन में धम्मे दोलीपिला के तौर पर शामिल किया गया। एक माह तक का तवील चेन्नई का शेड्यूल 7 अक्टूबर को ख़त्म हुआ। अगला शेड्यूल राजस्थान में अक्टूबर में मुनक्कद हुआ। खान और नयनतारा इस 20 दिन के शेड्यूल में शामिल हुए। अगला शेड्यूल फरवरी 2023 में मुनक्कद हुआ, जहां खान ने अपने कुछ मनाजर शूट किए। संजय दत्त 20 मार्च 2023 को शूट में शामिल हुए। एक्शन से भरपूर कैमियो शूट करने के लिए अप्रैल 2023 में चलिया के इनवान से एक गाना शूट किया गया, जिसमें खान और नयनतारा शामिल थे। इसी महीने के आखिर में एक गाना जिसमें खान और दीपिका पेडकोन शामिल थे उनके मुख्तसर किरदार के लिए फिल्म सिटी मुंबई में शूट किया गया। दोनों गानों की कोरियोग्राफी फराख खान ने की थी। जुलाई के मिड में एक गाना नॉट रमैया वस्तावैया शूट किया गया, जिसमें खान और नयनतारा शामिल हैं। वे बॉबी मर्चेंट की कोरियोग्राफी मुंबई के यशराज स्टूडियो में की गई। फिल्म की पोस्ट प्रोडक्शन जनवरी 2023 तक शुरू हुई और 6 माह तक जारी रही, क्योंकि फिल्म में कंप्यूटर ग्राफिक्स हैरी हेंग्रोनी ने फिल्म के VFX प्रोड्यूसर के तौर पे कैतनिया देव के साथ काम किया। किनार राजन ने साउंड डिजाइनर के तौर पे काम किया। अगस्त 2023 के शुरू में तैयार हो चुकी थी और इसे CBFC इदारे को जमा करा दिया गया था। 22 अगस्त 2023 को फिल्म को 169 मिनट के रन टाइम के साथ सेंसर बोर्ड से AU सर्टिफिकेट मिला। निर्वत को फिल्म के लिए कंपोज करने के लिए चुना गया। मौसीकी के राइट्स टी सीरीज ने हासिल किए। 2 मिनट के प्रोमो वीडियो में शामिल ट्रैक जवान प्रियू थीम 10 जुलाई 2023 को जारी किया गया। इसमें राजा कुमारी ने रैप लिखा और परफॉर्म किया, जिसमें अनिर्वद और बैनजंग ने परफॉर्म किया। फिल्म का टाइटल एक झलक वीडियो के साथ 3 जून 2022 को जारी किया गया था। बाद में फिल्म मुलतवी हो गई और 6 मई 2023 को एक मोशन पोस्टर के जरिए नई रिलीज की तारीख का ऐलान किया गया। 10 जुलाई 2023 को एक टीजर ट्रेलर जारी किया गया। यह 24 घंटों में 112 मिलियन से ज़्यादा राय के साथ सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला हिंदुस्तानी टीजर बन गया। बाद में टीजर को मिशन इम्पॉसिबल, डेड रिकॉनिंग पार्ट 1 और गदर 2 के प्रिंट के साथ सिनेमा हॉल्स में मुंसलिक किया गया। फिल्म के ऑफिशियल ट्रेलर की नकाब कशाई 31 अगस्त 2023 को हुई। उसी दिन खान अपने मुदाहों के साथ ट्रेलर की रिलीज का जश्न मनाने दुबई पहुंचे और बुर्ज खलीफा पर इसकी नमाइश की गई। ये बांग्लादेश में एक ही दिन रिलीज होने वाली पहली फिल्म है। पेन मनोदर एंटरटेनमेंट के बैनर के तहत शुमाली हिंदुस्तान और मगरबी हिंदुस्तान के सिनेमा हॉल के हकूक हासिल किए। श्री गोलगम मूवीज ने तमिलनाडु और केरला में फिल्म थिएटर के डिस्ट्रीब्यूशन के हकूक हासिल किए और तमिलनाडु में रेड जॉइंट मूवीज और केरला में ड्रीम बग फिल्म के तहत रिलीज होंगे। श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए तकसीम के हकूक हासिल किए। मैं जवान मूवी एक्शन और थ्रिल से भरपूर है, जिसको एटली ने डायरेक्ट किया है और वो इसके को राइटर भी हैं। इसे गोरी खां
और गौरव वर्मा ने रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के तहत प्रोड्यूस किया है। इसमें शाहरुख खान का डबल किरदार है। इनके साथ नयनतारा, विजय सी थोपनी, दीपिका पेडकोन, परिमानी और सानिया मल्होत्रा हैं। इसकी फोटोग्राफी का आगाज सितंबर 2021 में पुणे, बॉम्बे, हैदराबाद, चेन्नई और औरंगाबाद में हुआ। फिल्म का साउंड ट्रैक और बैकग्राउंड नीरज रविचंद्र ने तरतीब दिया था। इसकी सिनेमाटोग्राफी जी के शैनव ने की थी और एडिटिंग रोबन ने। जवान को इब्तदाई तौर पर 2 जून 2023 को रिलीज करने का मंसूबा बनाया गया था, लेकिन पोस्ट प्रोडक्शन नामुकम्मल होने की वजह से इसे मुलतवी कर दिया गया था। बाद में इसे 7 सितंबर 2023 को IMAX और DX4 फॉर्मेट में रिलीज करने का प्रोग्राम बनाया गया। अब आते हैं जवान मूवी की स्टोरी पे। इसमें विक्रम राठौर एक साबिक फौजी हैं जो अपने माजी की इसलाह के लिए पुरअज़म हैं, जहां वो मुल्क भर में होने वाली डकैतियों के सिलसिले में 6 हुनरमंद खवातीन की टीम की क्यादत करते हैं और मुंबई मेट्रो को हाईजैक करता है। विक्रम को मालूम हुआ है कि इसका तवील अरसे से खोया हुआ बेटा आज़ाद राठौर एक ईमानदार पुलिस अफसर है जिसे काली ने निशाना बनाया है, जो दुनिया का चौथा सबसे बड़ा असला डीलर है। विक्रम काले को खत्म करने के मिशन पर निकलता है। अगर इसकी कास्ट की बात की जाए तो शाहरुख खान विक्रम राठौर और आज़ाद राठौर के दोहरे किरदार में देखे जाएंगे। नयनतारा काले के तौर पर विजय सेन तोपनी, दीपिका पेडकोन विजय से तोपती दीपिका खसूसी रूप में नजर आएंगे। परिमानी, सुनील गौरव, रद्दि डोगरा, सानिया मल्होत्रा, संजीता भट्टाचार्य, आलिया कुरैशी, योगी बाबा, इजाज खां, आस्था अग्रवाल, जाफर सादक, गणेश गौरन, रविंदर वजे और संजय दत्त एक मुख्तसर किरदार में नजर आएंगे। 2019 के आखिर में ही अफवाह थी कि शाहरुख खान तमिल फिल्म डायरेक्टर एटली के साथ मिलकर काम करेंगे। मई 2021 में ये इतला मिली कि फिल्म बंदी जल्द ही शुरू हो जाएगी। इस फिल्म को गौरी खान ने रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के तहत प्रोड्यूस किया, जबकि गौरव वर्मा को प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। ये फिल्म 300 करोड़ रुपए के बजट से बनाई जा रही है। एटली ने हदायतकार के तौर पर एस रोमाना ग्रीवासन के साथ मिलकर फिल्म का स्क्रिप्ट लिखा। सुमित अरोड़ा ने मुकालमों में तआवन किया। एटली ने सिनेमाटोग्राफर जी के वैष्णव, एडिटर रोबन, आर्ट डायरेक्टर टी मेथोराज और असिस्टेंट डायरेक्टर अनिल आरसो समेत अपने ज्यादातर म्यारी तकनीकी माहरीन को स्पिरो रिजास्ट्रो, क्रेग मैकरा, यांग बैन, कमुगदारी और सुनील रोड्रिगेस को असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर इस्तेमाल किया। फिल्म के डांस कोरियोग्राफरों में फराह खां, विभावी मर्चेंट, शोभी और नलिता शामिल हैं। मुकेश जाबड़ा कास्टिंग डायरेक्टर थे। खान ने बाप और बेटे के तौर पर डबल किरदार अदा किया। वो 6 मुख्तलिफ रूपों में नजर आएंगे। नयनतारा को खान के मध्य मुकाबल खतून मरकजी किरदार के तौर पर फाइनल किया गया। इस तरह उनकी फिल्म बंदी में पहली शुरुआत हुई। परिमानी, सुनील ग्रोवर, सानिया मल्होत्रा और योगी बाबा बाद में कास्ट में शामिल हुए। एक दहाई के बाद खान के साथ दोबारा मिलते हुए बाबू ने आखिरी बार चेन्नई एक्सप्रेस 2013 में खान के मध्य मुकाबल काम किया था। राणा दुगोपती को मुखालफ किरदार की पेशकश की गई थी, लेकिन सेहत के मसाइल का वाला देते हुए इनकार कर दिया और इस तरह यह किरदार विजय सोपनी के पास चला गया। दीपिका पेडकोन अगस्त 2022 में कास्ट में शामिल हुए। मार्च सन 2023 में संजय दत्त एक एक्शन सीन के दौरान एक कैमियो के लिए शूटिंग के लिए कास्ट में शामिल हुए। फोटोग्राफी का आगाज सितंबर 2021 में पुणे में हुआ। शाहरुख खान और नयनतारा 10 दिनों की शूटिंग में शामिल हुए। पुणे मेट्रो में शूटिंग की जाने वाली ये पहली फिल्म है। खान की जून 2022 में हैदराबाद में शूटिंग दोबारा शुरू हुई। नयनतारा ने अपनी शादी के बाद 26 जून 2022 को बॉम्बे के शेड्यूल में शमूलियत तैयार की। अगस्त में अगला शेड्यूल चेन्नई में शुरू हुआ, जहां दीपिका पेडकोन ने अपना मुख्तसर सा हिस्सा शूट किया। बाद में विजय सेतोपती शूट में शामिल हुए। खान और सेतोपती के दरमियान कुछ एक्शन सीक्वेंस शेड्यूल किए गए। जिंदा बंदा गाना इस शेड्यूल के दौरान जेल में फिल्माया गया। 5 दिन तक शूट होने वाले इस गाने में 1000 डांसर शामिल हुए और इसकी कोरियोग्राफी शोभी पटराज ने की थी। इसके बाद गाना भी दोबारा शूट किया गया और इसे तमिल वर्जन में वंदा एडम और तेलुगु वर्जन में धुम्मे दोलीपिला के तौर पर शामिल किया गया। एक माह तक का तवील चेन्नई का शेड्यूल 7 अक्टूबर को ख़त्म हुआ। अगला शेड्यूल राजस्थान में अक्टूबर में मुनक्कद हुआ। खान और नयनतारा इस 20 दिन के शेड्यूल में शामिल हुए। अगला शेड्यूल फरवरी 2023 में मुनक्कद हुआ, जहां खान ने अपने कुछ मनाजर शूट किए। संजय दत्त 20 मार्च 2023 को शूट में शामिल हुए। एक्शन से भरपूर कैमियो शूट करने के लिए अप्रैल 2023 में चलिया के इनवान से एक गाना शूट किया गया, जिसमें खान और नयनतारा शामिल थे। इसी महीने के आखिर में एक गाना
जिसमें खान और दीपिका पेडकोन शामिल थे, उनके मौसर किरदार के लिए फिल्म सिटी मुंबई में शूट किया गया। दोनों गानों की कोरियोग्राफी फराख खान ने की थी। जुलाई के मिड में एक गाना नॉट रमैया वस्तावैया शूट किया गया, जिसमें खान और नयनतारा शामिल हैं। वे बॉबी मर्चेंट की कोरियोग्राफी मुंबई के यशराज स्टूडियो में की गई। फिल्म की पोस्ट प्रोडक्शन जनवरी 2023 तक शुरू हुई और 6 माह तक जारी रही, क्योंकि फिल्म में कंप्यूटर ग्राफिक्स हैरी हेंग्रोनी ने फिल्म के VFX प्रोड्यूसर के तौर पे कैतनिया देव के साथ काम किया। किन्नर राजन ने साउंड डिजाइनर के तौर पे काम किया। अगस्त 2023 के शुरू में तैयार हो चुकी थी और इसे CBFC इदारे को जमा करा दिया गया था। 22 अगस्त 2023 को फिल्म को 169 मिनट के रन टाइम के साथ सेंसर बोर्ड से AU सर्टिफिकेट मिला। निर्वत को फिल्म के लिए कंपोज करने के लिए चुना गया। मौसीकी के राइट्स टी सीरीज ने हासिल किए। 2 मिनट के प्रोमो वीडियो में शामिल ट्रैक जवान प्रियु थीम 10 जुलाई 2023 को जारी किया गया। इसमें राजा कुमारी ने रैप लिखा और परफॉर्म किया, जिसमें अनिर्वद और बैंडजंग ने परफॉर्म किया। फिल्म का टाइटल एक झलक वीडियो के साथ 3 जून 2022 को जारी किया गया था। बाद में फिल्म मुलतवी हो गई और 6 मई 2023 को एक मोशन पोस्टर के जरिए नई रिलीज की तारीख का ऐलान किया गया। 10 जुलाई 2023 को एक टीजर ट्रेलर जारी किया गया। ये 24 घंटों में 112 मिलियन से ज़्यादा राय के साथ सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला हिंदुस्तानी टीजर बन गया। बाद में टीजर को मिशन इम्पॉसिबल, डेड रिकॉनिंग पार्ट 1 और गदर 2 के प्रिंट के साथ सिनेमा हॉल्स में मुंसलिक किया गया। फिल्म के ऑफिशियल ट्रेलर की नकाब कशाई 31 अगस्त 2023 को हुई। उसी दिन खान अपने मुदाहों के साथ ट्रेलर की रिलीज का जश्न मनाने दुबई पहुंचे और बुर्ज खलीफा पर इसकी नुमाइश की गई। ये बांग्लादेश में एक ही दिन रिलीज होने वाली पहली फिल्म है। पेन मनोदर एंटरटेनमेंट के बैनर के तहत शुमाली हिंदुस्तान और मगरबी हिंदुस्तान के सिनेमा हॉल के हकूक हासिल किए। श्री गोलगम मूवीज ने तमिलनाडु और केरला में फिल्म थिएटर के डिस्ट्रीब्यूशन के हकूक हासिल किए और तमिलनाडु में रेड जॉइंट मूवीज और केरला में ड्रीम बग फिल्म के तहत रिलीज होंगे। श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए तकसीम के हकूक हासिल किए। मैसूर के इलाके के हकूक पैनोरामा स्टूडियो ने हासिल किए। FSV ने मगरबी बंगाल और अडीसा के लिए राजश्री प्रोडक्शन के हकूक हासिल किए। प्रकाश पिक्चर फिल्म ने बिहार में हकूक हासिल किए। बैरून मुल्क फिल्म दिखाने के हकूक यशराज फिल्म को फरोख्त किए गए। होम स्क्रीन एंटरटेनमेंट ने सिंगापुर डिस्ट्रीब्यूशन के हकूक खरीदे, जबकि लाइट हाउस डिस्ट्रीब्यूशन ने स्पेन के लिए हकूक हासिल किए। एक्शन कट एंटरटेनमेंट रॉन्ग दोनों ग्रुप के साथ मिलकर बांग्लादेश में फिल्म की तकसीम के हकूक हासिल किए। फ्राइडे एंटरटेनमेंट इस फिल्म को फ्रांस में दिखाएगी। जवान मूवी एक्शन और थ्रिल से भरपूर है, जिसको एटली ने डायरेक्ट किया है और वो इसके को राइटर भी हैं। इसे गौरी खां और गौरव वर्मा ने रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के तहत प्रोड्यूस किया है। इसमें शाहरुख खान का डबल किरदार है। इनके साथ नयनतारा, विजय सिंह थोपनी, दीपिका पेडकोन, परिमानी और सानिया मल्होत्रा हैं। इसकी फोटोग्राफी का आगाज सितंबर 2021 में पुणे, बम्बे, हैदराबाद, चेन्नई और औरंगाबाद में हुआ। फिल्म का साउंड ट्रैक और बैकग्राउंड नीरज रविचंद्र ने तरतीब दिया था। इसकी सिनेमाटोग्राफी GK शैनव ने की थी और एडिटिंग रोबन ने। जवान को इब्तदाई तौर पर 2 जून 2023 को रिलीज करने का मनसूबा बनाया गया था, लेकिन पोस्ट प्रोडक्शन नामुकम्मल होने की वजह से इसे मुलतवी कर दिया गया था। बाद में इसे 7 सितंबर 2023 को IMAX और DX4 फॉर्मेट में रिलीज करने का प्रोग्राम बनाया गया। अब आते हैं जवान मूवी की स्टोरी पे। इसमें विक्रम राठौर एक साबिक फौजी हैं, जो अपने माजी की इसलाह के लिए पुरअज़म हैं, जहां वो मुल्क भर में होने वाली डकैतियों के सिलसिले में 6 हुनरमंद खवातीन की टीम की क्यादत करते हैं और मुंबई मेट्रो को हाईजैक करता है। विक्रम को मालूम हुआ है कि इसका तवील अरसे से खोया हुआ बेटा आज़ाद राठौर एक ईमानदार पुलिस अफसर है, जिसे काली ने निशाना बनाया है, जो दुनिया का चौथा सबसे बड़ा असला डीलर है। विक्रम काले को खत्म करने के मिशन पर निकलता है। अगर इसकी कास्ट की बात की जाए तो शाहरुख खान विक्रम राठौर और आज़ाद राठौर के दोहरे किरदार में देखे जाएंगे। नयनतारा काले के तौर पर विजय से तोपनी, दीपिका पेडकोन विजय से तोपती दीपिका खसूसी रूप में नजर आएंगे। परिमानी, सुनील गौरव, रद्दि डोगरा, सानिया मल्होत्रा, संजीता भट्टाचार्य, आलिया कुरैशी, योगी बाबा, इजाज खां, आस्था अग्रवाल, जाफर सादक, गणेश गौरन, रविंदर वजे और संजय दत्त एक मुख्तसर किरदार में नजर आएंगे। 2019 के आखिर में ही अफवाह थी कि शाहरुख खान तमिल फिल्म डायरेक्टर एटली के साथ मिलकर काम करेंगे। मई 2021 में ये इतला मिली कि फिल्म बंदी जल्द ही शुरू हो जाएगी। इस फिल्म को गौरी खान ने रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के तहत प्रोड्यूस किया,
जबकि गौरव वर्मा को प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। यह फिल्म 300 करोड़ रुपए के बजट से बनाई जा रही है। एटली ने हदायतकार के तौर पर एस रोमाना ग्रीवासन के साथ मिलकर फिल्म का स्क्रिप्ट लिखा। सुमित अरोड़ा ने मुकालमों में तआवन किया। एटली ने सिनेमाटोग्राफर जी के वैष्णव, एडिटर रोबन, आर्ट डायरेक्टर टी मेथोराज और असिस्टेंट डायरेक्टर अनिल आरसो समेत अपने ज्यादातर म्यारी तकनीकी माहरीन को स्पिरो रिजास्ट्रो, क्रेग मैकरा, यान बैन, कमगदारी और सुनील रोड्रिगेज को असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर इस्तेमाल किया। फिल्म के डांस कोरियोग्राफरों में फराह खां, विभावी मर्चेंट, शोभी और नलिता शामिल हैं। मुकेश जाबड़ा कास्टिंग डायरेक्टर थे। खान ने बाप और बेटे के तौर पर डबल किरदार अदा किया। वो 6 मुख्तलिफ रूपों में नजर आएंगे। नैन थारा को खान के मध्य मुकाबल खतून मरकजी किरदार के तौर पर फाइनल किया गया। इस तरह उनकी फिल्म बंदी में पहली शुरुआत हुई। परिमानी, सुनील ग्रोवर, सानिया मल्होत्रा और योगी बाबा बाद में कॉस्ट में शामिल हुए। एक दहाई के बाद खान के साथ दोबारा मिलते हुए बाबू ने आखिरी बार चेन्नई एक्सप्रेस 2013 में खान के मध्य मुकाबल काम किया था। राणा दुगोपती को मुखालफ किरदार की पेशकश की गई थी, लेकिन सेहत के मसाइल का वाला देते हुए इनकार कर दिया और इस तरह यह किरदार विजय सोपनी के पास चला गया। दीपिका पेडकोन अगस्त 2022 में कास्ट में शामिल हुई। मार्च सन 2023 में संजय दत्त एक एक्शन सीन के दौरान एक कैमियो के लिए शूटिंग के लिए कास्ट में शामिल हुए। फोटोग्राफी का आगाज सितंबर 2021 में पुणे में हुआ। शाहरुख खान और नयनतारा 10 दिनों की शूटिंग में शामिल हुए। पुणे मेट्रो में शूटिंग की जाने वाली ये पहली फिल्म है। खान की जून 2022 में हैदराबाद में शूटिंग दोबारा शुरू हुई। नयनतारा ने अपनी शादी के बाद 26 जून 2022 को बम्बई के शेड्यूल में शमूलियत तैयार की। अगस्त में अगला शेड्यूल चेन्नई में शुरू हुआ, जहां दीपिका पेडुकोन ने अपना मुख्तसर सा हिस्सा शूट किया। बाद में विजय सेतुपति शूट में शामिल हुए। खान और सेतुपति के दरमियान कुछ एक्शन सीक्वेंस शेड्यूल किए गए। जिंदा बंदा गाना इस शेड्यूल के दौरान जेल में फिल्माया गया। 5 दिन तक शूट होने वाले इस गाने में 1000 डांसर शामिल हुए और इसकी कोरियोग्राफी शोभी पटराज ने की थी। इसके बाद गाना भी दोबारा शूट किया गया और इसे तमिल वर्जन में वंदा एडम और तेलुगु वर्जन में धुम्मे दोलीपिला के तौर पर शामिल किया गया। 1 माह तक का तवील चेन्नई का शेड्यूल 7 अक्टूबर को ख़त्म हुआ। अगला शेड्यूल राजस्थान में अक्टूबर में मुनक्कद हुआ। खान और नयनतारा इस 20 दिन के शेड्यूल में शामिल हुए। अगला शेड्यूल फरवरी 2023 में मुनक्कद हुआ, जहां खान ने अपने कुछ मनाजर शूट किए। संजय दत्त 20 मार्च 2023 को शूट में शामिल हुए। एक्शन से भरपूर कैमियो शूट करने के लिए अप्रैल 2023 में चलिया के इनवान से एक गाना शूट किया गया, जिसमें खान और नयनतारा शामिल थे। इसी महीने के आखिर में एक गाना जिसमें खान और दीपिका पेडुकोन शामिल थे उनके मुख्तसर किरदार के लिए फिल्म सिटी मुंबई में शूट किया गया। दोनों गानों की कोरियोग्राफी फराह खान ने की थी। जुलाई के मिड में एक गाना नॉट रमैया वस्तावैया शूट किया गया, जिसमें खान और नयनतारा शामिल हैं। वे बॉबी मर्चेंट की कोरियोग्राफी मुंबई के यशराज स्टूडियो में की गई। फिल्म की पोस्ट प्रोडक्शन जनवरी 2023 तक शुरू हुई और 6 माह तक जारी रही, क्योंकि फिल्म में कंप्यूटर ग्राफिक्स हैरी हेंग्रोनी ने फिल्म के VFX प्रोड्यूसर के तौर पर कैतन यादव के साथ काम किया। किनार राजन ने साउंड डिजाइनर के तौर पर काम किया। अगस्त 2023 के शुरू में तैयार हो चुकी थी और इसे CBFC इदारे को जमा करा दिया गया था। 22 अगस्त 2023 को फिल्म को 169 मिनट के रन टाइम के साथ सेंसर बोर्ड से AU सर्टिफिकेट मिला। निर्वत को फिल्म के लिए कंपोज करने के लिए चुना गया। मौसीकी के राइट्स टी सीरीज ने हासिल किए। 2 मिनट के प्रोमो वीडियो में शामिल ट्रैक जवान प्रिजू थीम 10 जुलाई 2023 को जारी किया गया। इसमें राजा कुमारी ने रैप लिखा और परफॉर्म किया, जिसमें अनिर्वध और बेंजंग ने परफॉर्म किया। फिल्म का टाइटल एक झलक वीडियो के साथ 3 जून 2022 को जारी किया गया था। बाद में फिल्म मुलतवी हो गई और 6 मई 2023 को एक मोशन पोस्टर के जरिए नई रिलीज की तारीख का ऐलान किया गया। 10 जुलाई 2023 को एक टीजर ट्रेलर जारी किया गया। ये 24 घंटों में 112 मिलियन से ज़्यादा राय के साथ सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला हिंदुस्तानी टीजर बन गया। बाद में टीजर को मिशन इम्पॉसिबल, डेड रिकॉनिंग पार्ट 1 और गदर 2 के प्रिंट के साथ सिनेमा हॉल्स में मुंसले किया गया। फिल्म के ऑफिशियल ट्रेलर की नकाब कशाई 31 अगस्त 2023 को हुई। उसी दिन खान अपने मुदाहों के साथ ट्रेलर की रिलीज का जश्न मनाने दुबई पहुंचे और बुर्ज खलीफा पर इसकी नुमाइश की गई। ये बांग्लादेश में एक ही दिन रिलीज होने वाली पहली फिल्म है। पेन मनोदर एंटरटेनमेंट के बैनर के तहत शुमाली हिंदुस्तान और मगरबी हिंदुस्तान के सिनेमा हॉल के हकूक हासिल किए। श्री गोलगम मूवीज़ ने तमिलनाडु और केरला में
फिल्म थिएटर के डिस्ट्रीब्यूशन के हकूक हासिल किए और तमिलनाडु में रेड जॉइंट मूवीज़ और केरला में ड्रीम बग फिल्म के तहत रिलीज होंगे। श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए तकसीम के हकूक हासिल किए। मैसूर के इलाके के हकूक पैनोरामा स्टूडियो ने हासिल किए। FSV ने मगरबी बंगाल और अडीसा के लिए राजश्री प्रोडक्शन के हकूक हासिल किए। प्रकाश पिक्चर फिल्म ने बिहार में हकूक हासिल किए। बैरून मुल्क फिल्म दिखाने के हकूक यश राज फिल्म को फरोख्त किए गए। होम स्क्रीन एंटरटेनमेंट ने सिंगापुर डिस्ट्रीब्यूशन के हकूक खरीदे, जबकि लाइट हाउस डिस्ट्रीब्यूशन ने स्पेन के लिए हकूक हासिल किए। एक्शन कट इंटरटेनमेंट रॉन्ग दोनों ग्रुप के साथ मिलकर बांग्लादेश में फिल्म की तकसीम के हकूक हासिल किए। फ्राइडे इंटरटेनमेंट इस फिल्म को फ्रांस में दिखाएगी। जवान मूवी एक्शन और थ्रिल से भरपूर है, जिसको एटली ने डायरेक्ट किया है और वो इसके को राइटर भी हैं। इसे गौरी खां और गौरव वर्मा ने रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के तहत प्रोड्यूस किया है। इसमें शाहरुख खान का डबल किरदार है। इनके साथ नयनतारा, विजय सिंह थोपनी, दीपिका पेडकोन, परिमानी और सानिया मल्होत्रा हैं। इसकी फोटोग्राफी का आगाज सितंबर 2021 में पुणे, बम्बे, हैदराबाद, चेन्नई और औरंगाबाद में हुआ। फिल्म का साउंड ट्रैक और बैकग्राउंड नीरज रविचंद्र ने तरतीब दिया था। इसकी सिनेमाटोग्राफी GK शैनव ने की थी और एडिटिंग रोबन ने। जवान को इब्तदाई तौर पर 2 जून 2023 को रिलीज करने का मंसूबा बनाया गया था, लेकिन पोस्ट प्रोडक्शन नामुकम्मल होने की वजह से इसे मुलतवी कर दिया गया था। बाद में इसे 7 दिसंबर 2023 को IMAX और DX4 फॉर्मेट में रिलीज करने का प्रोग्राम बनाया गया। अब आते हैं जवान मूवी की स्टोरी पे। इसमें विक्रम राठौर एक साबिक फौजी हैं जो अपने माजी की इसलाह के लिए पुरअज़म हैं, जहां वो मुल्क भर में होने वाली डकैतियों के सिलसिले में 6 हुनरमंद खवातीन की टीम की क्यादत करते हैं और मुंबई मेट्रो को हाईजैक करता है। विक्रम को मालूम हुआ है कि इसका तवील अरसे से खोया हुआ बेटा आज़ाद राठौर एक ईमानदार पुलिस अफसर है, जिसे काली ने निशाना बनाया है, जो दुनिया का चौथा सबसे बड़ा असला डीलर है। विक्रम काले को खत्म करने के मिशन पर निकलता है। अगर इसकी कास्ट की बात की जाए तो शाहरुख खान विक्रम राठौर और आज़ाद राठौर के दोहरे किरदार में देखे जाएंगे। नयनतारा काले के तौर पर विजय सिंह थोपनी, दीपिका पेडकोन विजय सिंह थोपती, दीपिका खसूसी रूप में नजर आएंगे। परिमानी सुनील गौरव, रद्दी डोगरा, सानिया मल्होत्रा, संजीता भट्टाचार्य, आलिया कुरैशी, योगी बाबा, इजाज खां, आस्था अग्रवाल, जाफर सादक, गणेश गौरन, रविंदर वजे और संजय दत्त एक मुख्तसर किरदार में नजर आएंगे। 2019 के आखिर में ही अफवाह थी कि शाहरुख खान तमिल फिल्म डायरेक्टर एटली के साथ मिलकर काम करेंगे। मई 2021 में ये इतला मिली कि फिल्म बंदी जल्द ही शुरू हो जाएगी। इस फिल्म को गौरी खान ने रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के तहत प्रोड्यूस किया, जबकि गौरव वर्मा को प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। ये फिल्म 300 करोड़ रुपए के बजट से बनाई जा रही है। एटली ने हदायतकार के तौर पर एस रोमानागिरीवासन के साथ मिलकर फिल्म का स्क्रिप्ट लिखा। सुमित अरोड़ा ने मुकालमों में तआवन किया। एटली ने सिनेमाटोग्राफर GK वैष्णव, एडिटर रोबन, आर्ट डायरेक्टर टी मेथोराज और असिस्टेंट डायरेक्टर अनिल आरसो समेत अपने ज्यादातर म्यारी तकनीकी माहरीन को स्पिरो रिज़ास्ट्रो, क्रेग मैकरा, यांग बैन, कमगदारी और सुनील रोड्रिगेस को असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर इस्तेमाल किया। फिल्म के डांस कोरियोग्राफरों में फराह खां, विभावी मर्चेंट, शोभी और नलिता शामिल हैं। मुकेश जाबड़ा कास्टिंग डायरेक्टर थे। खान ने बाप और बेटे के तौर पर डबल किरदार अदा किया। वो 6 मुख्तलिफ रूपों में नजर आएंगे। नयनतारा को खान के मध्य मुकाबल खतून मरकजी किरदार के तौर पर फाइनल किया गया। इस तरह उनकी फिल्म बंदी में पहली शुरुआत हुई। परिमानी, सुनील ग्रोवर, सानिया मल्होत्रा और योगी बाबा बाद में कॉस्ट में शामिल हुए। एक दहाई के बाद खान के साथ दोबारा मिलते हुए बाबू ने आखिरी बार चेन्नई एक्सप्रेस 2013 में खान के मध्य मुकाबल काम किया था। रणद गोपती को मुखालफ करदार की पेशकश की गई थी, लेकिन सेहत के मसाइल का वाला देते हुए इनकार कर दिया और इस तरह यह किरदार विजय सोपनी के पास चला गया। दीपिका पेडकोन अगस्त 2022 में कास्ट में शामिल हुई। मार्च 2023 में संजय दत्त एक एक्शन सीन के दौरान एक कैमियो के लिए शूटिंग के लिए कास्ट में शामिल हुए। फोटोग्राफी का आगाज सितंबर 2021 में पुणे में हुआ। शाहरुख खान और नयनतारा 10 दिनों की शूटिंग में शामिल हुए। पुणे मेट्रो में शूटिंग की जाने वाली ये पहली फिल्म है। खान की जून 2022 में हैदराबाद में शूटिंग दोबारा शुरू हुई। नयनतारा ने अपनी शादी के बाद 26 जून 2022 को बम्बई के शेड्यूल में शमूलियत तैयार की। अगस्त में अगला शेड्यूल चेन्नई में शुरू हुआ, जहां दीपिका पेडकोन ने अपना मुख्तसर सा हिस्सा शूट किया। बाद में विजय सेतोपती शूट में शामिल हुए। खान और सेतोपती
के दरमियान कुछ एक्शन सीक्वेंस शेड्यूल किए गए। जिंदा बंदा गाना इस शेड्यूल के दौरान जेल में फिल्माया गया। 5 दिन तक शूट होने वाले इस गाने में 1000 डांसर शामिल हुए और इसकी कोरियोग्राफी शोभी पटराज ने की थी। इसके बाद गाना भी दोबारा शूट किया गया और इसे तमिल वर्जन में वंदा एडम और तेलुगु वर्जन में धम्मे दोली पीला के तौर पर शामिल किया गया। 1 माह तक का तवील चनाई का शेड्यूल 7 अक्टूबर को ख़त्म हुआ। अगला शेड्यूल राजस्थान में अक्टूबर में मुनक्कद हुआ। खान और नयनतारा इस 20 दिन के शेड्यूल में शामिल हुए। अगला शेड्यूल फरवरी 2023 में मुनक्कद हुआ, जहां खान ने अपने कुछ मनाजर शूट किए। संजय दत्त 20 मार्च 2023 को शूट में शामिल हुए। एक्शन से भरपूर कैमियो शूट करने के लिए अप्रैल 2023 में चलिया के इनवान से एक गाना शूट किया गया, जिसमें खान और नयनतारा शामिल थे। इसी महीने के आखिर में एक गाना जिसमें खान और दीपिका पेडकोन शामिल थे उनके मौसर किरदार के लिए फिल्म सिटी मुंबई में शूट किया गया। दोनों गानों की कोरियोग्राफी फराह खान ने की थी। जुलाई के मिड में एक गाना नॉट रमैया वस्तावैया शूट किया गया, जिसमें खान और नयनतारा शामिल हैं। वे बॉबी मर्चेंट की कोरियोग्राफी मुंबई के यशराज स्टूडियो में की गई। फिल्म की पोस्ट प्रोडक्शन जनवरी 2023 तक शुरू हुई और 6 माह तक जारी रही, क्योंकि फिल्म में कंप्यूटर ग्राफिक्स हैरी हेंग्रोनी ने फिल्म के VFX प्रोड्यूसर के तौर पे कैतनिया देव के साथ काम किया। किन्नर राजन ने साउंड डिजाइनर के तौर पे काम किया। अगस्त 2023 के शुरू में तैयार हो चुकी थी और इसे CBFC इदारे को जमा करा दिया गया था। 22 अगस्त 2023 को फिल्म को 169 मिनट के रन टाइम के साथ सेंसर बोर्ड से AU सर्टिफिकेट मिला। निर्वत को फिल्म के लिए कंपोज करने के लिए चुना गया। मौसीकी के राइट्स टी सीरीज ने हासिल किए। 2 मिनट के प्रोमो वीडियो में शामिल ट्रैक जवान प्रियु थीम 10 जुलाई 2023 को जारी किया गया। इसमें राजा कुमारी ने रैप लिखा और परफॉर्म किया, जिसमें अनिर्वध और बेंजंग ने परफॉर्म किया। फिल्म का टाइटल एक झलक वीडियो के साथ 3 जून 2022 को जारी किया गया था। बाद में फिल्म मुलतवी हो गई और 6 मई 2023 को एक मोशन पोस्टर के जरिए नई रिलीज की तारीख का ऐलान किया गया। 10 जुलाई 2023 को एक टीजर ट्रेलर जारी किया गया। ये 24 घंटों में 112 मिलियन से ज़्यादा राय के साथ सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला हिंदुस्तानी टीजर बन गया। बाद में टीजर को मिशन इम्पॉसिबल, डेड रिकॉनिंग पार्ट 1 और गदर 2 के प्रिंट के साथ सिनेमा हॉल्स में मुंसलिक किया गया। फिल्म के ऑफिशियल ट्रेलर की नकाब कशाई 31 अगस्त 2023 को हुई। उसी दिन खान अपने मुदाहों के साथ ट्रेलर की रिलीज का जश्न मनाने दुबई पहुंचे और बुर्ज खलीफा पर इसकी नुमाइश की गई। ये बांग्लादेश में एक ही दिन रिलीज होने वाली पहली फिल्म है। पेन मनोदर एंटरटेनमेंट के बैनर के तहत शुमाली हिंदुस्तान और मगरबी हिंदुस्तान के सिनेमा हॉल के हकूक हासिल किए। श्री गोलगम मूवीज ने तमिलनाडु और केरला में फिल्म थिएटर के डिस्ट्रीब्यूशन के हकूक हासिल किए और तमिलनाडु में रेड जॉइंट मूवीज और केरला में ड्रीम बग फिल्म के तहत रिलीज होंगे। श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए तकसीम के हकूक हासिल किए। मैसूर के इलाके के हकूक पैनोरामा स्टूडियो ने हासिल किए। FSV ने मगरबी बंगाल और अडीसा के लिए राजश्री प्रोडक्शन के हकूक हासिल किए। प्रकाश पिक्चर फिल्म ने बहार में हकूक हासिल किए। बैरून मुल्क फिल्म दिखाने के हकूक यशराज फिल्म को फरोख्त किए गए। होम स्क्रीन एंटरटेनमेंट ने सिंगापुर डिस्ट्रीब्यूशन के हकूक खरीदे, जबकि लाइट हाउस डिस्ट्रीब्यूशन ने स्पेन के लिए हकूक हासिल किए। एक्शन कट एंटरटेनमेंट रॉन्ग दोनों ग्रुप के साथ मिलकर बांग्लादेश में फिल्म की तकसीम के हकूक हासिल किए। फ्राइडे एंटरटेनमेंट इस फिल्म को फ्रांस में दिखाएगी। जवान मूवी एक्शन और थ्रिल से भरपूर है, जिसको एटली ने डायरेक्ट किया है और वो इसके को राइटर भी हैं। इसे गौरी खां और गौरव वर्मा ने रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के तहत प्रोड्यूस किया है। इसमें शाहरुख खान का डबल किरदार है। इनके साथ नयनतारा, विजय सी थोपनी, दीपिका पेडकोन, परिमानी और सानिया मल्होत्रा हैं। इसकी फोटोग्राफी का आगाज सितंबर 2021 में पुणे, बम्बे, हैदराबाद, चेन्नई और औरंगाबाद में हुआ। फिल्म का साउंडट्रैक और बैकग्राउंड नीरज रविचंद्र ने तरतीब दिया था। इसकी सिनेमाटोग्राफी GK शैनव ने की थी और एडिटिंग रोबन ने। जवान को इब्तदाई तौर पर 2 जून 2023 को रिलीज करने का मंसूबा बनाया गया था, लेकिन पोस्ट प्रोडक्शन नामुकम्मल होने की वजह से इसे मुलतवी कर दिया गया था। बाद में इसे 7 सितंबर 2023 को IMAX और DX4 फॉर्मेट में रिलीज करने का प्रोग्राम बनाया गया। अब आते हैं जवान मूवी की स्टोरी पे। इसमें विक्रम राठौर एक साबिक फौजी हैं
जो अपने मावी की इसलाह के लिए पुरअज़म हैं, जहां वो मुल्क भर में होने वाली डकैतियों के सिलसिले में 6 हुनरमंद खवातीन की टीम की क्यादत करते हैं और मुंबई मेट्रो को हाईजैक करता है। विक्रम को मालूम हुआ है कि इसका तवील अरसे से खोया हुआ बेटा आज़ाद राठौर एक ईमानदार पुलिस अफसर है, जिसे काली ने निशाना बनाया है, जो दुनिया का चौथा सबसे बड़ा असला डीलर है। विक्रम काले को खत्म करने के मिशन पर निकलता है। अगर इसकी कास्ट की बात की जाए तो शाहरुख खान विक्रम राठौर और आज़ाद राठौर के दोहरे किरदार में देखे जाएंगे। नयनतारा काले के तौर पर विजय से तोपनी दीपिका पेडकोन, विजय से तोपती दीपिका खसूसी रूप में नजर आएंगे। प्रीमानी सुनील गौरव, रद्दी डोगरा, सानिया मल्होत्रा, संजीता भट्टाचार्य, आलिया कुरैशी, योगी बाबा, इजाज खां, आस्था अग्रवाल, जाफर सादक, गणेश गौरन, रविंदर वजे और संजय दत्त एक मुख्तसर किरदार में नजर आएंगे। 2019 के आखिर में ही अफवाह थी कि शाहरुख खान तमिल फिल्म डायरेक्टर एटली के साथ मिलकर काम करेंगे। मई 2021 में ये इतला मिली कि फिल्म बंदी जल्द ही शुरू हो जाएगी। इस फिल्म को गौरी खान ने रेड चिलीज इंटरटेनमेंट के तहत प्रोड्यूस किया, जबकि गौरव वर्मा को प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। ये फिल्म 300 करोड़ रुपये के बजट से बनाई जा रही है। एटली ने हदायतकार के तौर पर एस रोमानागिरीवासन के साथ मिलकर फिल्म का स्क्रिप्ट लिखा। सुमित अरोड़ा ने मुकालमों में तआवन किया। एटली ने सिनेमाटोग्राफर जी के वैष्णो, एडिटर रोबन, आर्ट डायरेक्टर टी मेथोराज और असिस्टेंट डायरेक्टर अनिल आरसो समेत अपने ज्यादातर म्यारी तकनीकी माहरीन को स्पिरो रिज़ास्ट्रो, क्रेग मैकरा, यांग बैन कमगदारी और सुनील रोड रैगस को असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर इस्तेमाल किया। फिल्म के डांस कोरियोग्राफरों में फराह खां, विभावी मर्चेंट, शोभी और ललिता शामिल हैं। मुकेश जाबड़ा कास्टिंग डायरेक्टर थे। खान ने बाप और बेटे के तौर पर डबल किरदार अदा किया। वो 6 मुख्तलिफ रूपों में नजर आएंगे। नयनतारा को खान के मध्य मुकाबल खतून मरकजी किरदार के तौर पर फाइनल किया गया। इस तरह उनकी फिल्म बंदी में पहली शुरुआत हुई। परिमानी, सुनील ग्रोवर, सानिया मल्होत्रा और योगी बाबा बाद में कास्ट में शामिल हुए। एक दहाई के बाद खान के साथ दोबारा मिलते हुए बाबू ने आखिरी बार चेन्नई एक्सप्रेस 2013 में खान के मध्य मुकाबल काम किया था। राणा दुगोपती को मुखालफ करदार की पेशकश की गई थी, लेकिन सेहत के मसाइल का वाला देते हुए इनकार कर दिया और इस तरह यह किरदार विजय सोपनी के पास चला गया। दीपिका पेडकोन अगस्त 2022 में कास्ट में शामिल हुए। मार्च सन 2023 में संजय दत्त एक एक्शन सीन के दौरान एक कैमियो के लिए शूटिंग के लिए कास्ट में शामिल हुए। फोटोग्राफी का आगाज सितंबर 2021 में पुणे में हुआ। शाहरुख खान और नयनतारा 10 दिनों की शूटिंग में शामिल हुए। पुणे मेट्रो में शूटिंग की जाने वाली ये पहली फिल्म है। खान की जून 2022 में हैदराबाद में शूटिंग दोबारा शुरू हुई। नयनतारा ने अपनी शादी के बाद 26 जून 2022 को बम्बई के शेड्यूल में शमूलियत तैयार की। अगस्त में अगला शेड्यूल चेन्नई में शुरू हुआ, जहाँ दीपिका पेडकोन ने अपना मुख्तसर सा हिस्सा शूट किया। बाद में विजय सेतोपती शूट में शामिल हुए। खान और सेतोपती के दरमियान कुछ एक्शन सीक्वेंस शेड्यूल किए गए। जिंदा बंदा गाना इस शेड्यूल के दौरान जेल में फिल्माया गया। 5 दिन तक शूट होने वाले इस गाने में 1000 डांसर शामिल हुए और इसकी कोरियोग्राफी शोभी पड़राज ने की थी। इसके बाद गाना भी दोबारा शूट किया गया और इसे तमिल वर्जन में वंदा एडम और तेलुगु वर्जन में धुम्मे दोलीपीला के तौर पर शामिल किया गया। एक माह तक का तवील चेन्नई का शेड्यूल 7 अक्टूबर को ख़त्म हुआ। अगला शेड्यूल राजस्थान में अक्टूबर में मुनक्कद हुआ। खान और नयनतारा इस 20 दिन के शेड्यूल में शामिल हुए। अगला शेड्यूल फरवरी 2023 में मुनक्कद हुआ, जहां खान ने अपने कुछ मनाजर शूट किए। संजय दत्त 20 मार्च 2023 को शूट में शामिल हुए। एक्शन से भरपूर कैमियो शूट करने के लिए अप्रैल 2023 में चलिया के इनवान से एक गाना शूट किया गया, जिसमें खान और नयनतारा शामिल थे। इसी महीने के आखिर में एक गाना जिसमें खान और दीपिका पेडकोन शामिल थे उनके मुख्तसर किरदार के लिए फिल्म सिटी मुंबई में शूट किया गया। दोनों गानों की कोरियोग्राफी फराह खान ने की थी। जुलाई के मिड में एक गाना नॉट रमैया वस्ता वैया शूट किया गया, जिसमें खान और नयनतारा शामिल हैं। वे बॉबी मर्चेंट की कोरियोग्राफी मुंबई के यशराज स्टूडियो में की गई। फिल्म की पोस्ट प्रोडक्शन जनवरी 2023 तक शुरू हुई और 6 माह तक जारी रही, क्योंकि फिल्म में कंप्यूटर ग्राफिक्स,
हैरी हेंग्रोनी ने फिल्म के VFX प्रोड्यूसर के तौर पे कैतनिया देव के साथ काम किया। किनार राजन ने साउंड डिजाइनर के तौर पे काम किया। अगस्त 2023 के शुरू में तैयार हो चुकी थी और इसे CBFC इदारे को जमा करा दिया गया था। 22 अगस्त 2023 को फिल्म को 169 मिनट के रन टाइम के साथ सेंसर बोर्ड से AU सर्टिफिकेट मिला। निर्वत को फिल्म के लिए कंपोज करने के लिए चुना गया। मौसीकी के राइट्स टी सीरीज ने हासिल किए। 2 मिनट के प्रोमो वीडियो में शामिल ट्रैक जवान प्रियु थीम 10 जुलाई 2023 को जारी किया गया। इसमें राजा कुमारी ने रैप लिखा और परफॉर्म किया, जिसमें अनिर्वध और बेंजंग ने परफॉर्म किया। फिल्म का टाइटल एक झलक वीडियो के साथ 3 जून 2022 को जारी किया गया था। बाद में फिल्म मुलतवी हो गई और 6 मई 2023 को एक मोशन पोस्टर के जरिए नई रिलीज की तारीख का ऐलान किया गया। 10 जुलाई 2023 को एक टीजर ट्रेलर जारी किया गया। ये 24 घंटों में 112 मिलियन से ज़्यादा राय के साथ सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला हिंदुस्तानी टीजर बन गया। बाद में टीजर को मिशन इम्पॉसिबल, डेड रिकॉनिंग पार्ट 1 और गदर 2 के प्रिंट के साथ सिनेमा हॉल्स में मुंसले किया गया। फिल्म के ऑफिशियल ट्रेलर की नकाब कशाई 31 अगस्त 2023 को हुई। उसी दिन खान अपने मुदाहों के साथ ट्रेलर की रिलीज का जश्न मनाने दुबई पहुंचे और बुर्ज खलीफा पर इसकी नुमाइश की गई। ये बांग्लादेश में एक ही दिन रिलीज होने वाली पहली फिल्म है। पेन मनोदर एंटरटेनमेंट के बैनर के तहत शुमाली हिंदुस्तान और मगरबी हिंदुस्तान के सिनेमा हॉल के हकूक हासिल किए। श्री गोलगम मूवीज़ ने तमिलनाडु और केरला में फिल्म थिएटर के डिस्ट्रीब्यूशन के हकूक हासिल किए और तमिलनाडु में रेड जॉइंट मूवीज और केरला में ड्रीम बग फिल्म के तहत रिलीज होंगे। श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए तकसीम के हकूक हासिल किए। मैसूर के इलाके के हकूक पैनोरामा स्टूडियो ने हासिल किए। FSV ने मगरबी बंगाल और अड़ीसा के लिए राजश्री प्रोडक्शन के हकूक हासिल किए। प्रकाश पिक्चर फिल्म ने बहार में हकूक हासिल किए। बैरून मुल्क फिल्म दिखाने के हकूक यश राज फिल्म को फरोख्त किए गए। होम स्क्रीन एंटरटेनमेंट ने सिंगापुर डिस्ट्रीब्यूशन के हकूक खरीदे, जबकि लाइट हाउस डिस्ट्रीब्यूशन ने स्पेन के लिए हकूक हासिल किए। एक्शन कट एंटरटेनमेंट रॉन्ग दोनों ग्रुप के साथ मिलकर बांग्लादेश में फिल्म की तकसीम के हकूक हासिल किए। फ्राइडे एंटरटेनमेंट इस फिल्म को फ्रांस में दिखाएगी। जवान मूवी एक्शन और थ्रिल से भरपूर है, जिसको एटली ने डायरेक्ट किया है और वो इसके को राइटर भी हैं। इसे गौरी खां और गौरव वर्मा ने रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के तहत प्रोड्यूस किया है। इसमें शाहरुख खान का डबल किरदार है। इनके साथ नयनतारा, विजय सी थोपनी, दीपिका पेडकोन, परिमानी और सानिया मल्होत्रा हैं। इसकी फोटोग्राफी का आगाज सितंबर 2021 में पुणे, बम्बे, हैदराबाद, चेन्नई और औरंगाबाद में हुआ। फिल्म का साउंड ट्रैक और बैकग्राउंड नीरज रविचंद्र ने तरतीब दिया था। इसकी सिनेमाटोग्राफी GK शैनव ने की थी और एडिटिंग रोबन ने। जवान को इब्तदाई तौर पर 2 जून 2023 को रिलीज करने का मंसूबा बनाया गया था, लेकिन पोस्ट प्रोडक्शन नामुकम्मल होने की वजह से इसे मुलतवी कर दिया गया था। बाद में इसे 7 सितंबर 2023 को IMAX और DX4 फॉर्मेट में रिलीज करने का प्रोग्राम बनाया गया। अब आते हैं जवान मूवी की स्टोरी पे। इसमें विक्रम राठौर एक साबिक फौजी हैं जो अपने माजी की इसलाह के लिए पुरअज़म हैं, जहां वो मुल्क भर में होने वाली डकैतियों के सिलसिले में 6 हुनरमंद खवातीन की टीम की क्यादत करते हैं और मुंबई मेट्रो को हाईजैक करता है। विक्रम को मालूम हुआ है कि इसका तवील अरसे से खोया हुआ बेटा आज़ाद राठौर एक ईमानदार पुलिस अफसर है, जिसे काली ने निशाना बनाया है, जो दुनिया का चौथा सबसे बड़ा असला डीलर है। विक्रम काले को खत्म करने के मिशन पर निकलता है। अगर इसकी कास्ट की बात की जाए तो शाहरुख खान विक्रम राठौर और आज़ाद राठौर के दोहरे किरदार में देखे जाएंगे। नयनतारा काले के तौर पर विजय सेन तोपनी, दीपिका पेडकोन विजय से तोपती दीपिका खसूसी रूप में नजर आएंगे। परिमानी सुनील गौरव, रद्दी डोगरा, सानिया मल्होत्रा, संजीता भट्टाचार्य, आलिया कुरैशी, योगी बाबा, इजाज़ खान, आस्था अग्रवाल, जाफर सादक, गणेश गौरन, रविंदर वजे और संजय दत्त
एक मुख्तसर किरदार में नजर आएंगे। 2019 के आखिर में ही अफवाह थी कि शाहरुख खान तमिल फिल्म डायरेक्टर एटली के साथ मिलकर काम करेंगे। मई 2021 में ये इतला मिली कि फिल्म बंदी जल्द ही शुरू हो जाएगी। इस फिल्म को गौरी खान ने रेड चिलीज इंटरटेनमेंट के तहत प्रोड्यूस किया, जबकि गौरव वर्मा को प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। ये फिल्म 300 करोड़ रुपए के बजट से बनाई जा रही है। एटली ने हदायतकार के तौर पर एस्ट्रो मानागिरी वासन के साथ मिलकर फिल्म का स्क्रिप्ट लिखा। सुमित अरोड़ा ने मुकालमों में तआवन किया। एटली ने सिनेमाटोग्राफर जीके वैष्णव, एडिटर रोबन, आर्ट डायरेक्टर टी मेथोराज और असिस्टेंट डायरेक्टर अनिल आरसो समेत अपने ज्यादातर म्यारी तकनीकी माहरीन को स्पिरो रिज़ास्ट्रो, क्रेग मैकरा, यांग बैन कमगदारी और सुनील रोड्रिगेज को असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर इस्तेमाल किया। फिल्म के डांस कोरियोग्राफरों में फराह खां, विभावी मर्चेंट, शोभी और नलिता शामिल हैं। मुकेश जाबड़ा कास्टिंग डायरेक्टर थे। खान ने बाप और बेटे के तौर पर डबल किरदार अदा किया। वो 6 मुख्तलिफ रूपों में नजर आएंगे। नैन थारा को खान के मध्य मुकाबल खतून मरकजी किरदार के तौर पर फाइनल किया गया। इस तरह उनकी फिल्म बंदी में पहली शुरुआत हुई। परिमानी, सुनील ग्रोवर, सानिया मल्होत्रा और योगी बाबा बाद में कास्ट में शामिल हुए। एक दहाई के बाद खान के साथ दोबारा मिलते हुए बाबू ने आखिरी बार चेन्नई एक्सप्रेस 2013 में खान के मध्य मुकाबल काम किया था। रानत गोपती को मुखालफ करदार की पेशकश की गई थी, लेकिन सेहत के मसाइल का वाला देते हुए इनकार कर दिया और इस तरह ये किरदार विजय सोपनी के पास चला गया। दीपिका पेडकोन अगस्त 2022 में कास्ट में शामिल हुए। मार्च से 2023 में संजय दत्त एक एक्शन सीन के दौरान एक कैमियो के लिए शूटिंग के लिए कास्ट में शामिल हुए। फोटोग्राफी का आगाज सितंबर 2021 में पुणे में हुआ। शाहरुख खान और नयनतारा 10 दिनों की शूटिंग में शामिल हुए। पुणे मेट्रो में शूटिंग की जाने वाली ये पहली फिल्म है। खान की जून 2022 में हैदराबाद में शूटिंग दोबारा शुरू हुई। नयनतारा ने अपनी शादी के बाद 26 जून 2022 को बम्बई के शेड्यूल में शमूलियत तैयार की। अगस्त में अगला शेड्यूल चेन्नई में शुरू हुआ, जहां दीपिका पेडकोन ने अपना मुख्तसर सा हिस्सा शूट किया। बाद में विजय सेतुपति शूट में शामिल हुए। खान और सेतुपति के दरमियान कुछ एक्शन सीक्वेंस शेड्यूल किए गए। जिंदा बंदा गाना इस शेड्यूल के दौरान जेल में फिल्माया गया। 5 दिन तक शूट होने वाले इस गाने में 1000 डांसर शामिल हुए और इसकी कोरियोग्राफी शोभी पड़राज ने की थी। इसके बाद गाना भी दोबारा शूट किया गया और इसे तमिल वर्जन में वंदा एडम और तेलुगु वर्जन में धुम्मे दोलीपिला के तौर पर शामिल किया गया। 1 माह तक का तवील चेन्नई का शेड्यूल 7 अक्टूबर को ख़त्म हुआ। अगला शेड्यूल राजस्थान में अक्टूबर में मुनक्कद हुआ। खान और नयनतारा इस 20 दिन के शेड्यूल में शामिल हुए। अगला शेड्यूल फरवरी 2023 में मुनक्कद हुआ, जहां खान ने अपने कुछ मनाजर शूट किए। संजय दत्त 20 मार्च 2023 को शूट में शामिल हुए। एक्शन से भरपूर कैमियो शूट करने के लिए अप्रैल 2023 में चलिया के इनवान से एक गाना शूट किया गया, जिसमें खान और नयनतारा शामिल थे। इसी महीने के आखिर में एक गाना जिसमें खान और दीपिका पेडकोन शामिल थे उनके मुख्तसर किरदार के लिए फिल्म सिटी मुंबई में शूट किया गया। दोनों गानों की कोरियोग्राफी फराह खान ने की थी। जुलाई के मिड में एक गाना नॉट रमैया वस्तावैया शूट किया गया, जिसमें खान और नयनतारा शामिल हैं। वे बॉबी मर्चेंट की कोरियोग्राफी मुंबई के यशराज स्टूडियो में की गई। फिल्म की पोस्ट प्रोडक्शन जनवरी 2023 तक शुरू हुई और 6 माह तक जारी रही, क्योंकि फिल्म में कंप्यूटर ग्राफिक्स हैरी हेंग्रोनी ने फिल्म के VFX प्रोड्यूसर के तौर पे कैतन यादेव के साथ काम किया। किनार राजन ने साउंड डिजाइनर के तौर पे काम किया। अगस्त 2023 के शुरू में तैयार हो चुकी थी और इसे CBFC इदारे को जमा करा दिया गया था। 22 अगस्त 2023 को फिल्म को 169 मिनट के रन टाइम के साथ सेंसर बोर्ड से AU सर्टिफिकेट मिला। अनिरुद्ध को
फिल्म के लिए कंपोज करने के लिए चुना गया। मौसीकी के राइट्स टी सीरीज ने हासिल किए। 2 मिनट के प्रोमो वीडियो में शामिल ट्रैक जवान प्रिजू थीम 10 जुलाई 2023 को जारी किया गया। इसमें राजा कुमारी ने रैप लिखा और परफॉर्म किया, जिसमें अनिर्वद और बेंजंग ने परफॉर्म किया। फिल्म का टाइटल एक झलक वीडियो के साथ 3 जून 2022 को जारी किया गया था। बाद में फिल्म मुलतवी हो गई और 6 मई 2023 को एक मोशन पोस्टर के जरिए नई रिलीज की तारीख का ऐलान किया गया। 10 जुलाई 2023 को एक टीजर ट्रेलर जारी किया गया। यह 24 घंटों में 112 मिलियन से ज़्यादा राय के साथ सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला हिंदुस्तानी टीजर बन गया। बाद में टीजर को मिशन इम्पॉसिबल, डेड रिकॉनिंग पार्ट 1 और गदर 2 के प्रिंट के साथ सिनेमा हॉल्स में मुंसले किया गया। फिल्म के ऑफिशियल ट्रेलर की नकाब कशाई 31 अगस्त 2023 को हुई। उसी दिन खान अपने मुद्दाहों के साथ ट्रेलर की रिलीज का जश्न मनाने दुबई पहुंचे और बुर्ज खलीफा पर इसकी नमाइश की गई। ये बांग्लादेश में एक ही दिन रिलीज होने वाली पहली फिल्म है। पेन मनोदर इंटरटेनमेंट के बैनर के तहत शुमाली हिंदुस्तान और मगरबी हिंदुस्तान के सिनेमा हॉल के हकूक हासिल किए। श्री गोलगम मूवीज ने तमिलनाडु और केरला में फिल्म थिएटर के डिस्ट्रीब्यूशन के। जवान मूवी एक्शन और थ्रिल से भरपूर है, जिसको एटली ने डायरेक्ट किया है और वो इसके को राइटर भी हैं। इसे गौरी खां और गौरव वर्मा ने रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के तहत प्रोड्यूस किया है। इसमें शाहरुख खान का डबल किरदार है। इनके साथ नयनतारा, विजय सी थोपनी, दीपिका पेडकोन, परिमानी और सानिया मल्होत्रा हैं। इसकी फोटोग्राफी का आगाज 2021 में पुणे, बम्बे, हैदराबाद, चेन्नई और औरंगाबाद में हुआ। फिल्म का साउंड ट्रैक और बैकग्राउंड नीरज रविचंद्र ने तरतीब दिया था। इसकी सिनेमाटोग्राफी जीके शैनव ने की थी और एडिटिंग रोबन ने। जवान को इब्तदाई तौर पर 2 जून 2023 को रिलीज करने का मंसूबा बनाया गया था, लेकिन पोस्ट प्रोडक्शन नामुकम्मल होने की वजह से इसे मुलतवी कर दिया गया था। बाद में इसे 7 दिसंबर 2023 को IMAX और DX4 फॉर्मेट में रिलीज करने का प्रोग्राम बनाया गया। अब आते हैं जवान मूवी की स्टोरी पे। इसमें विक्रम राठौर एक साबिक फौजी हैं, जो अपने माजी की इसलाह के लिए पुरअज़म हैं, जहां वो मुल्क भर में होने वाली डकैतियों के सिलसिले में 6 हुनरमंद खवातीन की टीम की क्यादत करते हैं और मुंबई मेट्रो को हाईजैक करता है। विक्रम को मालूम हुआ है कि इसका तवील अरसे से खोया हुआ बेटा आजाद राठौर एक ईमानदार पुलिस अफसर है, जिसे काली ने निशाना बनाया है, जो दुनिया का चौथा सबसे बड़ा असला डीलर है। विक्रम काले को खत्म करने के मिशन पर निकलता है। अगर इसकी कास्ट की बात की जाए तो शाहरुख खान विक्रम राठौर और आजाद राठौर के दोहरे किरदार में देखे जाएंगे। नयनतारा काले के तौर पर विजय से तोपनी दीपिका पेडकोन, विजय से तोपती दीपिका खसूसी रूप में नजर आएंगे। परिमानी सुनील गौरव, रद्दी डोगरा, सानिया मल्होत्रा, संजीता भट्टाचार्य, आलिया कुरैशी, योगी बाबा, इजाज खां, आस्था अग्रवाल, जाफर सादक, गणेश गौरन, रविंदर वजे और संजय दत्त एक मुख्तसर किरदार में नजर आएंगे। 2019 के आखिर में ही अफवाह थी कि शाहरुख खान तमिल फिल्म डायरेक्टर एटली के साथ मिलकर काम करेंगे। मई 2021 में ये इतला मिली कि फिल्म बंदी जल्द ही शुरू हो जाएगी। इस फिल्म को गौरी खान ने रेड चिलीज इंटरटेनमेंट के तहत प्रोड्यूस किया, जबकि गौरव वर्मा को प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। ये फिल्म 300 करोड़ रुपये के बजट से बनाई जा रही है। एटली ने हदायतकार के तौर पर एस रोमानागिरीवासन के साथ मिलकर फिल्म का स्क्रिप्ट लिखा। सुमित अरोड़ा ने मुकालमों में तआवन किया। एटली ने सिनेमाटोग्राफर जी के वैष्णव, एडिटर रोबन, आर्ट डायरेक्टर टी मेथोराज और असिस्टेंट डायरेक्टर अनिल आरसो समेत अपने ज्यादातर म्यारी तकनीकी माहरीन को स्पिरो रिजास्ट्रो, क्रेग मैकरा, यांग बैन, कमुगदारी और सुनील रोड्रिगेस को असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर इस्तेमाल किया। फिल्म के डांस कोरियोग्राफरों में फराह खां, विभावी मर्चेंट, शोभी और नलिता शामिल हैं। मुकेश जाबड़ा कास्टिंग डायरेक्टर थे। खान ने बाप और बेटे के तौर पर डबल किरदार अदा किया। वो 6 मुख्तलिफ रूपों में नजर आएंगे। नयनतारा को खान के मध्य मुकाबल खतून मरकजी किरदार के तौर पर फाइनल किया गया। इस तरह उनकी फिल्म बंदी में पहली शुरुआत हुई। परिमानी, सुनील ग्रोवर, सानिया मल्होत्रा और योगी बाबा बाद में कॉस्ट में शामिल हुए। एक दहाई के बाद खान के साथ दोबारा मिलते हुए बाबू ने आखिरी बार
चेन्नई एक्सप्रेस 2013 में खान के मद्दे मुकाबल काम किया था। राणा दुगोपती को मुखालफ करदार की पेशकश की गई थी, लेकिन सेहत के मसाइल का वाला देते हुए इनकार कर दिया और इस तरह यह किरदार विजय सोपनी के पास चला गया। दीपिका पेडकोन अगस्त 2022 में कास्ट में शामिल हुए। मार्च से 2023 में संजय दत्त एक एक्शन सीन के दौरान एक कैमियो के लिए शूटिंग के लिए कास्ट में शामिल हुए। फोटोग्राफी का आगाज सितंबर 2021 में पुणे में हुआ। शाहरुख खान और नयनतारा 10 दिनों की शूटिंग में शामिल हुए। पुणे मेट्रो में शूटिंग की जाने वाली ये पहली फिल्म है। खान की जून 2022 में हैदराबाद में शूटिंग दोबारा शुरू हुई। नयनतारा ने अपनी शादी के बाद 26 जून 2022 को बम्बई के शेड्यूल में शमूलियत तैयार की। अगस्त में अगला शेड्यूल चेन्नई में शुरू हुआ, जहां दीपिका पेडुकोन ने अपना मुख्तसर सा हिस्सा शूट किया। बाद में विजय सेतुपति शूट में शामिल हुए। खान और सेतुपति के दरमियान कुछ एक्शन सीक्वेंस शेड्यूल किए गए। जिंदा बंदा गाना इस शेड्यूल के दौरान जेल में फिल्माया गया। 5 दिन तक शूट होने वाले इस गाने में 1000 डांसर शामिल हुए और इसकी कोरियोग्राफी शोभी पटराज ने की थी। इसके बाद गाना भी दोबारा शूट किया गया और इसे तमिल वर्जन में वंदा एडम और तेलुगु वर्जन में धम्मे दोली पीला के तौर पर शामिल किया गया। एक माह तक का तवील चेन्नई का शेड्यूल 7 अक्टूबर को ख़त्म हुआ। अगला शेड्यूल राजस्थान में अक्टूबर में मुनक्कद हुआ। खान और नयनतारा इस 20 दिन के शेड्यूल में शामिल हुए। अगला शेड्यूल फरवरी 2023 में मुनक्कद हुआ, जहां खान ने अपने कुछ मनाजर शूट किए। संजय दत्त 20 मार्च 2023 को शूट में शामिल हुए। एक्शन से भरपूर कैमियो शूट करने के लिए अप्रैल 2023 में चलिया के इनवान से एक गाना शूट किया गया, जिसमें खान और नयनतारा शामिल थे। इसी महीने के आखिर में एक गाना जिसमें खान और दीपिका पेडुकोन शामिल थे उनके मुख्तसर किरदार के लिए फिल्म सिटी मुंबई में शूट किया गया। दोनों गानों की कोरियोग्राफी फराह खान ने की थी। जुलाई के मिड में एक गाना नॉट रमैया वस्ता भैया शूट किया गया, जिसमें खान और नयनतारा शामिल हैं। वे बॉबी मर्चेंट की कोरियोग्राफी मुंबई के यशराज स्टूडियो में की गई। फिल्म की पोस्ट प्रोडक्शन जनवरी 2023 तक शुरू हुई और 6 माह तक जारी रही, क्योंकि फिल्म में कंप्यूटर ग्राफिक्स हैरी हेंग्रोनी ने फिल्म के VFX प्रोड्यूसर के तौर पे कैतनिया देव के साथ काम किया। किनार राजन ने साउंड डिजाइनर के तौर पे काम किया। अगस्त 2023 के शुरू में तैयार हो चुकी थी और इसे CBFC इदारे को जमा करा दिया गया था। 22 अगस्त 2023 को फिल्म को 169 मिनट के रन टाइम के साथ सेंसर बोर्ड से AU सर्टिफिकेट मिला। निर्वत को फिल्म के लिए कंपोज करने के लिए चुना गया। मौसीकी के राइट्स टी सीरीज ने हासिल किए। 2 मिनट के प्रोमो वीडियो में शामिल ट्रैक जवान प्रिजू थीम 10 जुलाई 2023 को जारी किया गया। इसमें राजा कुमारी ने रैप लिखा और परफॉर्म किया, जिसमें अनिर्वध और बैंडजंग ने परफॉर्म किया। फिल्म का टाइटल एक झलक वीडियो के साथ 3 जून 2022 को जारी किया गया था। बाद में फिल्म मुलतवी हो गई और 6 मई 2023 को एक मोशन पोस्टर के जरिए नई रिलीज की तारीख का ऐलान किया गया। 10 जुलाई 2023 को एक टीजर ट्रेलर जारी किया गया। यह 24 घंटों में 112 मिलियन से ज़्यादा राय के साथ सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला हिंदुस्तानी टीजर बन गया। बाद में टीजर को मिशन इम्पॉसिबल, डेड रिकॉनिंग पार्ट 1 और गदर 2 के प्रिंट के साथ सिनेमा हॉल्स में मुंसलिक किया गया। फिल्म के ऑफिशियल ट्रेलर की नकाब कशाई 31 अगस्त 2023 को हुई। उसी दिन खान अपने मुद्दाहों के साथ ट्रेलर की रिलीज का जश्न मनाने दुबई पहुंचे और बुर्ज खलीफा पर इसकी नुमाइश की गई। ये बांग्लादेश में एक ही दिन रिलीज होने वाली पहली फिल्म है। पेन मनोदर इंटरटेनमेंट के बैनर के तहत शुमाली हिंदुस्तान और मगरबी हिंदुस्तान के सिनेमा हॉल के हकूक हासिल किए। श्री गोलगम मूवीज ने तमिलनाडु और केरला में फिल्म थिएटर के डिस्ट्रीब्यूशन के हकूक हासिल किए और तमिलनाडु में रेड जॉइंट मूवीज़ और केरला में ड्रीम बग फिल्म के तहत रिलीज होंगे। श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए तकसीम के हकूक हासिल किए। मैसूर के इलाके के हकूक पैनोरामा स्टूडियो ने हासिल किए। FSV ने मगरबी बंगाल और अडीसा के लिए राजश्री प्रोडक्शन के हकूक हासिल किए। प्रकाश पिक्चर फिल्म ने बहार में हकूक हासिल किए। बैरून मुल्क फिल्म दिखाने के हकूक
यश राज फिल्म को फरोख्त किए गए। होम स्क्रीन एंटरटेनमेंट ने सिंगापुर डिस्ट्रीब्यूशन के हकूक खरीदे, जबकि लाइट हाउस डिस्ट्रीब्यूशन ने स्पेन के लिए हकूक हासिल किए। जवान मूवी एक्शन और थ्रिल से भरपूर है, जिसको एटली ने डायरेक्ट किया है और वो इसके को राइटर भी हैं। इसे गौरी खां और गौरव वर्मा ने रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के तहत प्रोड्यूस किया है। इसमें शाहरुख खान का डबल किरदार है। इनके साथ नयनतारा, विजय सिंह थोपनी, दीपिका पेडकोन, परिमानी और सानिया मल्होत्रा हैं। इसकी फोटोग्राफी का आगाज सितंबर 2021 में पुणे, बम्बे, हैदराबाद, चेन्नई और औरंगाबाद में हुआ। फिल्म का साउंड ट्रैक और बैकग्राउंड नीरज रविचंद्र ने तरतीब दिया था। इसकी सिनेमाटोग्राफी जी के शैनव ने की थी और एडिटिंग रोबन ने। जवान को इब्तदाई तौर पर 2 जून 2023 को रिलीज करने का मंसूबा बनाया गया था, लेकिन पोस्ट प्रोडक्शन नामुकम्मल होने की वजह से इसे मुलतवी कर दिया गया था। बाद में इसे 7 सितंबर 2023 को IMAX और DX4 फॉर्मेट में रिलीज करने का प्रोग्राम बनाया गया। अब आते हैं जवान मूवी की स्टोरी पे। इसमें विक्रम राठौर एक साबिक फौजी हैं, जो अपने माजी की इसलाह के लिए पुरअज़म हैं, जहां वो मुल्क भर में होने वाली डकैतियों के सिलसिले में 6 हुनरमंद खवातीन की टीम की क्यादत करते हैं और मुंबई मेट्रो को हाईजैक करता है। विक्रम को मालूम हुआ है कि इसका तवील अरसे से खोया हुआ बेटा आज़ाद राठौर एक ईमानदार पुलिस अफसर है, जिसे काली ने निशाना बनाया है, जो दुनिया का चौथा सबसे बड़ा असला डीलर है। विक्रम काले को खत्म करने के मिशन पर निकलता है। अगर इसकी कास्ट की बात की जाए तो शाहरुख खान विक्रम राठौर और आज़ाद राठौर के दोहरे किरदार में देखे जाएंगे। नयनतारा काले के तौर पर विजय सिंह तोपनी, दीपिका पेडकोन विजय से तोपती दीपिका खसूसी रूप में नजर आएंगे। परिमानी, सुनील गौरव, रद्दी डोगरा, सानिया मल्होत्रा, संजीता भट्टाचार्य, आलिया कुरैशी, योगी बाबा, इजाज खां, आस्था अग्रवाल, जाफर सादक, गणेश गौरन, रविंदर वजे और संजय दत्त एक मुख्तसर किरदार में नजर आएंगे। 2019 के आखिर में ही अफवाह थी कि शाहरुख खान तमिल फिल्म डायरेक्टर एटली के साथ मिलकर काम करेंगे। मई 2021 में ये इतला मिली कि फिल्म बंदी जल्द ही शुरू हो जाएगी। इस फिल्म को गौरी खान ने रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के तहत प्रोड्यूस किया, जबकि गौरव वर्मा को प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। ये फिल्म 300 करोड़ रुपये के बजट से बनाई जा रही है। एटली ने हदायतकार के तौर पर एस रोमानागिरीवासन के साथ मिलकर फिल्म का स्क्रिप्ट लिखा। सुमित अरोड़ा ने मुकालमों में तआवन किया। एटली ने सिनेमाटोग्राफर जी के वैष्णव, एडिटर रोबन, आर्ट डायरेक्टर टी मेथोराज और असिस्टेंट डायरेक्टर अनिल आरसो समेत अपने ज्यादातर म्यारी तकनीकी माहरीन को स्पिरो रिजास्ट्रो, क्रेग मैकरा, यान बैन, कमगदारी और सुनील रोड्रिगेस को असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर इस्तेमाल किया। फिल्म के डांस कोरियोग्राफरों में फराह खां, विभावी मर्चेंट, शोभी और नलिता शामिल हैं। मुकेश जाबड़ा कास्टिंग डायरेक्टर थे। खान ने बाप और बेटे के तौर पर डबल किरदार अदा किया। वो 6 मुख्तलिफ रूपों में नजर आएंगे। नयनतारा को खान के मध्य मुकाबल खतून मरकजी किरदार के तौर पर फाइनल किया गया। इस तरह उनकी फिल्म बंदी में पहली शुरुआत हुई। परिमानी, सुनील ग्रोवर, सानिया मल्होत्रा और योगी बाबा बाद में कॉस्ट में शामिल हुए। एक दहाई के बाद खान के साथ दोबारा मिलते हुए बाबू ने आखिरी बार चेन्नई एक्सप्रेस 2013 में खान के मध्य मुकाबल काम किया था। राणा दुगोपती को मुखालफ करदार की पेशकश की गई थी, लेकिन सेहत के मसाइल का वाला देते हुए इनकार कर दिया और इस तरह यह किरदार विजय सोपनी के पास चला गया। दीपिका पेडकोन अगस्त 2022 में कास्ट में शामिल हुए। मार्च सन 2023 में संजय दत्त एक एक्शन सीन के दौरान एक कैमियो के लिए शूटिंग के लिए कास्ट में शामिल हुए। फोटोग्राफी का आगाज सितंबर 2021 में पुणे में हुआ। शाहरुख खान और नयनतारा 10 दिनों की शूटिंग में शामिल हुए। पुणे मेट्रो में शूटिंग की जाने वाली ये पहली फिल्म है। खान की जून 2022 में हैदराबाद में शूटिंग दोबारा शुरू हुई। नयनतारा ने अपनी शादी के बाद 26 जून 2022 को बम्बई के शेड्यूल में शमूलियत तैयार की। अगस्त में अगला शेड्यूल चेन्नई में शुरू हुआ, जहां दीपिका पेडकोन ने अपना मुख्तसर सा हिस्सा शूट किया। बाद में विजय सेतोपती शूट में शामिल हुए। खान और सेतोपती के दरमियान कुछ एक्शन सीक्वेंस शेड्यूल किए गए। जिंदा बंदा गाना इस शेड्यूल के दौरान जेल में फिल्माया गया। 5 दिन तक शूट होने वाले इस गाने में 1000 डांसर शामिल हुए।
और इसकी कोरियोग्राफी शोभी पटराज ने की थी। इसके बाद गाना भी दोबारा शूट किया गया और इसे तमिल वर्जन में वंदा एडम और तेलुगु वर्जन में धम्मे दोलीपिला के तौर पर शामिल किया गया। एक माह तक का तवील चनाई का शेड्यूल 7 अक्टूबर को ख़त्म हुआ। अगला शेड्यूल राजस्थान में अक्टूबर में मुनक्कद हुआ। खान और नयनतारा इस 20 दिन के शेड्यूल में शामिल हुए। अगला शेड्यूल फरवरी 2023 में मुनक्कद हुआ, जहां खान ने अपने कुछ मनाजर शूट किए। संजय दत्त 20 मार्च 2023 को शूट में शामिल हुए। एक्शन से भरपूर कैमियो शूट करने के लिए अप्रैल 2023 में चलिया के इनवान से एक गाना शूट किया गया, जिसमें खान और नयनतारा शामिल थे। इसी महीने के आखिर में एक गाना जिसमें खान और दीपिका पेडकोन शामिल थे, उनके मौसर किरदार के लिए फिल्म सिटी मुंबई में शूट किया गया। दोनों गानों की कोरियोग्राफी फराह खान ने की थी। जुलाई के मिड में एक गाना नॉट रमैया वस्ता भैया शूट किया गया, जिसमें खान और नयनतारा शामिल हैं। वे बॉबी मर्चेंट की कोरियोग्राफी मुंबई के यशराज स्टूडियो में की गई। फिल्म की पोस्ट प्रोडक्शन जनवरी 2023 तक शुरू हुई और 6 माह तक जारी रही, क्योंकि फिल्म में कंप्यूटर ग्राफिक्स हैरी हेंग्रोनी ने फिल्म के VFX प्रोड्यूसर के तौर पे कैतनिया देव के साथ काम किया। किनार राजन ने साउंड डिजाइनर के तौर पे काम किया। अगस्त 2023 के शुरू में तैयार हो चुकी थी और इसे CBFC इदारे को जमा करा दिया गया था। 22 अगस्त 2023 को फिल्म को 169 मिनट के रन टाइम के साथ सेंसर बोर्ड से AU सर्टिफिकेट मिला। निर्वत को फिल्म के लिए कंपोज करने के लिए चुना गया। मौसीकी के राइट्स टी सीरीज ने हासिल किए। 2 मिनट के प्रोमो वीडियो में शामिल ट्रैक जवान प्रियु थीम 10 जुलाई 2023 को जारी किया गया। इसमें राजा कुमारी ने रैप लिखा और परफॉर्म किया, जिसमें अनिर्वत और बेंजंग ने परफॉर्म किया। फिल्म का टाइटल एक झलक वीडियो के साथ 3 जून 2022 को जारी किया गया था। बाद में फिल्म मुलतवी हो गई और 6 मई 2023 को एक मोशन पोस्टर के जरिए नई रिलीज की तारीख का ऐलान किया गया। 10 जुलाई 2023 को एक टीजर ट्रेलर जारी किया गया। ये 24 घंटों में 112 मिलियन से ज़्यादा राय के साथ सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला हिंदुस्तानी टीजर बन गया। बाद में टीजर को मिशन इम्पॉसिबल, डेड रिकॉनिंग पार्ट 1 और गदर 2 के प्रिंट के साथ सिनेमा हॉल्स में मुंसलिक किया गया। फिल्म के ऑफिशियल ट्रेलर की नकाब कशाई 31 अगस्त 2023 को हुई। उसी दिन खान अपने मुद्दाहों के साथ ट्रेलर की रिलीज का जश्न मनाने दुबई पहुंचे और बुर्ज खलीफा पर इसकी नमाइश की गई। ये बांग्लादेश में एक ही दिन रिलीज होने वाली पहली फिल्म है। पेन मनोदर इंटरटेनमेंट के बैनर के तहत शुमाली हिंदुस्तान और मगरबी हिंदुस्तान के सिनेमा हॉल के हकूक हासिल किए। श्री गोलकम मूवीज ने तमिलनाडु और केरला में फिल्म थिएटर के डिस्ट्रीब्यूशन के हकूक हासिल किए और तमिलनाडु में रेड जॉइंट मूवीज और केरला में ड्रीम बग फिल्म के तहत रिलीज होंगे। श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए तकसीम के हकूक हासिल किए। मैसूर के इलाके के हकूक पैनोरामा स्टूडियो ने हासिल किए। FSV ने मगरबी बंगाल और अडीसा के लिए राजश्री प्रोडक्शन के हकूक हासिल किए। प्रकाश पिक्चर फिल्म ने बिहार में हकूक हासिल किए। बैरून मुल्क फिल्म दिखाने के जवान मूवी एक्शन और थ्रिल से भरपूर है, जिसको एटली ने डायरेक्ट किया है और वो इसके को राइटर भी हैं। इसे गोरी खां और गौरव वर्मा ने रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के तहत प्रोड्यूस किया है। इसमें शाहरुख खान का डबल किरदार है। इनके साथ नयनतारा, विजय सिंह थोपनी, दीपिका पेडकोन, परिमानी और सानिया मल्होत्रा हैं। इसकी फोटोग्राफी का आगाज सितंबर 2021 में पुणे, बम्बे, हैदराबाद, चेन्नई और औरंगाबाद में हुआ। फिल्म का साउंडट्रैक और बैकग्राउंड नीरज रविचंद्र ने तरतीब दिया था। इसकी सिनेमाटोग्राफी GK शैनव ने की थी और एडिटिंग रोबन ने। जवान को इब्तदाई तौर पर 2 जून 2023 को रिलीज करने का मंसूबा बनाया गया था, लेकिन पोस्ट प्रोडक्शन नामुकम्मल होने की वजह से इसे मुलतवी कर दिया गया था। बाद में इसे 7 सितंबर 2023 को IMAX और DX4 फॉर्मेट में रिलीज करने का प्रोग्राम बनाया गया। अब आते हैं जवान मूवी की स्टोरी पे। इसमें विक्रम राठौर एक साबिक फौजी हैं, जो अपने माजी की इसलाह के लिए पुरअज़म हैं
जहां वो मुल्क भर में होने वाली डकैतियों के सिलसिले में 6 हुनरमंद खवातीन की टीम की क्यादत करते हैं और मुंबई मेट्रो को हाईजैक करता है। विक्रम को मालूम हुआ है कि इसका तवील अरसे से खोया हुआ बेटा आजाद राठौर एक ईमानदार पुलिस अफसर है जिसे काली ने निशाना बनाया है, जो दुनिया का चौथा सबसे बड़ा असला डीलर है। विक्रम काले को खत्म करने के मिशन पर निकलता है। अगर इसकी कास्ट की बात की जाए तो शाहरुख खान, विक्रम राठौर और आजाद राठौर के दोहरे किरदार में देखे जाएंगे। नयनतारा काले के तौर पर विजय सेतोपनी, दीपिका पेडकोन, विजय सेतोपती दीपिका खसूसी रूप में नजर आएंगे। प्रीमानी, सुनील गौरव, रद्दी डोगरा, सानिया मल्होत्रा, संजीता भट्टाचार्य, आलिया कुरैशी, योगी बाबा, इजाज़ खां, आस्था अग्रवाल, जाफर सादक, गणेश गौरन, रविंदर वजे और संजय दत्त एक मुख्तसर किरदार में नजर आएंगे। 2019 के आखिर में ही अफवाह थी कि शाहरुख खान तमिल फिल्म डायरेक्टर एटली के साथ मिलकर काम करेंगे। मई 2021 में ये इतला मिली कि फिल्म बंदी जल्द ही शुरू हो जाएगी। इस फिल्म को गौरी खान ने रेड चिलीज इंटरटेनमेंट के तहत प्रोड्यूस किया, जबकि गौरव वर्मा को प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। ये फिल्म 300 करोड़ रुपये के बजट से बनाई जा रही है। एटली ने हदायतकार के तौर पर एस रोमानागिरी वासन के साथ मिलकर फिल्म का स्क्रिप्ट लिखा। सुमित अरोड़ा ने मुकालमों में तआवन किया। एटली ने सिनेमाटोग्राफर जीके वैष्णव, एडिटर रोबन, आर्ट डायरेक्टर टी मेथोराज और असिस्टेंट डायरेक्टर अनिल आरसो समेत अपने ज्यादातर म्यारी तकनीकी माहरीन को स्पिरो रिज़ास्ट्रो, क्रेग मैकरा, यांग बैन कमगदारी और सुनील रोड्रिगेस को असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर इस्तेमाल किया। फिल्म के डांस कोरियोग्राफरों में फराह खां, विभावी मर्चेंट, शोभी और नलिता शामिल हैं। मुकेश जाबड़ा कास्टिंग डायरेक्टर थे। खान ने बाप और बेटे के तौर पर डबल किरदार अदा किया। वो 6 मुख्तलिफ रूपों में नजर आएंगे। नयनतारा को खान के मध्य मुकाबल खतून मरकजी किरदार के तौर पर फाइनल किया गया। इस तरह उनकी फिल्म बंदी में पहली शुरुआत हुई। परिमानी, सुनील ग्रोवर, सानिया मल्होत्रा और योगी बाबा बाद में कास्ट में शामिल हुए। एक दहाई के बाद खान के साथ दोबारा मिलते हुए बाबू ने आखिरी बार चेन्नई एक्सप्रेस 2013 में खान के मध्य मुकाबल काम किया था। राणा दुगोपती को मुखालफ करदार की पेशकश की गई थी, लेकिन सेहत के मसाइल का वाला देते हुए इनकार कर दिया और इस तरह ये किरदार विजय सोपनी के पास चला गया। दीपिका पेडकोन अगस्त 2022 में कास्ट में शामिल हुए। मार्च 2023 में संजय दत्त एक एक्शन सीन के दौरान एक कैमियो के लिए शूटिंग के लिए कॉस्ट में शामिल हुए। फोटोग्राफी का आगाज सितंबर 2021 में पुणे में हुआ। शाहरुख खान और नयनतारा 10 दिनों की शूटिंग में शामिल हुए। पुणे मेट्रो में शूटिंग की जाने वाली ये पहली फिल्म है। खान की जून 2022 में हैदराबाद में शूटिंग दोबारा शुरू हुई। नयनतारा ने अपनी शादी के बाद 26 जून 2022 को बम्बई के शेड्यूल में शमूलियत तैयार की। अगस्त में अगला शेड्यूल चेन्नई में शुरू हुआ, जहां दीपिका पेडकोन ने अपना मुख्तसर सा हिस्सा शूट किया। बाद में विजय सेतोपती शूट में शामिल हुए। खान और सेतोपती के दरमियान कुछ एक्शन सीक्वेंस शेड्यूल किए गए। जिंदा बंदा गाना इस शेड्यूल के दौरान जेल में फिल्माया गया। 5 दिन तक शूट होने वाले इस गाने में 1000 डांसर शामिल हुए और इसकी कोरियोग्राफी शोभी पटराज ने की थी। इसके बाद गाना भी दोबारा शूट किया गया और इसे तमिल वर्जन में वंदा एडम और तेलुगु वर्जन में धुम्मे दोली पीला के तौर पर शामिल किया गया। एक माह तक का तवील चेन्नई का शेड्यूल 7 अक्टूबर को ख़त्म हुआ। अगला शेड्यूल राजस्थान में अक्टूबर में मुनक्कद हुआ। खान और नयनतारा इस 20 दिन के शेड्यूल में शामिल हुए। अगला शेड्यूल फरवरी 2023 में मुनक्कद हुआ, जहाँ खान ने अपने कुछ मनाजर शूट किए। संजय दत्त 20 मार्च 2023 को शूट में शामिल हुए। एक्शन से भरपूर कैमियो शूट करने के लिए अप्रैल 2023 में चलिया के इनवान से एक गाना शूट किया गया, जिसमें खान और नयनतारा शामिल थे। इसी महीने के आखिर में एक गाना जिसमें खान और दीपिका पेडकोन शामिल थे उनके मुख्तसर किरदार के लिए फिल्म सिटी मुंबई में शूट किया गया। दोनों गानों की कोरियोग्राफी फराह खान ने की थी। जुलाई के मिड में एक गाना नॉट रमैया वस्ता वैया शूट किया गया, जिसमें खान और नयनतारा शामिल हैं।
व बॉबी मर्चेंट की कोरियोग्राफी मुंबई के यश राज स्टूडियो में की गई। फिल्म की पोस्ट प्रोडक्शन जनवरी 2023 तक शुरू हुई और 6 माह तक जारी रही, क्योंकि फिल्म में कंप्यूटर ग्राफिक्स हैरी हेंग्रोनी ने फिल्म के VFX प्रोड्यूसर के तौर पे केतन यादेव के साथ काम किया। किनार राजन ने साउंड डिजाइनर के तौर पे काम किया। अगस्त 2023 के शुरू में तैयार हो चुकी थी और इसे CBFC इदारे को जमा करा दिया गया था। 22 अगस्त 2023 को फिल्म को 169 मिनट के रन टाइम के साथ सेंसर बोर्ड से AU सर्टिफिकेट मिला। निर्वत को फिल्म के लिए कंपोज करने के लिए चुना गया। मौसीकी के राइट्स टी सीरीज ने हासिल किए। 2 मिनट के प्रोमो वीडियो में शामिल ट्रैक जवान प्रिजू थीम 10 जुलाई 2023 को जारी किया गया। इसमें राजा कुमारी ने रैप लिखा और परफॉर्म किया, जिसमें अनिर्वध और बेंजंग ने परफॉर्म किया। फिल्म का टाइटल एक झलक वीडियो के साथ 3 जून 2022 को जारी किया गया था। बाद में फिल्म मुलतवी हो गई और 6 मई 2023 को एक मोशन पोस्टर के जरिए नई रिलीज की तारीख का ऐलान किया गया। 10 जुलाई 2023 को एक टीजर ट्रेलर जारी किया गया। ये 24 घंटों में 112 मिलियन से ज़्यादा राय के साथ सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला हिंदुस्तानी टीजर बन गया। बाद में टीजर को मिशन इम्पॉसिबल, डेड रिकॉनिंग पार्ट 1 और गदर 2 के प्रिंट के साथ सिनेमा हॉल्स में मुंसले किया गया। फिल्म के ऑफिशियल ट्रेलर की नकाब कशाई 31 अगस्त 2023 को हुई। उसी दिन खान अपने मुद्दाहों के साथ ट्रेलर की रिलीज का जश्न मनाने दुबई पहुंचे और बुर्ज खलीफा पर इसकी नमाइश की गई। ये बांग्लादेश में एक ही दिन रिलीज होने वाली पहली फिल्म है। पेन मनोदर इंटरटेनमेंट के बैनर के तहत शुमाली हिंदुस्तान और मगरबी हिंदुस्तान के सिनेमा हॉल के हकूक हासिल किए। श्री गोलगम मूवीज ने तमिलनाडु और केरला में फिल्म थिएटर के डिस्ट्रीब्यूशन के हकूक हासिल किए और तमिलनाडु में रेड जॉइंट मूवीज और केरला में ड्रीम बग फिल्म के तहत रिलीज होंगे। श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए तकसीम के हकूक हासिल किए। मैसूर के इलाके के हकूक पैनोरामा स्टूडियो ने हासिल किए। FSV ने मगरबी जवान मूवी एक्शन और थ्रिल से भरपूर है, जिसको एटली ने डायरेक्ट किया है और वो इसके को राइटर भी हैं। इसे गोरी खान और गौरव वर्मा ने रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के तहत प्रोड्यूस किया है। इसमें शाहरुख खान का डबल किरदार है। इनके साथ नयनतारा, विजय सी थोपनी, दीपिका पेडकोन, परिमानी और सानिया मल्होत्रा हैं। इसकी फोटोग्राफी का आगाज सितंबर 2021 में पुणे, बम्बे, हैदराबाद, चेन्नई और औरंगाबाद में हुआ। फिल्म का साउंड ट्रैक और बैकग्राउंड नीरज रविचंद्र ने तरतीब दिया था। इसकी सिनेमाटोग्राफी GK शैनव ने की थी और एडिटिंग रोबन ने। जवान को इब्तदाई तौर पर 2 जून 2023 को रिलीज करने का मंसूबा बनाया गया था, लेकिन पोस्ट प्रोडक्शन नामुकम्मल होने की वजह से इसे मुलतवी कर दिया गया था। बाद में इसे 7 सितंबर 2023 को IMAX और DX4 फॉर्मेट में रिलीज करने का प्रोग्राम बनाया गया। अब आते हैं जवान मूवी की स्टोरी पे। इसमें विक्रम राठौर एक साबिक फौजी हैं जो अपने माजी की इसलाह के लिए पुरअज़म हैं, जहां वो मुल्क भर में होने वाली डकैतियों के सिलसिले में 6 हुनरमंद खवातीन की टीम की क्यादत करते हैं और मुंबई मेट्रो को हाईजैक करता है। विक्रम को मालूम हुआ है कि इसका तवील अरसे से खोया हुआ बेटा आज़ाद राठौर एक ईमानदार पुलिस अफसर है, जिसे काली ने निशाना बनाया है, जो दुनिया का चौथा सबसे बड़ा असला डीलर है। विक्रम काले को ख़त्म करने के मिशन पर निकलता है। अगर इसकी कास्ट की बात की जाए तो शाहरुख खान विक्रम राठौर और आज़ाद राठौर के दोहरे किरदार में देखे जाएंगे। नयनतारा काले के तौर पर विजय से तोपनी दीपिका पेडकोन, विजय से तोपती दीपिका खसूसी रूप में नजर आएंगे। परिमानी सुनील गौरव, रद्दी डोगरा, सानिया मल्होत्रा, संजीता भट्टाचार्य, आलिया कुरैशी, योगी बाबा, इजाज खां, आस्था अग्रवाल, जाफर सादक, गणेश गौरन, रविंदर वजे और संजय दत्त एक मुख्तसर किरदार में नजर आएंगे। 2019 के आखिर में ही अफवाह थी कि शाहरुख खान तमिल फिल्म डायरेक्टर एटली के साथ मिलकर काम करेंगे। मई 2021 में ये इतला मिली कि फिल्म बंदी जल्द ही शुरू हो जाएगी। इस फिल्म को गोरी खान ने रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के तहत प्रोड्यूस किया, जबकि गौरव वर्मा को प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। ये फिल्म 300 करोड़ रुपये के बजट से बनाई जा रही है। एटली ने हदायतकार के तौर पर एस रोमाना गिरिवासन के साथ मिलकर फिल्म का स्क्रिप्ट लिखा। सुमित अरोड़ा ने मुकालमों में तआवन किया। एटली ने सिनेमाटोग्राफर GK वैष्णव,
एडिटर रोबन, आर्ट डायरेक्टर टी मेथोराज और असिस्टेंट डायरेक्टर अनिल आरसो समेत अपने ज्यादातर म्यारी तकनीकी माहरीन को स्पिरो रिजास्ट्रो, क्रेग मैकरा, यान बैन कमगदारी और सुनील रोड्रिगेज को असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर इस्तेमाल किया। फिल्म के डांस कोरियोग्राफरों में फराह खां, विभावी मर्चेंट, शोभी और नलिता शामिल हैं। मुकेश जाबड़ा कास्टिंग डायरेक्टर थे। खान ने बाप और बेटे के तौर पर डबल किरदार अदा किया। वो 6 मुख्तलिफ रूपों में नजर आएंगे। नैन थारा को खान के मध्य मुकाबल खतून मरकजी किरदार के तौर पर फाइनल किया गया। इस तरह उनकी फिल्म बंदी में पहली शुरुआत हुई। परिमानी, सुनील ग्रोवर, सानिया मल्होत्रा और योगी बाबा बाद में कास्ट में शामिल हुए। एक दहाई के बाद खान के साथ दोबारा मिलते हुए बाबू ने आखिरी बार चेन्नई एक्सप्रेस 2013 में खान के मध्य मुकाबल काम किया था। रानत गोपती को मुखालफ करदार की पेशकश की गई थी, लेकिन सेहत के मसाइल का वाला देते हुए इनकार कर दिया और इस तरह यह किरदार विजय सोपनी के पास चला गया। दीपिका पेडकोन अगस्त 2022 में कास्ट में शामिल हुए। मार्च से 2023 में संजय दत्त एक एक्शन सीन के दौरान एक कैमियो के लिए शूटिंग के लिए कास्ट में शामिल हुए। फोटोग्राफी का आगाज सितंबर 2021 में पुणे में हुआ। शाहरुख खान और नयनतारा 10 दिनों की शूटिंग में शामिल हुए। पुणे मेट्रो में शूटिंग की जाने वाली ये पहली फिल्म है। खान की जून 2022 में हैदराबाद में शूटिंग दोबारा शुरू हुई। नयनतारा ने अपनी शादी के बाद 26 जून 2022 को बम्बई के शेड्यूल में शमूलियत तैयार की। अगस्त में अगला शेड्यूल चेन्नई में शुरू हुआ, जहां दीपिका पेडुकोन ने अपना मुख्तसर सा हिस्सा शूट किया। बाद में विजय सेतुपति शूट में शामिल हुए। खान और सेतुपति के दरमियान कुछ एक्शन सीक्वेंस शेड्यूल किए गए। जिंदा बंदा गाना इस शेड्यूल के दौरान जेल में फिल्माया गया। 5 दिन तक शूट होने वाले इस गाने में 1000 डांसर शामिल हुए और इसकी कोरियोग्राफी शोभी पटराज ने की थी। इसके बाद गाना भी दोबारा शूट किया गया और इसे तमिल वर्जन में वंदा एडम और तेलुगु वर्जन में धुम्मे दोलीपिला के तौर पर शामिल किया गया। एक माह तक का तवील चेन्नई का शेड्यूल 7 अक्टूबर को ख़त्म हुआ। अगला शेड्यूल राजस्थान में अक्टूबर में मुनक्कद हुआ। खान और नयनतारा इस 20 दिन के शेड्यूल में शामिल हुए। अगला शेड्यूल फरवरी 2023 में मुनक्कद हुआ, जहां खान ने अपने कुछ मनाजर शूट किए। संजय दत्त 20 मार्च 2023 को शूट में शामिल हुए। एक्शन से भरपूर कैमियो शूट करने के लिए अप्रैल 2023 में चलिया के इनवान से एक गाना शूट किया गया, जिसमें खान और नयनतारा शामिल थे। इसी महीने के आखिर में एक गाना जिसमें खान और दीपिका पेडुकोन शामिल थे उनके मुख्तसर किरदार के लिए फिल्म सिटी मुंबई में शूट किया गया। दोनों गानों की कोरियोग्राफी फराह खान ने की थी। जुलाई के मिड में एक गाना नॉट रमैया वस्तावैया शूट किया गया, जिसमें खान और नयनतारा शामिल हैं। वे बॉबी मर्चेंट की कोरियोग्राफी मुंबई के यशराज स्टूडियो में की गई। फिल्म की पोस्ट प्रोडक्शन जनवरी 2023 तक शुरू हुई और 6 माह तक जारी रही, क्योंकि फिल्म में कंप्यूटर ग्राफिक्स हैरी हेंग्रोनी ने फिल्म के VFX प्रोड्यूसर के तौर पे केतन यादेव के साथ काम किया। किनार राजन ने साउंड डिजाइनर के तौर पे काम किया। अगस्त 2023 के शुरू में तैयार हो चुकी थी और इसे CBFC इदारे को जमा करा दिया गया था। 22 अगस्त 2023 को फिल्म को 169 मिनट के रन टाइम के साथ सेंसर बोर्ड से AU सर्टिफिकेट मिला। निर्वत को फिल्म के लिए कंपोज करने के लिए चुना गया। मौसीकी के राइट्स टी सीरीज ने हासिल किए। 2 मिनट के प्रोमो वीडियो में शामिल ट्रैक जवान प्रीव्यू थीम 10 जुलाई 2023 को जारी किया गया। इसमें राजा कुमारी ने रैप लिखा और परफॉर्म किया, जिसमें अनिर्वध और बेंजंग ने परफॉर्म किया। फिल्म का टाइटल एक झलक वीडियो के साथ 3 जून 2022 को जारी किया गया था। बाद में फिल्म मुलतवी हो गई और 6 मई 2023 को एक मोशन पोस्टर के जरिए नई रिलीज की तारीख का ऐलान किया गया। 10 जुलाई 2023 को एक टीजर ट्रेलर जारी किया गया। ये 24 घंटों में 112 मिलियन से ज़्यादा राय के साथ सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला हिंदुस्तानी टीजर बन गया। बाद में टीजर को मिशन इम्पॉसिबल, डेड रिकॉनिंग पार्ट 1 और गदर 2 के प्रिंट के साथ सिनेमा हॉल्स में मुंसलिक किया गया। फिल्म के ऑफिशियल ट्रेलर की नकाब कशाई 31 अगस्त 2023 को हुई। उसी दिन खान अपने मुदाहों के साथ ट्रेलर की रिलीज का जश्न मनाने दुबई पहुंचे और बुर्ज खलीफा पर इसकी नुमाइश की गई। ये बांग्लादेश में एक ही दिन रिलीज होने वाली पहली फिल्म है। पेन मनोदर एंटरटेनमेंट के बैनर के तहत शुमाली हिंदुस्तान और मगरबी हिंदुस्तान के सिनेमा हॉल के हकूक हासिल किए। श्री गोलगम मूवीज़ ने तमिलनाडु
और केरला में फिल्म थिएटर के डिस्ट्रीब्यूशन के हकूक हासिल किए और तमिलनाडु में रेड जॉइंट मूवीज और केरला में ड्रीम बग फिल्म के तहत रिलीज होंगे। श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए तकसीम के हकूक हासिल किए। मैसूर के इलाके के हकूक पैनोरामा स्टूडियो ने हासिल किए। FSV ने मगरबी बंगाल और अडीसा के लिए राजश्री प्रोडक्शन के हकूक हासिल किए। प्रकाश पिक्चर फिल्म ने बहार में हकूक हासिल किए। बैरून मुल्क फिल्म दिखाने के हकूक यश राज फिल्म को फरोख्त किए गए। होम स्क्रीन एंटरटेनमेंट ने सिंगापुर डिस्ट्रीब्यूशन के हकूक खरीदे, जबकि लाइट हाउस डिस्ट्रीब्यूशन ने स्पेन के लिए हकूक हासिल किए। एक्शन कट एंटरटेनमेंट रॉन्ग दोनों ग्रुप के साथ मिलकर बांग्लादेश में फिल्म की तकसीम के हकूक हासिल किए। फ्राइडे एंटरटेनमेंट इस फिल्म को फ्रांस में दिखाएगी। जवान मूवी एक्शन और थ्रिल से भरपूर है, जिसको एटली ने डायरेक्ट किया है और वो इसके को राइटर भी हैं। इसे गौरी खां और गौरव वर्मा ने रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के तहत प्रोड्यूस किया है। इसमें शाहरुख खान का डबल किरदार है। इनके साथ नयनतारा, विजय सिंह थोपनी, दीपिका पेडकोन, परिमानी और सानिया मल्होत्रा हैं। इसकी फोटोग्राफी का आगाज सितंबर 2021 में पुणे, बम्बे, हैदराबाद, चेन्नई और औरंगाबाद में हुआ। फिल्म का साउंड ट्रैक और बैकग्राउंड नीरज रविचंद्र ने तरतीब दिया था। इसकी सिनेमाटोग्राफी GK शैनव ने की थी और एडिटिंग रोबन ने। जवान को इब्तदाई तौर पर 2 जून 2023 को रिलीज करने का मनसूबा बनाया गया था, लेकिन पोस्ट प्रोडक्शन नामुकम्मल होने की वजह से इसे मुलतवी कर दिया गया था। बाद में इसे 7 सितंबर 2023 को IMAX और DX4 फॉर्मेट में रिलीज करने का प्रोग्राम बनाया गया। अब आते हैं जवान मूवी की स्टोरी पे। इसमें विक्रम राठौर एक साबिक फौजी हैं जो अपने माजी की इसलाह के लिए पुरअज़म हैं, जहां वो मुल्क भर में होने वाली डकैतियों के सिलसिले में 6 हुनरमंद खवातीन की टीम की क्यादत करते हैं और मुंबई मेट्रो को हाईजैक करता है। विक्रम को मालूम हुआ है कि इसका तवील अरसे से खोया हुआ बेटा आज़ाद राठौर एक ईमानदार पुलिस अफसर है, जिसे काली ने निशाना बनाया है, जो दुनिया का चौथा सबसे बड़ा असला डीलर है। विक्रम काले को ख़त्म करने के मिशन पर निकलता है। अगर इसकी कास्ट की बात की जाए तो शाहरुख खान विक्रम राठौर और आज़ाद राठौर के दोहरे किरदार में देखे जाएंगे। नयनतारा काले के तौर पर विजय सिंह थोपनी, दीपिका पेडकोन विजय से थोपती दीपिका खसूसी रूप में नजर आएंगे। परिमानी, सुनील गौरव, रद्दि डोगरा, सानिया मल्होत्रा, संजीता भट्टाचार्य, आलिया कुरैशी, योगी बाबा, इजाज खां, आस्था अग्रवाल, जाफर सादक, गणेश गौरन, रविंदर वजे और संजय दत्त एक मुख्तसर किरदार में नजर आएंगे। 2019 के आखिर में ही अफवाह थी कि शाहरुख खान तमिल फिल्म डायरेक्टर एटली के साथ मिलकर काम करेंगे। मई 2021 में ये इतला मिली कि फिल्म बंदी जल्द ही शुरू हो जाएगी। इस फिल्म को गौरी खान ने रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के तहत प्रोड्यूस किया, जबकि गौरव वर्मा को प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। ये फिल्म 300 करोड़ रुपये के बजट से बनाई जा रही है। एटली ने हदायतकार के तौर पर एस रोमानागिरीवासन के साथ मिलकर फिल्म का स्क्रिप्ट लिखा। सुमित अरोड़ा ने मुकालमों में तआवन किया। एटली ने सिनेमाटोग्राफर GK वैष्णव, एडिटर रोबन, आर्ट डायरेक्टर टी मेथोराज और असिस्टेंट डायरेक्टर अनिल आरसो समेत अपने ज्यादातर म्यारी तकनीकी माहरीन को स्पिरो रिजास्ट्रो, क्रेग मैकरा, यांग बैन, कमुगदारी और सुनील रोड्रिगेज को असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर इस्तेमाल किया। फिल्म के डांस कोरियोग्राफरों में फराह खां, विभावी मर्चेंट, शोभी और नलिता शामिल हैं। मुकेश जाबड़ा कास्टिंग डायरेक्टर थे। खान ने बाप और बेटे के तौर पर डबल किरदार अदा किया। वो 6 मुख्तलिफ रूपों में नजर आएंगे। नयनतारा को खान के मध्य मुकाबल खतून मरकजी किरदार के तौर पर फाइनल किया गया। इस तरह उनकी फिल्म बंदी में पहली शुरुआत हुई। परिमानी, सुनील ग्रोवर, सानिया मल्होत्रा और योगी बाबा बाद में कॉस्ट में शामिल हुए। एक दहाई के बाद खान के साथ दोबारा मिलते हुए बाबू ने आखिरी बार चेन्नई एक्सप्रेस 2013 में खान के मध्य मुकाबल काम किया था। राणा दुगोपती को मुखालफ किरदार की पेशकश की गई थी, लेकिन सेहत के मसाइल का वाला देते हुए इनकार कर दिया और इस तरह यह किरदार विजय सोपनी के पास चला गया। दीपिका पेडकोन अगस्त 2022 में कास्ट में शामिल हुई। मार्च 2023 में संजय दत्त एक एक्शन सीन के दौरान एक कैमियो के लिए शूटिंग के लिए कास्ट में शामिल हुए। फोटोग्राफी का आगाज सितंबर 2021 में पुणे में हुआ। शाहरुख खान और नयनतारा 10 दिनों की शूटिंग में शामिल हुए। पुणे मेट्रो में शूटिंग की जाने वाली ये पहली फिल्म है। खान की जून 2022 में हैदराबाद में शूटिंग दोबारा शुरू हुई। नयनतारा ने अपनी शादी के बाद 26 जून 2022 को बम्बई के शेड्यूल में शमूलियत तैयार की। अगस्त में अगला शेड्यूल चेन्नई में शुरू हुआ, जहां दीपिका पेडकोन ने अपना मुख्तसर सा हिस्सा शूट किया। बाद में विजय से थोपती,
शूट में शामिल हुए। खान और सेथोपती के दरमियान कुछ एक्शन सीक्वेंस शेड्यूल किए गए। जिंदा बंदा गाना इस शेड्यूल के दौरान जेल में फिल्माया गया। 5 दिन तक शूट होने वाले इस गाने में 1000 डांसर शामिल हुए और इसकी कोरियोग्राफी शोभी पटराज ने की थी। इसके बाद गाना भी दोबारा शूट किया गया और इसे तमिल वर्जन में वंदा एडम और तेलुगु वर्जन में धम्मे दोली पिला के तौर पर शामिल किया गया। 1 माह तक का तवील चनाई का शेड्यूल 7 अक्टूबर को ख़त्म हुआ। अगला शेड्यूल राजस्थान में अक्टूबर में मुनक्कद हुआ। खान और नयनतारा इस 20 दिन के शेड्यूल में शामिल हुए। अगला शेड्यूल फरवरी 2023 में मुनक्कद हुआ, जहां खान ने अपने कुछ मनाजर शूट किए। संजय दत्त 20 मार्च 2023 को शूट में शामिल हुए। एक्शन से भरपूर कैमियो शूट करने के लिए अप्रैल 2023 में चलिया के इनवान से एक गाना शूट किया गया, जिसमें खान और नयनतारा शामिल थे। इसी महीने के आखिर में एक गाना जिसमें खान और दीपिका पेडकोन शामिल थे, उनके मौतसर किरदार के लिए फिल्म सिटी मुंबई में शूट किया गया। दोनों गानों की कोरियोग्राफी फराह खान ने की थी। जुलाई के मिड में एक गाना नॉट रमैया वस्ता वैया शूट किया गया, जिसमें खान और नयनतारा शामिल हैं। वे बॉबी मर्चेंट की कोरियोग्राफी मुंबई के यशराज स्टूडियो में की गई। फिल्म की पोस्ट प्रोडक्शन जनवरी 2023 तक शुरू हुई और 6 माह तक जारी रही, क्योंकि फिल्म में कंप्यूटर ग्राफिक्स हैरी हेंग्रोनी ने फिल्म के VFX प्रोड्यूसर के तौर पे कैतन यादेव के साथ काम किया। किन्नर राजन ने साउंड डिजाइनर के तौर पे काम किया। अगस्त 2023 के शुरू में तैयार हो चुकी थी और इसे CBFC इदारे को जमा करा दिया गया था। 22 अगस्त 2023 को फिल्म को 169 मिनट के रन टाइम के साथ सेंसर बोर्ड से AU सर्टिफिकेट मिला। निर्वत को फिल्म के लिए कंपोज करने के लिए चुना गया। मौसीकी के राइट्स टी सीरीज ने हासिल किए। 2 मिनट के प्रोमो वीडियो में शामिल ट्रैक जवान प्रियू थीम 10 जुलाई 2023 को जारी किया गया। इसमें राजा कुमारी ने रैप लिखा और परफॉर्म किया, जिसमें अनिर्वध और बेंजंग ने परफॉर्म किया। फिल्म का टाइटल एक झलक वीडियो के साथ 3 जून 2022 को जारी किया गया था। बाद में फिल्म मुलतवी हो गई और 6 मई 2023 को एक मोशन पोस्टर के जरिए नई रिलीज की तारीख का ऐलान किया गया। 10 जुलाई 2023 को एक टीजर ट्रेलर जारी किया गया। ये 24 घंटों में 112 मिलियन से ज़्यादा राय के साथ सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला हिंदुस्तानी टीजर बन गया। बाद में टीजर को मिशन इम्पॉसिबल, डेड रिकॉनिंग पार्ट 1 और गदर 2 के प्रिंट के साथ सिनेमा हॉल्स में मुंसलिक किया गया। फिल्म के ऑफिशियल ट्रेलर की नकाब कशाई 31 अगस्त 2023 को हुई। उसी दिन खान अपने मुदाहों के साथ ट्रेलर की रिलीज का जश्न मनाने दुबई पहुंचे और बुर्ज खलीफा पर इसकी नुमाइश की गई। ये बांग्लादेश में एक ही दिन रिलीज होने वाली पहली फिल्म है। पेन मनोदर एंटरटेनमेंट के बैनर के तहत शुमाली हिंदुस्तान और मगरबी हिंदुस्तान के सिनेमा हॉल के हकूक हासिल किए। श्री गोलगम मूवीज़ ने तमिलनाडु और केरला में फिल्म थिएटर के डिस्ट्रीब्यूशन के हकूक हासिल किए और तमिलनाडु में रेड जॉइंट मूवीज़ और केरला में ड्रीम बग फिल्म के तहत रिलीज होंगे। श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए तकसीम के हकूक हासिल किए। मैसूर के इलाके के हकूक पैनोरामा स्टूडियो ने हासिल किए। FSV ने मगरबी बंगाल और अडीसा के लिए राजश्री प्रोडक्शन के हकूक हासिल किए। प्रकाश पिक्चर फिल्म ने बहार में हकूक हासिल किए। बैरून मुल्क फिल्म दिखाने के हकूक यशराज फिल्म को फरोख्त किए गए। होम स्क्रीन एंटरटेनमेंट ने सिंगापुर डिस्ट्रीब्यूशन के हकूक खरीदे, जबकि लाइट हाउस डिस्ट्रीब्यूशन ने स्पेन के लिए हकूक हासिल किए। एक्शन कट एंटरटेनमेंट रॉन्ग दोनों ग्रुप के साथ मिलकर बांग्लादेश में फिल्म की तकसीम के हकूक हासिल किए। फ्राइडे एंटरटेनमेंट इस फिल्म को फ्रांस में दिखाएगी।